हेलो दोस्तों आपका मेरे चैनल में स्वागत है तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है मारक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी ये एक पेन इंडिया फिल्म थी जिसको मलयालम लैंग्वेज में बनाया गया था वहीं पे तमिल तेलुगु कन्नडा और हिंदी में डब करके थिएटर में रिलीज़ किया गया था थिएट्रिकल रिलीज से पहले इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ था और कोविड के बाद इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज भी दिलवाई गई थी इस फिल्म का जो है एपिक हिस्टोरिकल एक्शन तो इस फिल्म का जो ओ वर्जन है सैटेलाइट वर्जन है वो कौन से ओ और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा सभी वर्जन में उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी डिटेलिंग मिलेगी फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा और साथ ही में फिल्म के अलग अलग स्पीक के ऊपर भी बातचीत की जाएगी फिल्म से जुड़े जितने भी जो इंटरेस्टिंग तथ्य है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग इंटरेस्टिंग और बेहतरीन होने वाला है तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं मरक्र लायन ऑफ द अरेबियन सी इस फिल्म को मलयालम वर्जन में टाइटल दिया हुआ है मरक्र अरब गेत सिंहम और तमिल टाइटल है मरक्ार अरब कत्त लाल सिंगम इसके अलावा इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी टाइटल दिया हुआ था मरक्कन समुद्र का लुटेरा करके तो इस तरह से अलग अलग वर्जन में टाइटल दिया था लेकिन एक इंग्लिश टाइटल कॉमन था मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी जिसको डिरेक्ट किया हुआ प्रिया दर्शन ने स्टोरी आइडिया प्रिया दर्शन का था डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें प्रिया दर्शन ने खुद की हुई है अंशी सासी ने इस फिल्म का डायलॉग और स्क्रीन प्ले में मदद की हुई है फिल्म को मलयालम तमिल साइमेंटेनसली दो वर्जन में क्रिएट किया गया था फिल्म का बजट करीबन सौ करोड़ था मलयालम लैंग्वेज की तरफ से कोई ऐसी फिल्म आ रही हो बड़ी फिल्म और उसका बजट इतना हो इसी पहली फिल्म थी क्योंकि इतना बड़ा बजट के साथ मलयालम लैंग्वेज में पहली फिल्म नहीं बनी थी और इस फिल्म के लिए टाइम भी काफ़ी अच्छा खासा लगाया गया वैसे तीस पैंतीस दिन में मलयालम लैंग्वेज की फिल्म शूट हो जाती है लेकिन इस फिल्म के लिए काफी बड़ा टाइम लगा था और साथ ही में इस फिल्म की जो शूटिंग थी उसके लिए प्रॉपर सेट क्रिएट किए गए थे जिसमें भी अच्छा खासा खर्चा किया गया था इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एंटोनी पेरूबरव ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी आशीर्वाद सिनेमाज और कॉन्फिडेंट ग्रुप के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है इस फिल्म को वी क्रिएशन ने तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट किया था फास्ट फिल्म ने ओवरसीज में वहीं पे पर सिनेमाज और एंटरटेनमेंट्स ने केरला वर्जन में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी तिरु ने की हुए एम एस अयपरनेर ने एडिटिंग की हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर राहुल राज और अंकित सूरी ने किए हुए लेल इवान रोइर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था वहीं पे सॉन्ग है वो रोनी राफेल ने किए हुए फिल्म के के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो है वो अलग-अलग में -अलग में भी बाद किया किया गया था पे इंडिया लेवल पे इस फिल्म किया गया था क्योंकि को था उस वजह से इस फिल्म के गानों को 2018 से बीच के बीच के बीच में रिकॉर्ड किया गया था साइना म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइट्स थे वैसे अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग राइट्स बेचे गए थे जैसे कि हिंदी वर्जन के जो राइट्स थे गानों के वो अलग वर्जन के लिए अलग अलग को बेचे गए थे तेलुगु वर्जन के लिए मैंगो म्यूजिक वालों ने राइट्स रखे हुए थे और इस फिल्म के जो दूसरे सभी वर्जन थे जिसमें डीवो पर हमवा स्टूडियो ने भी राइट्स अपने पास रखे हुए थे तो इस तरह से अलग अलग वर्जन के लिए गानों के राइट्स बेचे गए थे इसके अलावा इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अब हम बातचीत करें तो मोहम्मद अली जो कुली मरक्र फाइ है उसका रोल मोहनलाल ने प्ले किया हुआ है यंग कुंजाली का रोल प्रणव मोहनलाल को दिया गया था आनंद मंगल लच्चानकर के जो रोल था वो अर्जुन सरजा ने प्ले किया था यंग आनंदन का रोल अरुण कुरियन ने दिया हुआ था वहीं पे चंद्रोत पेनीकर के रोल में सुनील शेट्टी देखने को मिलेंगे तंगुडू के रोल में प्रभु देखने, देखने को मिलेंगे समुथिर के रोल में नींदमोड़ी वेडू देखने को मिलेंगे धर्मोत पेनीकर का रोल मुकेश ने प्ले किया हुआ है पत्तु मरकर का रोल सीद्क्की ने प्ले किया हुआ सबैडा का रोल है सुबेदा का रोल है वो मंजू वॉरियर ने प्ले किया हुआ है अर्चा का रोल कीर्ति सुरेश को दिया गया था आयसा का रोल कल्याणी प्रिया दर्शन ने प्ले किया हुआ है अच्छु तन्ना मगध का रोल अशोक सेलवान ने प्ले किया हुआ है यंग अच्छु का रोल जीतिन पेतचर ने प्ले किया हुआ है चेंग जुआन चिन्नाली का रोल जय जय जकी को दिया गया था नमन स्कुरुप का रोल इनोसेंट को दिया गया था वेर कुत्तू पेनीकर का रोल के बी गणेश कुमार ने प्ले किया हुआ है पुथुमाना पेनिकर का रोल बाबूराज को दिया गया था मंगत चारन का रोल हरीश पेराडी को दिया गया था अबूकार हाजी के रोल में ममू कोया देखने को मिलेंगे वहीं पे वत्तु नेर वाला रोल है वो नंदू ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में फाजिल देखने को मिलेंगे जिन्होंने कुत्ती अली मरक्कर का रोल प्ले किया हुआ है कोकल्टू पेनिकर का रोल संतोष की किरजोतर को दिया गया था सुहासिनी मनी रत्नम इस फिल्म में कदी जुम्मा के रोल में देखने को मिलेंगे मोयडू के रोल में मोयडू का रोल है वो सुरेश कृष्णा ने प्ले किया हुआ है मई कुत्ती का रोल मनी कुत्तन ने प्ले किया हुआ है कोची राजा के रोल में आपको जी सुरेश कुमार देखने को मिलेंगे कोची राजा एडवाइजर का रोल श्रीकांत मुरली को दिया गया था ट्रांसलेटर का रोल कृष्णा प्रसाद को दिया गया था नामब्यथिर

जहाँ पे बाद में प्रिया दर्शन ने कहीं एक्टर्स को इस आइडिया को सुनाया हुआ था 99 में इस पीच को कंफर्म किया गया था और इस फिल्म के ऊपर काम होने वाला था लेकिन इस फिल्म के लिए बजट काफ़ी ज़्यादा चाहिए था जो उस समय हो नहीं पाता विजुअल इफेक्ट्स थे वो उस समय उतने बेहतर नहीं हो पाते और इस प्रोजेक्ट को बाद में जया के साथ रिवाइव किया गया था दो हज़ार में लेकिन तब भी ये सभी चीज़ें नहीं बन पाई ओगर सिनेमा के द्वारा इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के राइट्स खरीदे गए थे उसके बाद में कास्ट्रूट के ऊपर बातचीत की गई थी तब भी ये चीज़ें नहीं हो पाई 2013 में में ने हिंदी फिल्म में रिवील किया हुआ था कि वो मलयालम लैंग्वेज पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म में काम करे जिसमें मोहनलाल रोल में होने वाले 2017 में कहा गया था कि इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर शूटिंग स्टार्ट होने वाले इस फिल्म को हम एक उनकी हिंदी फिल्म वो कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट करवाया जाएगा इस फिल्म के ऊपर करीबन दस से ज़्यादा महीने की रिसर्च लगेगी उसके बाद में शूटिंग स्टार्ट की जाएगी उसके बाद में धीरे धीरे इस फिल्म के ऊपर काम करना स्टार्ट किया गया फिल्म की शूटिंग को बाद में दो के आसपास कोची से स्टार्ट किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के कास्टिंग और शूटिंग के ऊपर काम किया गया फिल्म को करीबन पचास से साठ दिनों की शूटिंग में अलग अलग शेड्यूल में कंप्लीट करवाया गया था फिल्म के ऊपर करीबन अस्सी से सौ करोड़ का बजट लगाया गया और मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से वन ऑफ दी हाइस्ट बजट वाली फिल्मों के श्रेणी में इस फिल्म को शामिल किया गया था इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो साइठ मिनट की लेंथ साउंड ट्रेक की जिसमें 2018 से 20 तक गानों को रिकॉर्ड किया गया था एक अगस्त 2021 तक सभी गानों को रिलीज किया गया था मलयालम और हिंदी वर्जन के ऊपर मैं आपको ट्रैक लिस्टिंग बता देता हूं पहला गाना है कुंजू कुंजाली दूसरा गाना है कनीले इंथे दूसरा गाना है चिबिनते चिल्लुला तीसरा गाना है लिवील्ले पाँचवा गाना है नीए इंथाए छठा गाना है कुंजू कुंजाली इंस्ट्रूमेंट वजन तो इनको हिंदी में भी क्रिएट किया गया था तो हिंदी टाइटल थे नन्हे हे कुंजाली दूसरा गाना था आंखों में तीसरा गाना था प्यारा सा कुंजाली वहीं पे मध्यम करके एक गाना था और हे नंद लाला और एक इंस्ट्रूमेंटल था नन्हे है कुंजाली का तो ये गाने हिंदी में भी क्रिएट किए गए थे इन सभी गानों को फिलहाल में यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में डी वो म्यूजिक परवा स्टूडियो और सैना म्यूजिक इन सभी यूट्यूब चैनल के ऊपर अलग वर्जन में आप इंजॉय कर सकते हो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी मरकर के किरदार के ऊपर इस बेस्ट है जहाँ पे सोलहवीं शताब्दी के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे कुंजाली मरकर जिसका रोल प्ले करें मोहन लाल उनके किरदार के ऊपर बेस्ट है जिसकी फैमिली को काफ़ी ब्रूटल वे में मार दिया जाता है जहाँ पे कुंजली जंगल को चलाता हुआ आ रहा है बाद में वो जंगल में गरीबों का मसीहा बन जाता है उसी समय के दौरान जो जुमरीन का किंगडम है जो उसके ऊपर पोर्तज अटैक कर देते तो उस किंगडम के जो चीफ होते वो कुंजाली को अप्रोच करते उनसे मदद मांगते हैं और कुंजाली पुरतगेज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो किस तरह से जीतता है वही चीज़ों के ऊपर फिल्म के कहानी की कहानी सेट की हुई फिल्म का इफेक्ट्स काफी बढ़िया है मेजर अट्रैक्शन कह सकते हैं सिनेमाटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी इस फिल्म में काफ़ी सारे मल्टीपल एडवांटेज कह सकते हैं मल्टीपल स्टार थे वो फिल्म के लिए बड़ा एडवांटेज था क्योंकि फिल्म की हर एक स्क्रीन में कोई ना कोई बड़ा स्टार बड़ी एक्ट्रेस आपको देखने को मिलती है फिल्म को काफ़ी रियलिस्टिक बेड्रॉक के साथ दिखा गया था जहाँ पर चीज़ों को काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था मोहन इस फिल्म की लाइट एंड सोल है जिस तरह से उन्होंने एक टेरीफिक परफॉर्मेंस डिलीवर की हुए वो आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से चलाते हुए नजर आते कीर्ति सुरेश ने इस फिल्म में काफी बढ़िया काम किया हुआ है जहां पे अर्जुन सरजा सुनील शेट्टी कल्याणी प्रिया दर्शन भी अच्छा रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं इस फिल्म के स्टंट एक्शन ब्लॉक आपको जरूर पसंद आएंगे वो काफी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किए हुए फिल्म का सेकंड आप उतना कुछ खास नहीं था वो थोड़ा स्लो नजर आता है उसको थोड़ा खिंचा हुआ ऐसा नजर आता है लेंदी रन टाइम था उसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए था चीज़ों को थोड़ा बेहतर वे में दिखाया जा सकता था फिल्म में किरदार में उतनी देव नज़र नहीं आते उसको बेहतर किया जा सकता था प्रोडक्शन वाली फिल्म की काफ़ी टॉप नोट नजर आएगी इस फिल्म की हर एक स्क्रीन में हर एक का सीन में काफ़ी पैसा खर्च किया वैसा नज़र आता है प्रोडक्शन डिजाइन काफी बढ़िया था किसी सबूत रील ने की हुई है जहाँ पे इस फिल्म में जो प्रॉप्स यूज़ किए हुए जो रॉयल लुक दिया हुआ है वो काफ़ी अच्छा है एक्शन को काफी अमेजिंग तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ है एडिटिंग बेहतर हो सकती थी करीबन फिल्म को पंद्रह बीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था डायरेक्टर प्रिया दर्शन ने एक बिलो एवरेज काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म की कहानी को काफी अच्छे तरह से लिखा हुआ था लेकिन उसको बेहतर वे में, में वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए कुल मिला के मरक्कर विजुअली काफी एक बढ़िया ट्रीट दी जाती है लेकिन फिल्म में इमोशन से उसमें डेप की कमी नजर आती है प्रोसीडिंग काफी लेंदी नजर आती है और उसमें काफी ज्यादा कनेक्शन की कमी नजर आती है इसमें काफी ज्यादा हेवी मलयालम फ्लेवर है इस वजह से आप अगर मलयालम फिल्म में देखना उतना कुछ खास प्रीफर नहीं करते हो तो शायद आपको कम पसंद आएगी अदरवाइज ओवरऑल एक अच्छी फिल्म कह सकते हो उसको वन टाइम वॉच के लिए ज़रूर देख सकते हो रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को मलयालम के साथ साथ तमिल तेलुगु कन्नड़ा हिंदी सभी वर्जन में दो दिसंबर दो को यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे आई एम इस फिल्म को करीबन दस वोट मिले हुए जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और इस फिल्म को बाद में थिएट्रिकल रिलीज के करीब थोड़े दिनों के बाद ऑफिशियली ओ टी और सैटेलाइट पे प्रीमियर करवा दिया गया था करीबन 2 दिसंबर 2021 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था मिक्स रिस्पॉन्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना कुछ खास ना आने की वजह से फिल्म को 17 दिसंबर 2021 तक डायरेक्ट ओ पे प्रीमियर करवा दिया गया था इसका मतलब थिएट्रिकल रिलीज़ के पंद्रह दिनों में ही फिल्म को ओ टी पे अवेलेबल करवा दिया था अब कौन से ओ टी ने राइट्स ख़रीदे कहाँ पर देखने को मिले ये फिल्म उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं फिल्म के ओ राइट्स सभी वर्जन जैसे कि मलयालम मेन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा ये सभी वर्जन के राइट्स है वो खरीदे हुए अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने जिन्होंने काफ़ी बड़ी रकम देते हुए इसके राइट्स ख़रीदे हुए थे तो ये फिल्म फिलहाल में मरक्र लाइन ऑफ द अरेबियन सी नाम के साथ मलयालम तमिल तेलुगु कन्नडा और हिंदी ये सभी वर्जन में ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मरक्कर फिल्म का जो ओ वर्ज़न है वो आपको ऑफिशियली अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे फिल्म ऑफिशियली आपको तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा और हिंदी इन सभी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देखने को मिल जाएगी जहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे इस फिल्म को बाद में आप सेटेलाइट चैनल्स के ऊपर रिस्पेक्टेड लैंग्वेज चैनल के ऊपर भी ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी इस फिल्म को मलयालम वर्जन में टाइटल दिया हुआ है मरकर अरब ग सिमहम और तमिल टाइटल है मरक्यार अरब कत्त ने सिंगम इसके अलावा इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी टाइटल दिया हुआ था मरक्कन समुद्र का लुटेरा करके तो इस तरह से अलग अलग वर्जन में टाइटल दिया था लेकिन एक इंग्लिश टाइटल कॉमन था मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी जिसको डिरेक्ट किया हुआ है प्रिया दर्शन ने स्टोरी आइडिया प्रिया दर्शन का था डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें प्रिया दर्शन ने खुद की हुई है अंशी सासी ने इस फिल्म का डायलॉग और स्क्रीन प्ले में मदद की हुई है फिल्म को मलयालम तमिल साइमटेनसली दो वर्जन में क्रिएट किया गया था फिल्म का बजट करीबन सौ करोड़ था मलयालम लैंग्वेज की तरफ से कोई ऐसी फिल्म आ रही हो बड़ी फिल्म और उसका बजट इतना हो इसी पहली फिल्म थी क्योंकि इतना बड़ा बजट के साथ मलयालम लैंग्वेज में पहली फिल्म नहीं बनी थी और इस फिल्म के लिए टाइम भी काफी अच्छा खासा लगाया गया वैसे तीस पैंतीस दिन में मलयालम लैंग्वेज की फिल्में शूट हो जाती है लेकिन इस फिल्म के लिए काफ़ी बड़ा टाइम लगा था और साथ ही में इस फिल्म की जो शूटिंग थी उसके लिए प्रॉपर सेट क्रिएट किए गए थे जिसमें भी अच्छा खासा खर्चा किया गया था इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एंटोनी पेरूबरव ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी आशीर्वाद सिनेमाज और कॉन्फिडेंट ग्रुप के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है इस फिल्म को वी क्रिएशन ने तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट किया था फास्ट फिल्म ने ओवरसीज में वहीं पर मैक्स लेव सिनेमाज और एंटरटेनमेंट्स ने केरला वर्जन में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी तिरु ने की हुए एम एस अयपरनेर ने एडिटिंग की हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर राहुल राज और अंकित सूरी ने किए हुए लेल इवान रोइ्टर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था वहीं पे सॉन्ग है वो रोनी राफेल कंपोज किए हुए फिल्म के के तो फिल्म, अलग -अलग फिल्म, फिल्म के के ऊपर बातचीत करें तो का जो साउंड था उस वजह से बीच, के, बीच, के बीच में रिकॉर्ड किया गया था साइना म्यूजिक के पास म्यूजिक के थे वैसे अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग राइट्स बेचे गए थे जैसे कि हिंदी वर्जन के जो राइट्स थे गानों के वो अलग वर्जन के लिए अलग अलग को बेचे गए थे तेलुगु वर्जन के लिए मैंगो म्यूजिक वालों ने राइट्स रखे हुए थे और इस फिल्म के जो दूसरे सभी वर्जन थे जिसमें डीवो पर हमवा स्टूडियो ने भी राइट्स अपने पास रखे हुए थे तो इस तरह से अलग अलग वर्जन के लिए गानों के राइट्स बेचे गए थे इसके अलावा इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अब हम बातचीत करें तो मोहम्मद अली जो कुंजाली मरक्कर फाइ है उसका रोल मोहनलाल ने प्ले किया हुआ है यंग कुंजाली का रोल प्रणव मोहनलाल को दिया गया था आनंद मंगल चांद जो रोल था वो अर्जुन सरजा ने प्ले किया हुआ था यंग आनंदन का रोल अरुण कुरियन ने दिया हुआ था वहीं पे चंद्रोत पेनीकर के रोल में सुनील शेट्टी देखने को मिलेंगे के रोल में प्रभु देखने को मिलेंगे समुथीर के रोल में वेडू देखने को मिलेंगे पेनिकर का रोल मुकेश ने प्ले किया हुआ है पत्तु मरकर का रोल सिदकी ने प्ले किया हुआ सबैडा का रोल है सुबेदा का रोल है वो मंजू वॉरियर ने प्ले किया हुआ है अर्चा का रोल कीर्ति सुरेश को दिया गया था आयसा का रोल कल्याणी प्रिया दर्शन ने प्ले किया हुआ है अच्छु तना मगध चाह का रोल अशोक सेलवान ने प्ले किया हुआ है यंग अच्छु का रोल जीती ने प्ले किया हुआ है चेंग जुआन चिन्नाली का रोल जय जे जकी को दिया गया था नमन गुरुप का रोल इनोसेंट को दिया गया था वीर कुत्तो पेनिकर का रोल केबी गणेश कुमार ने प्ले किया हुआ है पुथुमाना पेनिकर का रोल बाबूराज को दिया गया था मंगत चारण का रोल हरीश पेराडी को दिया गया था अबूकार हाजी के रोल में ममू कोया देखने को मिलेंगे वहीं पर कुथीवत्तू नेर वाला रोल है वो नंदू ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में फा फाजिल देखने को मिलेंगे जिन्होंने कुत्ती <स्थियाली> अली <थारीग> मरक्कर का रोल प्ले किया हुआ है कोकल तो पेनीकर का रोल संतोष किरजोतर को दिया गया था सुहासिनी मनी रत्नम इस फिल्म में कदी जुम्मा के रोल में देखने को

ऑपेरेंस एंटनी पेरुमवर ने दिया हुआ जो फिल्म के प्रोड्यूसर है वहीं पे विक्रमन ने इस फिल्म में राजगरू का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को पहले 1996 के आसपास बनाने वाले थे जहां पे बाद में प्रिया दर्शन ने कई एक्टर्स को इस आइडिया को सुनाया हुआ था 99 में इस स्पीच को कंफर्म किया गया था और इस फिल्म के ऊपर काम होने वाला था लेकिन इस फिल्म के लिए बजट काफ़ी ज़्यादा चाहिए था जो उस समय हो नहीं पाता विजुअल इफेक्ट्स थे वो उस समय उतने बेहतर नहीं हो पाते और इस प्रोजेक्ट को बाद में जया के साथ रिवाइव किया गया था दो हज़ार में लेकिन तब भी ये सभी चीज़ें नहीं बन पाई ओगर सिनेमा के द्वारा इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के राइट्स खरीदे गए थे उसके बाद में कास्टरूट के ऊपर बातचीत की गई थी तब भी ये चीज़ें नहीं हो में ने हिंदी फिल्म में रिवील किया हुआ था कि वो मलयालम लैंग्वेज पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म में काम करे जिसमें मोहनलाल रोल में होने वाले 2017 में कहा गया था कि इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर शूटिंग स्टार्ट होने वाले इस फिल्म को हम एक उनकी हिंदी फिल्म वो कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट करवाया जाएगा इस फिल्म के ऊपर करीबन दस से ज़्यादा महीने की रिसर्च लगेगी उसके बाद में शूटिंग स्टार्ट की जाएगी उसके बाद में धीरे धीरे इस फिल्म के ऊपर काम करना स्टार्ट किया गया फिल्म की शूटिंग को बाद में 2018 के आसपास कोची से स्टार्ट किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के कास्टिंग और शूटिंग के ऊपर काम किया गया फिल्म को करीबन पचास से साठ दिनों की शूटिंग में अलग अलग शेड्यूल में कंप्लीट करवाया गया था फिल्म के ऊपर करीबन अस्सी से सौ करोड़ का बजट लगाया गया और मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से वन ऑफ दी हाईएस्ट बजट वाली फिल्मों की श्रेणी में इस फिल्म को शामिल किया गया था इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो साइंट मिनट की लेंथ है साउंड ट्रेक की जिसमें 2018 से 20 तक गानों को रिकॉर्ड किया गया था एक अगस्त 2021 तक सभी गानों को रिलीज किया गया था मलयालम और हिंदी वर्जन के ऊपर मैं आपको ट्रैक लिस्टिंग बता देता हूँ पहला गाना है कुंजू कुंजाली दूसरा गाना है कनीले इंते दूसरा गाना है चेबिनते चिल्लुला तीसरा गाना है इीलो पाँचवा गाना है नी ये है छठा गाना है कुंजू कुंजाली इंस्ट्रूमेंट वर्जन तो इनको हिंदी में भी क्रिएट किया गया था तो हिंदी टाइटल थे नन्हे है कुंजाली दूसरा गाना था आँखों में तीसरा गाना था प्यारा सा कुंजाली वहीं पे मध्यम करके एक गाना था और हे नंद लाला और एक इंस्ट्रोमेंटल था नन्हे है कुंजाली का तो ये गाने हिंदी में भी क्रिएट किए गए थे इन सभी गानों को फिलहाल में यूट्यूब पर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में म्यूज़िक पर वो स्टूडियो और सैना म्यूजिक इन सभी यूट्यूब चैनल के ऊपर अलग वर्जन में आप इंजॉय कर सकते हो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी मरकर के किरदार के ऊपर इस बेस्ट है जहाँ पे सोलहवीं शताब्दी के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे कुंजाली मरकर जिसका रोल प्ले करे मोहन लाल उनके किरदार के ऊपर बेस्ट है जिसकी फैमिली को काफ़ी ब्रूटल वे में मार दिया जाता है जहाँ पे कुंजली जंगल को चलाता हुआ आ रहा है बाद में वो जंगल में गरीबों का मसीहा बन जाता है उसी समय के दौरान जो जुमरीन का किंगडम है जो उसके ऊपर पोर्टुगीज़ अटैक कर देते तो उस किंगडम के जो चीफ होते वो कुंजाली को अप्रोच करते हैं उनसे मदद मांगते हैं और कुंजाली पुरतगेज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो किस तरह से जीतता है वही चीज़ों के ऊपर फिल्म के की कहानी सेट की हुई फिल्म का इफेक्ट काफी बढ़िया है मेजर अट्रैक्शन कह सकते हैं सिनेमाटोग्राफी काफी बढ़िया थी इस फिल्म में काफ़ी सारे मल्टीपल एडवांटेज कह सकते हैं मल्टीपल स्टार थे वो फिल्म के लिए बड़ा एडवांटेज था क्योंकि फिल्म की हर एक स्क्रीन में कोई ना कोई बड़ा स्टार बड़ी एक्ट्रेस आपको देखने को मिलती है फिल्म को काफ़ी रियलिस्टिक बेडरॉक के साथ दिखा गया था जहाँ पे चीज़ों को काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था मोहन इस फिल्म की लाइट एंड सोल है जिस तरह से उन्होंने एक टेरिफिक परफॉर्मेंस डिलीवर

ंड उतना कुछ खास नहीं था वो थोड़ा स्लो नजर आता है उसको थोड़ा खींचा हुआ ऐसा नज़र आता है लेंदी रन टाइम था उसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए था चीज़ों को थोड़ा बेहतर वे में दिखाया जा सकता था फिल्म में किरदार में उतनी देव नज़र नहीं आते उसको बेहतर किया जा सकता था प्रोडक्शन वाली फिल्म की काफ़ी टॉप नोट नज़र आएगी इस फिल्म की हर एक स्क्रीन में हर एक सीन में काफ़ी पैसा खर्च किया वैसा नज़र आता है प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी बढ़िया था किसी सबूत स्क्रील ने की हुई है जहाँ पे इस फिल्म में जो प्रॉप्स यूज़ किए हुए जो रॉयल लुक दिया हुआ है वो काफ़ी अच्छा है एक्शन सीक्वेंस को काफ़ी अमेजिंग तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ है एडिटिंग बेहतर हो सकती थी करीबन फिल्म को पंद्रह बीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था डायरेक्टर प्रिया दर्शन ने एक बिलो एवरेज काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म की कहानी को काफी अच्छी तरह से लिखा हुआ था लेकिन उसको बेहतर वे में, में वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए कुल मिला के मरक विजुअली काफ़ी एक बढ़िया ट्रीट दी जाती है लेकिन फिल्म में इमोशन से उसमें देव की कमी नज़र आती है प्रोसीडिंग काफ़ी लेंदी नजर आती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन की कमी नज़र आती है इसमें काफ़ी ज्यादा हेवी मलयालम फ्लेवर है इस वजह जैसे आप अगर मलयालम फिल्म में देखना उतना कुछ खास प्रीफर नहीं करते हो तो शायद आपको कम पसंद आएगी अदरवाइज ओवरऑल एक अच्छी फिल्म कह सकते हो उसको वन टाइम वॉच के लिए जरूर देख सकते हो रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को मलयालम के साथ साथ तमिल तेलगु कन्नडा हिंदी सभी वर्जन में दो दिसंबर दो को यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया था जब फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे आई पे इस फिल्म को करीबन दस वोट मिले हुए हैं जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और इस फिल्म को बाद में थिएट्रिकल रिलीज के करीबन थोड़े दिनों के बाद ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट पर प्रीमियर करवा दिया गया था करीबन 2 दिसंबर 2021 को फिल्म को थिएटर में रिलीज किया था मिक्स रिस्पांस और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना कुछ खास ना आने की वजह से फिल्म को 17 दिसंबर 2021 तक डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवा दिया गया था इसका मतलब थिएट्रिकल रिलीज़ के पंद्रह दिनों में ही फिल्म को ओ टी अवेलेबल करवा दिया था अब कौन से ओ टी ने राइट्स खरीदे कहाँ पर देखने को मिले ये फिल्म उसके ऊपर बातचीत कर लेते फिल्म के ओटीटी राइट्स सभी वर्जन जैसे कि मलयालम मेन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा ये सभी वर्जन के राइट्स है वो खरीदे हुए अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने जिन्होंने काफ़ी बड़ी रकम देते हुए इसके राइट्स खरीदे हुए थे तो ये फिल्म फिलहाल में मरक्कर लाइन ऑफ द अरेबियन सी नाम के साथ मलयालम तमिल तेलुगु कन्नड़ा और हिंदी ये सभी वर्जन में ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मरक्कर फिल्म का जो ओ टी टी वर्जन है वो आपको ऑफिशियली एमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे फिल्म ऑफिशियली आपको तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा और हिंदी इन सभी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देखने को मिल जाएगी जहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे वहीं पे इस फिल्म को बाद में आप सैटेलाइट चैनल्स के ऊपर रिस्पेक्टेड लैंग्वेज चैनल के ऊपर भी ऑफिशियली इंजॉय कर सकते हो मरकर लायन ऑफ द अरेबियन सी इस फिल्म को मलयालम वर्ज़न में टाइटल दिया हुआ है मरक्कर अरब गेतिन सिमहम और तमिल टाइटल है मरक्ार अरब कत्त ने सिंगम इसके अलावा इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी टाइटल दिया हुआ था मरक्कन समुद्र का लुटेरा करके तो इस तरह से अलग अलग वर्जन में टाइटल दिया था लेकिन एक इंग्लिश टाइटल कॉमन था मरक्कर लायन ऑफ द अरबियन सी जिसको डिरेक्ट किया हुआ प्रिया दर्शन ने स्टोरी आइडिया प्रिया दर्शन का था डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें प्रिया दर्शन ने खुद की हुई है अंशी सासी ने इस फिल्म का डायलॉग और स्क्रीन प्ले में मदद की हुई है फिल्म को मलयालम तमिल साइमटेनसली दो वर्जन में क्रिएट किया गया था फिल्म का बजट करीबन सौ करोड़ था मलयालम लैंग्वेज की तरफ से कोई ऐसी फिल्म आ रही हो बड़ी फिल्म और उसका बजट इतना हो इसी पहली फिल्म थी क्योंकि इतना बड़ा बजट के साथ मलयालम लैंग्वेज में पहली फिल्म नहीं बनी थी और इस फिल्म के लिए टाइम भी काफी अच्छा खासा लगाया गया वैसे तीस 35 दिन में मलयालम लैंग्वेज की फिल्म शूट हो जाती है लेकिन इस फिल्म के लिए काफी बड़ा टाइम लगा था और साथ ही में इस फिल्म की जो शूटिंग थी उसके लिए प्रॉपर सेट क्रिएट किए गए थे जिसमें भी अच्छा खासा खर्चा किया गया था इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एंटोनी पेरुबरव ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी आशीर्वाद सिनेमाज और कॉन्फिडेंट ग्रुप के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है इस फिल्म को वी क्रिएशन ने तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट किया था फार फिल्म ने ओवरसीज में वहीं पर मैक्स और एंटरटेनमेंट्स ने केरला वर्जन में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी तिरु ने की हुए एम एस अयपरनेर ने एडिटिंग किए हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर राहुल राज और अंकित सूरी ने किए हुए लेल इवान रोइर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था वहीं पे सॉन्ग है वो रोनी राफेल कंपोज किए हुए फिल्म के के तो फिल्म, अलग -अलग फिल्म, फिल्म के के ऊपर बातचीत करें तो का जो साउंड था उस वजह से बीच, के, बीच, के बीच में रिकॉर्ड किया गया था साइना म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइट्स थे वैसे अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग राइट्स बेचे गए थे जैसे कि हिंदी वर्जन के जो राइट्स थे गानों के वो अलग वर्जन के लिए अलग अलग को बेचे गए थे तेलुगु वर्जन के लिए मैंगो म्यूजिक वालों ने राइट्स रखे हुए थे और इस फिल्म के जो दूसरे सभी वर्जन थे जिसमें डीवो पर स्टूडियो ने भी राइट्स अपने पास रखे हुए थे तो इस तरह से अलग अलग वर्जन के लिए गानों के राइट्स बेचे गए थे इसके अलावा इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अब हम बातचीत करें तो मोहम्मद अली जो कुंजाली मरक्र फाइ है उसका रोल मोहनलाल ने प्ले किया हुआ है यंग कुंजाली का रोल प्रणव मोहनलाल को दिया गया था आनंद मंगल लच्छाकर के जो रोल था वो अर्जुन सरजा ने प्ले किया हुआ था यंग आनंदन का रोल अरुण कुरियन ने दिया हुआ था वहीं पे चंद्रोत पेनी करके रोल में सुनील शेट्टी देखने को मिलेंगे तंगुडू के रोल में प्रभु देखने को मिलेंगे समुथिर के रोल में नींदमोड़ी वेडू देखने को मिलेंगे धर्मोत पेनीकर का रोल मुकेश ने प्ले किया हुआ है पत्तु मरकर का रोल सिदक्की ने प्ले किया हुआ सबैडा का रोल है सुबेदा का रोल है वो मंजू वॉरियर ने प्ले किया हुआ है अर्चा का रोल कीर्ति सुरेश को दिया गया था आयसा का रोल कल्याणी प्रिया दर्शन ने प्ले किया हुआ है अच्छु मगधन का रोल अशोक सेलवान ने प्ले किया हुआ है यंग का रोल जीतिन पेतचर ने प्ले किया हुआ है चेंग जुआन चिन्नाली का रोल जय जे जकीर को दिया गया था नमन गुरुप का रोल इनोसेंट को दिया गया था वेर कुत्तो पेनिकर का रोल केबी गणेश कुमार ने प्ले किया हुआ है पुथुमाना पेनिकर का रोल बाबूराज को दिया गया था मंगत चारन का रोल हरीश पेराडी को दिया गया था अबूकार हाजी के रोल में ममू कोया देखने को मिलेंगे वहीं पर कुथीवत्तू नेर वाला रोल है वो नंदू ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में फा फाजिल देखने को मिलेंगे जिन्होंने कुत्ती अली मरक्कर का रोल प्ले किया हुआ है कोकल टू पेनीकर का रोल संतोष किरजोतर को दिया गया था सुहासिनी मनी रत्नम इस फिल्म में कदी जुम्मा के रोल में देखने को मिलेंगे के रोल में, सु, सु, का रोल में का है वो सुरेश कृष्णा ने प्ले किया हुआ देखने को मिलेंगे। कोची राजा, का रोल, को दिया गया था ट्रांसलेटर का रोल को दिया गया था। के निश्वी निश्वी अर्जुन नंद कुमार को दिया गया था समुथिर सिस्टर का रोल पार्वती टी को दिया गया था अनदन की वाइफ का रोल कोमल शर्मा को दिया गया था वाइस रॉय फ्रांसिसको डाक आमा

मे अपीयरेंस एंटनी पेरुमवर ने दिया हुआ जो फिल्म के प्रोड्यूसर है वहीं पे विक्रमन ने इस फिल्म में राजगरो का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को पहले 1996 के आसपास बनाने वाले थे जहां पे बाद में प्रिया दर्शन ने कई एक्टर्स को इस आइडिया को सुनाया हुआ था 99 में इस स्पीच को कंफर्म किया गया था और इस फिल्म के ऊपर काम होने वाला था लेकिन इस फिल्म के लिए बजट काफ़ी ज़्यादा चाहिए था जो उस समय हो नहीं पाता विजुअल इफेक्ट्स थे वो उस समय उतने बेहतर नहीं हो पाते और इस प्रोजेक्ट को बाद में जया के साथ रिवाइव किया गया था दो हज़ार में लेकिन तब भी ये सभी चीज़ें नहीं बन पाई ओगर सिनेमा के द्वारा इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के राइट्स खरीदे गए थे उसके बाद में कास्ट्रूट के ऊपर बातचीत की गई थी तब भी ये चीज़ें नहीं हो पाई में ने हिंदी फिल्म में रिवील किया हुआ था कि वो मलयालम लैंग्वेज पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म में काम करे जिसमें मोहनलाल रोल में होने वाले 2017 में कहा गया था कि इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर शूटिंग स्टार्ट होने वाले इस फिल्म को हम एक उनकी हिंदी फिल्म वो हो कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट करवाया जाएगा इस फिल्म के ऊपर करीबन दस से ज़्यादा महीने की रिसर्च लगेगी उसके बाद में शूटिंग स्टार्ट की जाएगी उसके बाद में धीरे धीरे इस फिल्म के ऊपर काम करना स्टार्ट किया गया फिल्म की शूटिंग को बाद में 2018 के आसपास कोची से स्टार्ट किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के कास्टिंग और शूटिंग के ऊपर काम किया गया फिल्म को करीबन पचास से साठ दिनों की शूटिंग में अलग अलग शेड्यूल में कंप्लीट करवाया गया था फिल्म के ऊपर करीबन अस्सी से सौ करोड़ का बजट लगाया गया और मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से वन ऑफ दी हाईएस्ट बजट वाली फिल्मों की श्रेणी में इस फिल्म को शामिल किया गया था इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो साइट मिनट की लेंथ है साउंड ट्रेक की जिसमें 2018 से 20 तक गानों को रिकॉर्ड किया गया था एक अगस्त 2021 तक सभी गानों को रिलीज किया गया था मलयालम और हिंदी वर्जन के ऊपर मैं आपको ट्रैक लिस्टिंग बता देता हूं पहला गाना है कुंजू कुंजाली दूसरा गाना है कनीले इंते दूसरा गाना है चिबिनते चिल्लुला तीसरा गाना है इिवीलो पाँचवा गाना है नी ये है छठा गाना है कुंजू कुंजाली इंस्ट्रूमेंट वर्जन तो इनको हिंदी में भी क्रिएट किया गया था तो हिंदी टाइटल थे नन्हे है कुंजाली दूसरा गाना था आँखों में तीसरा गाना था प्यारा सा कुंजाली वहीं पे मध्यम करके एक गाना था और हे नंद लाला और एक इंस्ट्रूमेंटल था नन्हे है कुंजाली का तो ये गाने हिंदी में भी क्रिएट किए गए थे इन सभी गानों को फिलहाल में यूट्यूब पर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में डी वो म्यूजिक पर हवा स्टूडियो और सैना म्यूजिक इन सभी यूट्यूब चैनल के ऊपर अलग वर्जन में आप इंजॉय कर सकते हो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी मरकर के किरदार के ऊपर इस बे बेस्ट है जहाँ पे सोलहवीं शताब्दी के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे कुंजाली मरकर जिसका रोल प्ले करे मोहनलाल उनके किरदार के ऊपर बेस्ट है जिसकी फैमिली को काफ़ी ब्रूटल वे में मार दिया जाता है जहाँ पे कुंजली जंगल को चलाता हुआ आ रहा है बाद में वो जंगल में गरीबों का मसीहा बन जाता है उसी समय के दौरान जो जुमरीन का किंगडम है जो उसके ऊपर पोर्टोगीज अटैक कर देते तो उस किंगडम के जो चीफ होते हैं वो कुंजाली को अप्रोच करते हैं उनसे मदद मांगते हैं और कुंजाली पोर्तज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो किस तरह से जीतता है वही चीज़ों के ऊपर फिल्म के कहानी की कहानी सेट की हुई फिल्म का इफेक्ट्स काफ़ी बढ़िया है मेजर अट्रैक्शन कह सकते हैं सिनेमाटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी इस फिल्म में काफ़ी सारे मल्टीपल एडवांटेज कह सकते हैं मल्टीपल स्टार थे वो फिल्म के लिए बड़ा एडवांटेज था क्योंकि फिल्म की हर एक स्क्रीन में कोई ना कोई बड़ा स्टार बड़ी एक्ट्रेस आपको को मिलती है फिल्म को काफी रियलिस्टिक बेडरॉक के साथ दिखा गया था जहाँ पे चीजों को काफी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था मोहन लाल इस फिल्म की लाइट एंड सोल है जिस तरह से उन्होंने एक टेरीफिक परफॉर्मेंस डिलीवर की है वो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने एक्शन सिक्वेंस प्ले किए हुए उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो पूरी फिल्म में काफी बढ़िया नजर आती है उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी अट्रेक्टिव था वो पूरी तरह से अकेले अपने कंधे पर इस फिल्म को चलाते हुए नजर आते हैं कीर्ति सुरेश ने इस फिल्म में काफी बढ़िया काम किया हुआ है जहाँ यहाँ पे अर्जुन सरजा सुनील शेट्टी कल्याणी प्रिया दर्शन भी अच्छा रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं इस फिल्म के स्टंट एक्शन ब्लॉक आपको जरूर पसंद आएंगे वो काफ़ी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किए हुए फिल्म का सेकंड आप उतना कुछ खास नहीं था वो थोड़ा स्लो नज़र आता है उसको थोड़ा खींचा हुआ ऐसा नजर आता है लेंदी रन टाइम था उसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए था चीज़ों को थोड़ा बेहतर वे में दिखाया जा सकता था फिल्म में किरदार में उतनी देव नजर नहीं आते उसको बेहतर किया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी टॉप टोपनोज नज़र आएगी इस फिल्म की हर एक स्क्रीन में हर एक का सीन में काफी पैसा खर्च किया वैसा नजर आता है प्रोडक्शन डिजाइन काफी बढ़िया था किसी सबूत सीरील ने की हुई है जहां पे इस फिल्म में जो प्रॉप्स यूज किए हुए हैं जो रॉयल लुक दिया हुआ है वो काफी अच्छा है एक्शन सिक्वेंस को काफी अमेजिंग तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ है एडिटिंग बेहतर हो सकती थी करीबन फिल्म को पंद्रह बीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था डायरेक्टर प्रिया दर्शन ने एक बिलो एवरेज काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म की कहानी को काफी अच्छे तरह से लिखा हुआ था लेकिन उसको बेहतर में वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए कुल मिला के मरक्कर विजुअली काफी एक बढ़िया ट्रीट दी जाती है लेकिन फिल्म में इमोशन है उसमें डेपथ की कमी नज़र आती है प्रोसीडिंग काफ़ी लेंदी नज़र आती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन की कमी नज़र आती है इसमें काफ़ी ज़्यादा हेवी मलयालम फ्लेवर है इस वजह से आप अगर मलयालम फिल्म देखना उतना कुछ खास प्रीफर नहीं करते हो तो शायद आपको कम पसंद आएगी अदरवाइज ओवरऑल एक अच्छी फिल्म कह सकते हो उसको वन टाइम वॉच के लिए ज़रूर देख सकते हो रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को मलयालम के साथ साथ तमिल तेलुगू कन्नड़ा हिंदी सभी वर्जन में दो दिसंबर दो को यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया गया था था, जब फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे आई एम इस फिल्म को करीबन दस हजार वोट मिले हुए जिसमें पांच पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और इस फिल्म को बाद में थिएट्रिकल रिलीज के करीबन थोड़े दिनों के ही बाद ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट पर प्रीमियर करवा दिया गया था करीबन 2 दिसंबर 2021 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था मिक्स रिस्पांस और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना कुछ खास ना आने की वजह से फिल्म को 17 दिसंबर 2021 तक डायरेक्ट ओ टी पे प्रीमियर करवा दिया गया था इसका मतलब थिएट्रिकल रिलीज के पंद्रह दिनों में ही फिल्म को ओ टी पे अवेलेबल करवा दिया था अब कौन से ओ टी ने राइट्स खरीदे कहाँ पर देखने को मिले ये फिल्म उसके ऊपर बातचीत कर लेते फिल्म के ओ राइट्स सभी वर्जन जैसे कि मलयालम मेन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा ये सभी वर्जन के राइट्स है वो ख़रीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने जिन्होंने काफ़ी बड़ी रकम देते हुए इसके राइट्स खरीदे हुए थे तो ये फिल्म फिलहाल में मरक्कर लाइन ऑफ द अरेबियन सी नाम के साथ मलयालम तमिल तेलुगु कन्नड़ा और हिंदी ये सभी वर्जन में ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मरक्कर फिल्म का जो ओ टी टी वर्जन है वो आपको ऑफिशियली एमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे फिल्म ऑफिशियली आपको तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा और हिंदी इन सभी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देखने को मिल जाएगी जहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे इस फिल्म को बाद में आप सैटेलाइट चैनल्स के ऊपर रिस्पेक्टेड लैंग्वेज चैनल के ऊपर भी ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो मरकर लाइन ऑफ द अरेबियन सी इस फिल्म को मलयालम वर्ज़न में टाइटल दिया हुआ है मरकर अरब गैत सिमहम और तमिल टाइटल है मरक्यार अरब कत्त लाल सिंगम इसके अलावा इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी टाइटल दिया हुआ था मरक्कन समुद्र का लुटेरा करके तो इस तरह से अलग अलग वर्जन में टाइटल दिया था लेकिन एक इंग्लिश टाइटल कॉमन था मरक्कर लायन ऑफ द अरबियन सी जिसको डिरेक्ट किया हुआ है प्रिया दर्शन ने स्टोरी आइडिया प्रिया दर्शन का था डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें प्रिया दर्शन ने खुद की हुई है अंशी सासी ने इस फिल्म का डायलॉग और स्क्रीन प्ले में मदद की हुई है फिल्म को मलयालम तमिल साइम दो वर्जन में क्रिएट किया गया था फिल्म का बजट करीबन सौ करोड़ था मलयालम लैंग्वेज की तरफ से कोई ऐसी फिल्म आ रही हो बड़ी फिल्म और उसका बजट इतना हो इसी पहली फिल्म थी क्योंकि इतना बड़ा बजट के साथ मलयालम लैंग्वेज में पहली फिल्म नहीं बनी थी और इस फिल्म के लिए टाइम भी काफी अच्छा खासा लगाया गया वैसे तीस पैंतीस दिन में मलयालम लैंग्वेज की फिल्म शूट हो जाती है लेकिन इस फिल्म के लिए काफी बड़ा टाइम लगा था और साथ ही में इस फिल्म की जो शूटिंग थी उसके लिए प्रॉपर सेट क्रिएट किए गए थे जिसमें भी अच्छा खासा खर्चा किया गया था इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एंटोनी पेरूबरव ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी आशीर्वाद सिनेमाज और कॉन्फिडेंट ग्रुप के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है इस फिल्म को वी क्रिएशन ने तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट किया था फिल्म ने ओवरसीज में वहीं पे मैक्स लेप सिनेमाज और एंटरटेनमेंट्स ने केरला वर्जन में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी तिरु ने की हुए एम एस अयपरनेर ने एडिटिंग किए हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर राहुल राज और अंकित सूरी ने किए हुए लेल इवान रोइर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था वहीं पे सॉन्ग है वो रोनी राफेल ने कंपोज किए हुए फिल्म के सॉन्ग्स के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो साउंड ट्रैक है वो अलग अलग लैंग्वेज में भी बाद में क्रिएट किया गया था क्योंकि पेन इंडिया लेवल पर इस फिल्म को रिलीज किया गया था उस वजह से जहाँ पे इस फिल्म के गानों को दो से बीच के बीस के बीच में रिकॉर्ड किया गया था साइना म्यूज़िक के पास म्यूजिक के राइट्स थे वैसे अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग राइट्स बेचे गए थे जैसे कि हिंदी वर्जन के जो राइट्स थे गानों के वो अलग वर्जन के लिए अलग अलग को बेचे गए थे तेलुगु वर्जन के लिए मैंगो म्यूजिक वालों ने राइट्स रखे हुए थे और इस फिल्म के जो दूसरे सभी वर्जन थे जिसमें डीवो पर स्टूडियो ने भी राइट्स अपने पास रखे हुए थे तो इस तरह से अलग अलग वर्जन के लिए गानों के राइट्स बेचे गए थे इसके अलावा इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अब हम बातचीत करें तो मोहम्मद अली जो कुजाली मरक्र फाइ है उसका रोल मोहनलाल ने प्ले किया हुआ है यंग कुंजाली का रोल प्रणव मोहनलाल को दिया गया था आनंद मंगल लच्चांकर के जो रोल था वो अर्जुन सरजा ने प्ले किया हुआ था यंग आनंदन का रोल अरुण कुरियन ने दिया हुआ था वहीं पे चंद्रोत पेनी करके रोल में सुनील शेट्टी देखने को मिलेंगे तंगुडू के रोल में प्रभु देखने को मिलेंगे समुथिर के रोल में नींदमोड़ी वेडू देखने को मिलेंगे धर्मोत पेनीकर का रोल मुकेश ने प्ले किया हुआ है पत्तु मरकर का रोल सीदक्की ने प्ले किया हुआ सबैडा का रोल है सुबेदा का रोल है वो मंजू वॉरियर ने प्ले किया हुआ है अर्चा का रोल कीर्ति सुरेश को दिया गया था आयसा का रोल कल्याणी प्रिया दर्शन ने प्ले किया हुआ है अच्छु मगधन का रोल अशोक सेलवान ने प्ले किया हुआ है यंग अचुतान का रोल जीतिन पेतचर ने प्ले किया हुआ है चेंग जुआन चिन्नाली का रोल जय जकीर को दिया गया था नमन गुरुप का रोल इनोसेंट को दिया गया था वेरकोत्तो पेनिकर का रोल केबी गणेश कुमार ने प्ले किया हुआ है पुथुमाना पेनीकर का रोल बाबूराज को दिया गया था मंगत चारन का रोल हरीश पेराडी को दिया गया था अबूकार हाजी के रोल में ममू कोया देखने को मिलेंगे वहीं पर कुथीवत्तू नेर वाला रोल है वह नंदू ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में फा फाजिल देखने को मिलेंगे जिन्होंने कुत्ती अली मरक्कर का रोल प्ले किया हुआ है कोकल्टू पेनीकर का रोल संतोष किरजोत तौर को दिया गया था सुहासिनी मनी रत्नम इस फिल्म में कदी जुम्मा के रोल में देखने को मिलेंगे के रोल में, सु, सु, का रोल में का है वो सुरेश कृष्णा ने प्ले किया हुआ मई कुत्ती का रोल देखने को दिया गया था ट्रांसलेटर का रोल कृष्ण प्रसाद को दिया गया था नामबिर के नीज का रोल अर्जुन कुमार को दिया गया था समुथिर सिस्टर का रोल पार्वती टी को दिया गया था अनदन की वाइफ का रोल कोमल शर्मा को दिया गया था वाइस रॉय फ्रांसिस्को डागामा कि दर में टो तो, टोबी तो सुबे बेक देखने को मिलेंगे एंड्री फुस्ती मिन्टुका वाला किरदार मिक्स के हमने प्ले किया हुआ है पोल हॉन्टली थॉमस इस फिल्म में एल्फंस नौर का रोल प्ले करेंगे वीना नंद कुमार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे वहीं पे थंगडो के असिस्टेंट का रोल बिनीस कोडियार ने प्ले किया हुआ है मरक्कर का असिस्टेंट का रोल सियास किरम ने प्ले किया हुआ है कोलिकोडे नारायण नेर वाला एक्टर ने इस फिल्म में अबूकरा हाजी का रोल प्ले किया हुआ है स्ट्रीट वेंडर का कैमियो अपीरेंस अन एंटनी परमवर ने दिया हुआ जो फिल्म के प्रोड्यूसर है वहीं पे विक्रमन ने इस फिल्म में राजगरो का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को पहले 1996 के आसपास बनाने वाले थे जहां पे बाद में प्रिया दर्शन ने कई एक्टर्स को इस आइडिया को सुनाया हुआ था 99 में इस पीच को कंफर्म किया गया था और इस फिल्म के ऊपर काम होने वाला था लेकिन इस फिल्म के लिए बजट काफ़ी ज़्यादा चाहिए था जो उस समय हो नहीं पाता विजुअल इफेक्ट्स थे वो उस समय उतने बेहतर नहीं हो पाते और इस प्रोजेक्ट को बाद में जया के साथ रिवाइ किया गया था दो हज़ार में लेकिन तब भी ये सभी चीज़ें नहीं बन पाई ओगर सिनेमा के द्वारा इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के राइट्स खरीदे गए थे उसके बाद में कास्ट फ्रूट के ऊपर बातचीत की गई थी तब भी ये चीज़ें नहीं हो पाई 2013 में ने हिंदी फिल्म में रिवील किया हुआ था कि वो मलयालम लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म में काम करे जिसमें मोहनलाल रोल में होने वाले 2017 में कहा गया था कि इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर शूटिंग स्टार्ट होने वाले इस फिल्म को हम एक उनकी हिंदी फिल्म वो कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट करवाया जाएगा इस फिल्म के ऊपर करीबन दस से ज़्यादा महीने की रिसर्च लगेगी उसके बाद में शूटिंग स्टार्ट की जाएगी उसके बाद में धीरे धीरे इस फिल्म के ऊपर काम करना स्टार्ट किया गया फिल्म की शूटिंग को बाद में 2018 के आसपास कोची से स्टार्ट किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के कास्टिंग और शूटिंग के ऊपर काम किया गया फिल्म को करीबन पचास से साठ दिनों की शूटिंग में अलग अलग शेड्यूल में कंप्लीट करवाया गया था फिल्म के ऊपर करीबन अस्सी से सौ करोड़ का बजट लगाया गया और मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से वन ऑफ दी हाईएस्ट बजट वाली फिल्मों की श्रेणी में इस फिल्म को शामिल किया गया था इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो साइट मिनट की लेंथ है साउंड ट्रेक की जिसमें 2018 हज़ार अट्ठारह इससे तक गानों को रिकॉर्ड किया गया था एक अगस्त 2021 तक सभी गानों को रिलीज किया गया था मलयालम और हिंदी वर्जन के ऊपर मैं आपको ट्रैक लिस्टिंग बता देता हूं पहला गाना है कुंजू कुंजाली दूसरा गाना है कनिले इंथे दूसरा गाना है चेबिनते चिल्लुला तीसरा गाना है लिवीलो पाँचवा गाना है नी इंथाए छठा गाना है कुंजू कुंजाली इंस्ट्रूमेंट वर्जन तो इनको हिंदी में भी क्रिएट किया गया था तो हिंदी टाइटल थे नन्हे है कुंजाली दूसरा गाना था आंखों में तीसरा गाना था प्यारा सा कुंजाली वहीं पे मध्यम करके गाना था और हे नंद लाला और एक इंस्ट्रोमेंटल था नन्हे है कुंजाली का तो ये गाने हिंदी में भी क्रिएट किए गए थे इन सभी गानों को फ़िलहाल में यूट्यूब पर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में दीवो म्यूजिक पर हवा स्टूडियो और सैना म्यूजिक इन सभी यूट्यूब चैनल के ऊपर अलग वर्जन में आप इंजॉय कर सकते हो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी मरकर के किरदार के ऊपर इस बे बेस्ट है जहाँ पे सोलहवीं शताब्दी के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे कुंजाली मरकर जिसका रोल प्ले करें मोहनलाल उनके किरदार के ऊपर बेस्ट है जिसकी फैमिली को काफ़ी ब्रूटल वे में मार दिया जाता है जहाँ पे कुंजली जंगल को चलाता हुआ आ रहा है बाद में वो जंगल में गरीबों का मसीहा बन जाता है उसी समय के दौरान जो जुमरीन का किंगडम है जो उसके ऊपर पोर्टोगीज अटैक कर देते तो उस किंगडम के जो चीफ होते हैं वो कुंजाली को अप्रोच करते हैं उनसे मदद मांगते हैं और कुंजाली पोर्तज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो किस तरह से जीतता है वही चीज़ों के ऊपर फिल्म के कहानी की कहानी सेट की हुई फिल्म का इफेक्ट्स काफ़ी बढ़िया है मेजर अट्रैक्शन कह सकते हैं सिनेमाटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी इस फिल्म में काफ़ी सारे मल्टीपल एडवांटेज कह सकते हैं मल्टीपल स्टार थे वो फिल्म के लिए बड़ा एडवांटेज था क्योंकि फिल्म की हर एक स्क्रीन में कोई ना कोई बड़ा स्टार बड़ी एक्ट्रेस आपको देख को मिलती है फिल्म को काफी रियलिस्टिक बेडरॉक के साथ दिखा गया था जहाँ पे चीजों को काफी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था मोहन इस फिल्म की लाइट एंड सोल है जिस तरह से उन्होंने एक टेरीफिक परफॉर्मेंस डिलीवर की है वो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने एक्शन सिक्वेंस प्ले किए हुए उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो पूरी फिल्म में काफी बढ़िया नजर आती है उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी अट्रेक्टिव था वो पूरी तरह से अकेले अपने कंधे पर इस फिल्म को चलाते हुए नजर आते हैं कीर्ति सुरेश ने इस फिल्म में काफी बढ़िया काम किया हुआ है जहाँ यहाँ पे अर्जुन सरजा सुनील शेट्टी कल्याणी प्रिया दर्शन भी अच्छा रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं इस फिल्म के स्टंट एक्शन ब्लॉक आपको जरूर पसंद आएंगे वो काफी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किए हुए फिल्म का सेकंड आप उतना कुछ खास नहीं था वो थोड़ा स्लो नजर आता है उसको थोड़ा खींचा हुआ ऐसा नजर आता है लेंदी रन टाइम था उसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए था चीज़ों को थोड़ा बेहतर वे में दिखाया जा सकता था फिल्म में किरदार में उतनी देव नजर नहीं आते उसको बेहतर किया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी टॉप नोट नजर आएगी इस फिल्म की हर एक स्क्रीन में हर एक का सीन में काफी पैसा खर्च किया वैसा नजर आता है प्रोडक्शन डिजाइन काफी बढ़िया था किसी सबूत सीरियल ने की हुई है जहां पे इस फिल्म में जो प्रॉप्स यूज किए हुए जो रॉयल लुक दिया हुआ है वो काफी अच्छा है एक्शन सिक्वेंस को काफी अमेजिंग तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ है एडिटिंग बेहतर हो सकती थी करीबन फिल्म को पंद्रह बीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था डायरेक्टर प्रिया दर्शन ने एक बिलो एवरेज काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म की कहानी को काफी अच्छे तरह से लिखा हुआ था लेकिन उसको बेहतर वे में वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए कुल मिला के मरक्कर विजुअली काफी एक बढ़िया ट्रीट दी जाती है लेकिन फिल्म में इमोशन है उसमें देव की कमी नज़र आती है प्रोसीडिंग काफी लेंदी नज़र आती है और उसमें काफी ज्यादा कनेक्शन की कमी नज़र आती है इसमें काफी ज्यादा हेवी मलयालम फ्लेवर है इस वजह से आप अगर मलयालम फिल्म देखना उतना कुछ खास प्रीफर नहीं करते हो तो शायद आपको कम पसंद आएगी अदरवाइज ओवरऑल एक अच्छी फिल्म कह सकते हो उसको वन टाइम वॉच के लिए जरूर देख सकते हो रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को मलयालम के साथ साथ तमिल तेलुगु कन्नड़ा हिंदी सभी वर्जन में दो दिसंबर दो को यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहां आई एम पे इस फिल्म को करीबन दस हजार वोट मिले हुए हैं जिसमें पांच पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और इस फिल्म को बाद में थिएट्रिकल रिलीज के करीबन थोड़े दिनों के ही बाद ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट पर प्रीमियर करवा दिया गया था करीबन 2 दिसंबर 2021 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था मिक्स रिस्पांस और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना कुछ खास ना आने की वजह से फिल्म को 17 दिसंबर 2021 तक डायरेक्ट ओ टी पे प्रीमियर करवा दिया गया था इसका मतलब थिएट्रिकल रिलीज के पंद्रह दिनों में ही फिल्म को ओ टी पे अवेलेबल करवा दिया था अब कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म ने राइट्स खरीदे कहाँ पर देखने को मिलेगी फिल्म उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं फिल्म के ओ टी राइट्स सभी वर्जन जैसे कि मलयालम मेन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी तमिल तेलगु कन्नडा ये सभी वर्जन के राइट्स है वो ख़रीदे हुए अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने जिन्होंने काफ़ी बड़ी रकम देते हुए इसके राइट्स ख़रीदे हुए थे तो ये फिल्म फिलहाल में मरक्कर लाइन ऑफ द अरेबियन सी नाम के साथ मलयालम तमिल तेलगू कन्नड़ा और हिंदी ये सभी वर्जन में ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मरक्कर फिल्म का जो ओ टी टी वर्ज़न है वो आपको ऑफिशियली के ऊपर देखने को मिलेगा जहां पे फिल्म ऑफिशियली आपको तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा और हिंदी इन सभी वर्जन में इंग्लिश देखने को मिल जाएगी जहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे वहीं पे इस फिल्म को बाद में आप सैटेलाइट चैनल्स के ऊपर रिस्पेक्टेड लैंग्वेज चैनल के ऊपर भी ऑफिशियली इंजॉय कर सकते हो मरकर लायन ऑफ द अरेबियन सी इस फिल्म को मलयालम वर्ज़न में टाइटल दिया हुआ है मरकर अरब गैत सिंहम और तमिल टाइटल है मरक्यार अरब ने सिंगम इसके अलावा इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी टाइटल दिया हुआ था मरक्कन समुद्र का लूटेरा करके तो इस तरह से अलग अलग वर्जन में टाइटल दिया था लेकिन एक इंग्लिश टाइटल कॉमन था मरक्कर लायन ऑफ द अरबियन सी जिसको डिरेक्ट किया हुआ है प्रिया दर्शन ने स्टोरी आइडिया प्रिया दर्शन का था डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीजें प्रिया दर्शन ने खुद की हुई है अंशी सासी ने इस फिल्म का डायलॉग और स्क्रीन प्ले में मदद की हुई है फिल्म को मलयालम तमिल साइमटेन्सली दो वर्जन में क्रिएट किया गया था फिल्म का बजट करीबन सौ करोड़ था मलयालम लैंग्वेज की तरफ से कोई ऐसी फिल्म आ रही हो बड़ी फिल्म और उसका बजट इतना हो इसलिए पहली फिल्म थी क्योंकि इतना बड़ा बजट के साथ मलयालम लैंग्वेज में पहली फिल्म नहीं बनी थी और इस फिल्म के लिए टाइम भी काफी अच्छा खासा लगाया गया वैसे तीस पैंतीस दिन में मलयालम लैंग्वेज की फिल्में शूट हो जाती है लेकिन इस फिल्म के लिए काफी बड़ा टाइम लगा था और साथ ही में इस फिल्म की जो शूटिंग थी उसके लिए प्रॉपर सेट क्रिएट किए गए थे जिसमें भी अच्छा खासा खर्चा किया गया था इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एंटोनी पेरोबरो ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी आशीर्वाद सिनेमाज और कॉन्फिडेंट ग्रुप के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है इस फिल्म को वी क्रिएशन ने तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट किया था फास्ट फिल्म ने ओवरसीज में वहीं पे पर सिनेमाज और एंटरटेनमेंट्स ने केरला वर्जन में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी तिरु ने की हुए एम एस अयपरनेर ने एडिटिंग की हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर राहुल राज और अंकित सूरी ने किए हुए लेल इवान रोइर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था वहीं पे सॉन्ग है वो रोनी राफेल ने किए हुए फिल्म के के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो है वो अलग-अलग में -अलग में भी बाद किया किया गया था पे इंडिया लेवल पे इस फिल्म किया गया था क्योंकि को था उस वजह से पे इस फिल्म के गानों को 2018 से बीच के बीच के बीच में रिकॉर्ड किया गया था साइना म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइट्स थे वैसे अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग राइट्स बेचे गए थे जैसे कि हिंदी वर्जन के जो राइट्स थे गानों के वो अलग वर्जन के लिए अलग अलग को बेचे गए थे तेलुगु वर्जन के लिए मैंगो म्यूजिक वालों ने राइट्स रखे हुए थे और इस फिल्म के जो दूसरे सभी वर्जन थे जिसमें डीवो पर स्टूडियो ने भी राइट्स अपने पास रखे हुए थे तो इस तरह से अलग अलग वजन के लिए गानों के राइट्स बेचे गए थे इसके अलावा इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अब हम बातचीत करें तो मोहम्मद अली जो कुली मरक्र फाइ है उसका रोल मोहनलाल ने प्ले किया हुआ है यंग कुंजाली का रोल प्रणव मोहनलाल को दिया गया था आनंद मंगल चांद कर जो रोल था वो अर्जुन सरजा ने प्ले किया था यंग आनंदन का रोल अरुण कुरियन ने दिया हुआ था वहीं पे चंद्रोत पेनीकर के रोल में सुनील शेट्टी देखने को मिलेंगे तंगुडू के रोल में प्रभु देखने को मिलेंगे समुथिर के रोल में निंदूमोड़ी वेडू देखने को मिलेंगे धर्मोथ पेनीकर का रोल, रोल मुकेश ने प्ले किया हुआ है पत्तु मरकर का रोल सिदक्की ने प्ले किया हुआ सबैडा का रोल है सुबेदा का रोल है वो मंजू वॉरियर ने प्ले किया हुआ है अर्चा का रोल कीर्ति सुरेश को दिया गया था आयसा का रोल कल्याणी प्रिया दर्शन ने प्ले किया हुआ है अच्छु तन्ना मगध का रोल अशोक सेलवान ने प्ले किया हुआ है यंग अच्छु का रोल जीतिन पेतचर ने प्ले किया हुआ है चेंग जुआन चिन्नाली का रोल जय जे जकी को दिया गया था नमन स्कुरुप का रोल इनोसेंट को दिया गया था वेर कुत्तो पेनिकर का रोल के बी गणेश कुमार ने प्ले किया हुआ है पुथुमाना पेनिकर का रोल बाबूराज को दिया गया था मंगत चारन का रोल हरीश पेराड़ी को दिया गया था अबूकार हजी के रोल में ममू कोया देखने को मिलेंगे वहीं पे वत्तु नेर वाला रोल है वो नंदू ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में फाजिल देखने को मिलेंगे जिन्होंने कुत्ती अली मरक्कर का रोल प्ले किया हुआ है कोकल्टू पेनिकर का रोल संतोष की किरजोतर को दिया गया था सुहासिनी मनी रत्नम इस फिल्म में कदी जुम्मा के रोल में देखने को मिलेंगे मोयडू के रोल में मोयडू का रोल है वो सुरेश कृष्णा ने प्ले किया हुआ है मई कुत्ती का रोल मनी कुत्तन ने प्ले किया हुआ है कोची राजा के रोल में आपको जी सुरेश कुमार देखने को मिलेंगे कोची राजा एडवाइजर का रोल श्रीकांत मुरली को दिया गया था ट्रांसलेटर का रोल कृष्णा प्रसाद को दिया गया था नामब्यथिर यानी कि समुद्री के नीस का रोल अर्जुन नंद कुमार को दिया गया था समुद्री सिस्टर का रोल पार्वती टी को दिया गया था अनंदन की वाइफ का रोल कोमल शर्मा को दिया गया था वाइस रॉय फ्रांसिसको डाक वाले किरदार में टो तो भी सुबेष बेग देखने को मिलेंगे एंड्री फ्रतुस्ती मिन्टुका वाला किरदार मिक्स के हमने प्ले किया हुआ है पोल हॉन्टली थॉमस इस फिल्म में एल्फंस नॉर हनद का रोल प्ले करेंगे वीना नंद कुमार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे वहीं पे थंगडो के असिस्टेंट का रोल बिनीस कोडियार ने प्ले किया हुआ है मरक्कर का असिस्टेंट का रोल सियास किरम ने प्ले किया हुआ है कोलिकोडे नारायण नेरवाला एक्टर ने इस फिल्म में अबूकरा हाजी का रोल प्ले किया हुआ स्ट्रीट वेंडर का कैमियो अपीरेंस अन एंटनी परमवर ने दिया हुआ जो फिल्म के प्रोड्यूसर है वहीं पे विक्रमन ने इस फिल्म में राजगरो का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को पहले 1996 के आसपास बनाने वाले थे जहां पे बाद में प्रिया दर्शन ने कई एक्टर्स को इस आइडिया को सुनाया हुआ था 99 में इस पीच को कंफर्म किया गया था और इस फिल्म के ऊपर काम होने वाला था लेकिन इस फिल्म के लिए बजट काफ़ी ज़्यादा चाहिए था जो उस समय हो नहीं पाता विजुअल इफेक्ट्स थे वो उस समय उतने बेहतर नहीं हो पाते और इस प्रोजेक्ट को बाद में जया के साथ रिवाइव किया गया था दो हज़ार में लेकिन तब भी ये सभी चीज़ें नहीं बन पाई ओगर सिनेमा के द्वारा इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के राइट्स ख़रीदे गए थे उसके बाद में कास्ट्रूट के ऊपर बातचीत की गई थी तब भी ये चीज़ें नहीं हो पाई 2013 में में ने हिंदी फिल्म रिवील किया हुआ था कि वो मलयालम लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म में काम करे जिसमें मोहनलाल रोल में होने वाले 2017 में कहा गया था कि इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर शूटिंग स्टार्ट होने वाले इस फिल्म को हम एक उनकी हिंदी फिल्म वो कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट करवाया जाएगा इस फिल्म के ऊपर करीबन दस से ज़्यादा महीने की रिसर्च लगेगी उसके बाद में शूटिंग स्टार्ट की जाएगी उसके बाद में धीरे धीरे इस फिल्म के ऊपर काम करना स्टार्ट किया गया फिल्म की शूटिंग को बाद में दो के आसपास कोची से स्टार्ट किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के कास्टिंग और शूटिंग के ऊपर काम किया गया फिल्म को करीबन पचास से साठ दिनों की शूटिंग में अलग अलग शेड्यूल में कंप्लीट करवाया गया था फिल्म के ऊपर करीबन अस्सी से सौ करोड़ का बजट लगाया गया और मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से वन ऑफ दी हाईएस्ट बजट वाली फिल्मों की श्रेणी में इस फिल्म को शामिल किया गया था इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो मिनट की लेंथ है साउंड ट्रेक की जिसमें 2018 हज़ार अट्ठारह इससे तक गानों को रिकॉर्ड किया गया था एक अगस्त 2021 तक सभी गानों को रिलीज किया गया था मलयालम और हिंदी वर्जन के ऊपर मैं आपको ट्रैक लिस्टिंग बता देता हूं पहला गाना है कुंजू कुंजाली दूसरा गाना है कनिले इंथे दूसरा गाना है चिविन थे चिल्लुला तीसरा गाना है लिवीलो पाँचवा गाना है नी इंथाए छठा गाना है कुंजु कुंजाली इंस्ट्रूमेंट वर्जन तो इनको हिंदी में भी क्रिएट किया गया था तो हिंदी टाइटल थे नन्हे है कुंजाली दूसरा गाना था आंखों में तीसरा गाना था प्यारा सा कुंजाली वहीं पे मध्यम करके गाना था और हे नंद लाला और एक इंस्ट्रूमेंटल था नन्हे है कुंजाली का तो ये गाने हिंदी में भी क्रिएट किए गए थे इन सभी गानों को फिलहाल में यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में दी वो म्यूजिक पर हवा स्टूडियो और सेना म्यूजिक इन सभी यूट्यूब चैनल के ऊपर अलग वर्जन में आप इंजॉय कर सकते हो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी मरकर के किरदार के ऊपर इस बेस्ट है जहाँ पे सोलहवीं शताब्दी के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे कुंजाली मरकर जिसका रोल प्ले करें मोहन लाल उनके किरदार के ऊपर बेस्ट है जिसकी फैमिली को काफ़ी ब्रूटल वे में मार दिया जाता है जहाँ पे कुंजली जंगल को चलाता हुआ आ रहा है बाद में वो जंगल में गरीबों का मसीहा बन जाता है उसी समय के दौरान जो जुमरीन का किंगडम है जो उसके ऊपर पोर्टोगीज़ अटैक कर देते तो उस किंगडम के जो चीफ होते हैं वो कुंजाली को अप्रोच करते हैं उनसे मदद मांगते हैं और कुंजाली पोर्तज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो किस तरह से जीतता है वही चीज़ों के ऊपर फिल्म के कहानी की कहानी सेट की हुई फिल्म का इफेक्ट्स काफ़ी बढ़िया है मेजर अट्रैक्शन कह सकते हैं सिनेमाटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी इस फिल्म में काफ़ी सारे मल्टीपल एडवांटेज कह सकते हैं मल्टीपल स्टार थे वो फिल्म के लिए बड़ा एडवांटेज था क्योंकि फिल्म की हर एक स्क्रीन में कोई ना कोई बड़ा स्टार बड़ी एक्ट्रेस आपको देख

पे अर्जुन सरजा सुनील शेट्टी कल्याणी प्रिया दर्शन भी अच्छा रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं इस फिल्म के स्टंट एक्शन ब्लॉक आपको जरूर पसंद आएंगे वो काफी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किए हुए फिल्म का सेकंड आप उतना कुछ खास नहीं था वो थोड़ा स्लो नजर आता है उसको थोड़ा खिंचा हुआ ऐसा नजर आता है लेंदी रन टाइम था उसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए था चीजों को थोड़ा बेहतर वे में दिखाया जा सकता था फिल्म में किरदार में उतनी देर नजर नहीं आते उसको बेहतर किया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफी टॉप नोट नजर आएगी इस फिल्म की हर एक स्क्रीन में हर एक का सीन में काफी पैसा खर्च किया वैसा नजर आता है प्रोडक्शन डिजाइन काफी बढ़िया था किसी सबूत सीरील ने की हुई है जहां पे इस फिल्म में जो प्रॉप्स यूज किए हुए जो रॉयल लुक दिया हुआ है वो काफी अच्छा है एक्शन सिक्वेंस को काफी अमेजिंग तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ है एडिटिंग बेहतर हो सकती थी करीबन फिल्म को पंद्रह बीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था डायरेक्टर प्रिया दर्शन ने एक बिलो एवरेज काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म की कहानी को काफी अच्छी तरह से लिखा हुआ था लेकिन उसको बेहतर वे में वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए कुल मिला के मरक विजुअली काफी एक बढ़िया ट्रीट दी जाती है लेकिन फिल्म में इमोशन है उसमें देव की कमी नज़र आती है प्रोसीडिंग काफी लेंदी नज़र आती है और उसमें काफी ज्यादा कनेक्शन की कमी नज़र आती है इसमें काफी ज्यादा हेवी मलयालम फ्लेवर है इस वजह से आप अगर मलयालम फिल्म देखना उतना कुछ खास प्रीफर नहीं करते हो तो शायद आपको कम पसंद आएगी अदरवाइज ओवरऑल एक अच्छी फिल्म कह सकते हो उसको वन टाइम वॉच के लिए जरूर देख सकते हो रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को मलयालम के साथ साथ तमिल तेलुगु कन्नड़ा हिंदी सभी वर्जन में दो दिसंबर दो को यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया था जब फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जहाँ पे आईएमडीबी इस फिल्म को करीबन 10000 वोट मिले हुए जिसमें 5.9 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से और इस फिल्म को बाद में थिएट्रिकल रिलीज के करीबन थोड़े दिनों के बाद ऑफिशियली ओ टी और सैटेलाइट पे प्रीमियर करवा दिया गया था करीबन 2 दिसंबर 2021 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था मिक्स रिस्पांस और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना कुछ खास ना आने की वजह से फिल्म को 17 दिसंबर 2021 तक डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवा दिया गया था इसका मतलब थिएट्रिकल रिलीज के पंद्रह दिनों में ही फिल्म को ओ टी पे अवेलेबल करवा दिया था अब कौन से ओ टी टी ने राइट्स खरीदे कहाँ पर देखने को मिले ये फिल्म उसके ऊपर बातचीत कर लेते फिल्म के ओ टी राइट्स सभी वर्जन जैसे कि मलयालम मेन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी तमिल तेलगू कन्नड़ा ये सभी वर्जन के राइट्स है वो खरीदे हुए अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने जिन्होंने काफ़ी बड़ी रकम देते हुए इसके राइट्स खरीदे हुए थे तो ये फिल्म फिलहाल में मरक्कर लाइन ऑफ द अरेबियन सी नाम के साथ मलयालम तमिल तेलुगू कन्नडा और हिंदी ये सभी वर्जन में ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मरक्कर फिल्म का जो ओ टी टी वर्ज़न है वो आपको ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे फिल्म ऑफिशियली आपको तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा और हिंदी इन सभी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देखने को मिल जाएगी जहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे इस फिल्म को बाद में आप सैटेलाइट चैनल्स के ऊपर रिस्पेक्टेड लैंग्वेज की चैनल के ऊपर भी ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो मरकर लायन ऑफ द अरेबियन सी इस फिल्म को मलयालम वर्ज़न में टाइटल दिया हुआ है मरकर अरब गैत सिमहम और तमिल टाइटल है मरक्यार अरब ने सिंगम इसके अलावा इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी टाइटल दिया हुआ था समुद्र का लूटेरा करके तो इस तरह से अलग अलग वर्जन में टाइटल दिया था लेकिन एक इंग्लिश टाइटल कॉमन था मरक्कर लायन ऑफ द अरबियन सी जिसको डिरेक्ट किया हुआ है प्रिया दर्शन ने स्टोरी आइडिया प्रिया दर्शन का था डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें प्रिया दर्शन ने खुद की हुई है अंशी सासी ने इस फिल्म का डायलॉग और स्क्रीन प्ले में मदद की हुई है फिल्म को मलयालम तमिल साइमटेनसली दो वर्जन में क्रिएट किया गया था फिल्म का बजट करीबन सौ करोड़ था मलयालम लैंग्वेज की तरफ से कोई ऐसी फिल्म आ रही हो बड़ी फिल्म और उसका बजट इतना हो इसी पहली फिल्म थी क्योंकि इतना बड़ा बजट के साथ मलयालम लैंग्वेज में पहली फिल्म नहीं बनी थी और इस फिल्म के लिए टाइम भी काफी अच्छा खासा लगाया गया वैसे पैतीस दिन में मलयालम लैंग्वेज की फिल्म शूट हो जाती है लेकिन इस फिल्म के लिए काफी बड़ा टाइम लगा था और साथ ही में इस फिल्म की जो शूटिंग थी उसके लिए प्रॉपर सेट क्रिएट किए गए थे जिसमें भी अच्छा खासा खर्चा किया गया था इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एंटोनी पेरूबर ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी आशीर्वाद सिनेमाज और कॉन्फिडेंट ग्रुप के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है इस फिल्म को वी क्रिएशन ने तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट किया था फास्ट फिल्म ने ओवरसीज में वहीं पे पर सिनेमाज और एंटरटेनमेंट्स ने केरला वर्जन में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी तिरु ने की हुए एम एस अयपरनेर ने एडिटिंग की हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर राहुल राज और अंकित सूरी ने किए हुए लेल इवान रोइर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था वहीं पे सॉन्ग है वो रोनी राफेल ने किए हुए फिल्म के के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो है वो अलग-अलग में -अलग में भी बाद किया किया गया था पे इंडिया लेवल पे इस फिल्म किया गया था क्योंकि को था उस वजह से पे इस फिल्म के गानों को 2018 से बीच के बीच के बीच में रिकॉर्ड किया गया था साइना म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइट्स थे वैसे अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग राइट्स बेचे गए थे जैसे कि हिंदी वर्जन के जो राइट्स थे गानों के वो अलग वर्जन के लिए अलग अलग को बेचे गए थे तेलुगु वर्जन के लिए मैंगो म्यूजिक वालों ने राइट्स रखे हुए थे और इस फिल्म के जो दूसरे सभी वर्जन थे जिसमें डीवो पर स्टूडियो ने भी राइट्स अपने पास रखे हुए थे तो इस तरह से अलग अलग वजन के लिए गानों के राइट्स बेचे गए थे इसके अलावा इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अब हम बातचीत करें तो मोहम्मद अली जो कुंजाली मरक कर है उसका रोल मोहनलाल ने प्ले किया हुआ है यंग कुंजाली का रोल प्रणव मोहनलाल को दिया गया था आनंद मंगल चांद कर जो रोल था वो अर्जुन सरजा ने प्ले किया हुआ था यंग आनंदन का रोल अरुण कुरियन ने दिया हुआ था वहीं पे चंद्रोत पेनी करके रोल में सुनील शेट्टी देखने को मिलेंगे तंगुडू के रोल में प्रभु देखने को मिलेंगे समुथिर के रोल में नींदमोड़ी वेडू देखने को मिलेंगे धर्मोत पेनीकर का रोल मुकेश ने प्ले किया हुआ है पत्तु मरकर का रोल सीद्क्की ने प्ले किया हुआ सबईडा का रोल है सुबेदा का रोल है वो मंजू वॉरियर ने प्ले किया हुआ है अर्चा का रोल कीर्ति सुरेश को दिया गया था आयसा का रोल कल्याणी प्रिया दर्शन ने प्ले किया हुआ है अच्छु मगध श्याचंद का रोल अशोक सेलवान ने प्ले किया हुआ है यंग अचुतान का रोल जीतिन पेथर ने प्ले किया हुआ है चेंग जुआन चिन्नाली का रोल जय जे जकी को दिया गया था नमन गुरु का रोल इनोसेंट को दिया गया था वेर कुत्तू पेनिकर का रोल के बी गणेश कुमार ने प्ले किया हुआ है पुथुमाना पेनिकर का रोल बाबूराज को दिया गया था मंगत चार का रोल हरीश पेराडी को दिया गया था अबूकार हाजी के रोल में ममू कोया देखने को मिलेंगे वहीं पे कुथीव नेर वाला रोल है वो नंदू ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में फाजिल देखने को मिलेंगे जिन्होंने कुत्ती अली मरक्कर का रोल प्ले किया हुआ है कोकल तो पेनिकर का रोल संतोष की किरजोतर को दिया गया था सुहासिनी मनी रत्नम इस फिल्म में कदी जुमा के रोल में देखने को मिलेंगे मोयडू के रोल में सु, मोयडू का रोल है वो सुरेश कृष्णा ने प्ले किया हुआ है मई कुत्ती का रोल मनी कुत्तन ने प्ले किया हुआ है कोची राजा के रोल में आपको जी सुरेश कुमार देखने को मिलेंगे कोची राजा एडवाइजर का रोल श्रीकांत मुरली को दिया गया था ट्रांसलेटर का रोल कृष्णा प्रसाद को दिया गया था नामब्यथिर यानी कि के नीज का रोल अर्जुन नंद कुमार को दिया गया था समुद्री सिस्टर का रोल पार्वती टी को दिया गया था अनंदन की वाइफ का रोल कोमल शर्मा को दिया गया था वाइस रॉय फ्रांसिसको डा वाले किरदार में टो टोबी तो सुबेष बेक देखने को मिलेंगे एंड्री फुस्ती मिन्टुका वाला किरदार मिक्स के हमने प्ले किया हुआ है पोल हॉन्टली थॉमस इस फिल्म में अल्फंस तीन नोरह का रोल प्ले करेंगे वीना नंद कुमार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे वहीं पे थंगडो के असिस्टेंट का रोल बिनीस कोडियार ने प्ले किया हुआ है मरक्कर का असिस्टेंट का रोल सियासम ने प्ले किया हुआ है कोलिकोडे नारायण नेर वाला एक्टर ने इस फिल्म में अबूकरा हाजी का रोल प्ले किया हुआ स्ट्रीट वेंडर का कैमियो अपीयरेंस अनंत एंटनी परमवर ने दिया हुआ है जो फिल्म के प्रोड्यूसर है वहीं पे विक्रमन ने इस फिल्म में राजगरो का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को पहले 1996 के आसपास बनाने वाले थे जहां पे बाद में प्रिया दर्शन ने कई एक्टर्स को इस आइडिया को सुनाया हुआ था 99 में इस पिच को कंफर्म किया गया था और इस फिल्म के ऊपर काम होने वाला था लेकिन इस फिल्म के लिए बजट काफ़ी ज़्यादा चाहिए था जो उस समय हो नहीं पाता विजुअल इफेक्ट्स थे वो उस समय उतने बेहतर नहीं हो पाते और इस प्रोजेक्ट को बाद में जया के साथ रिवाइव किया गया था दो हज़ार में लेकिन तब भी ये सभी चीज़ें नहीं बन पाई ओगर सिनेमा के द्वारा इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के राइट्स खरीदे गए थे उसके बाद में कास्टरूट के ऊपर बातचीत की गई थी तब भी ये चीज़ें नहीं हो पाई में में ने हिंदी फिल्म में रिवील किया हुआ था कि वो मलयालम लैंग्वेज पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म में काम करे जिसमें मोहनलाल रोल में होने वाले 2017 में कहा गया था कि इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर शूटिंग स्टार्ट होने वाले इस फिल्म को हम उनकी हिंदी फिल्म वो कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट करवाया जाएगा इस फिल्म के ऊपर करीबन दस से ज़्यादा महीने की रिसर्च लगेगी उसके बाद में शूटिंग स्टार्ट की जाएगी उसके बाद में धीरे धीरे इस फिल्म के ऊपर काम करना स्टार्ट किया गया फिल्म की शूटिंग को बाद में 2018 के आसपास कोची से स्टार्ट किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के कास्टिंग और शूटिंग के ऊपर काम किया गया फिल्म को करीबन पचास से साठ दिनों की शूटिंग में अलग अलग शेड्यूल में कंप्लीट करवाया गया था फिल्म के ऊपर करीबन अस्सी से सौ करोड़ का बजट लगाया गया और मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से वन ऑफ दी हाईएस्ट बजट वाली फिल्मों की श्रेणी में इस फिल्म को शामिल किया गया था इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो साइट मिनट की लेंथ है साउंड ट्रेक की जिसमें 2018 से 20 तक गानों को रिकॉर्ड किया गया था एक अगस्त 2021 तक सभी गानों को रिलीज किया गया था मलयालम और हिंदी वर्जन के ऊपर मैं आपको ट्रैक लिस्टिंग बता देता हूं पहला गाना है कुंजू कुंजाली दूसरा गाना है कनीले इंते दूसरा गाना है चेबिनते चिल्लुला तीसरा गाना है इिवीलो पाँचवा गाना है नी इंथाए छठा गाना है कुंजू कुंजाली इंस्ट्रूमेंट वर्जन तो इनको हिंदी में भी क्रिएट किया गया था तो हिंदी टाइटल थे नन्हे है कुंजाली दूसरा गाना था आँखों में तीसरा गाना था प्यारा सा कुंजाली वहीं पे मध्यम करके एक गाना था और हे नंद लाला और एक इंस्ट्रूमेंटल था नन्हे है कुंजाली का तो ये गाने हिंदी में भी क्रिएट किए गए थे इन सभी गानों को फिलहाल में यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में डी वो म्यूजिक पर हवा स्टूडियो और सेना म्यूजिक इन सभी यूट्यूब चैनल के ऊपर अलग वर्जन में आप इंजॉय कर सकते हो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी मरकर के किरदार के ऊपर इस बे बेच जहाँ पे सोलहवीं शताब्दी के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे कुंजाली मरकर जिसका रोल प्ले करें मोहन मोहनलाल उनके किरदार के ऊपर बेस्ड है जिसकी फैमिली को काफ़ी ब्रूटल वे में मार दिया जाता है जहाँ पे कुंजली जंगल को चलाता हुआ आ रहा है और बाद में वो जंगल में गरीबों का मसीहा बन जाता है उसी समय के दौरान जो जुमरीन का किंगडम है जो उसके ऊपर पोर्टोगीज अटैक कर देते तो उस किंगडम के चे, जो चीफ होते हैं वो कुंजाली को अप्रोच करते हैं उनसे मदद मांगते हैं और कुंजाली पोर्तज़ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो किस तरह से जीतता है वही चीज़ों के ऊपर फिल्म के कहानी की कहानी सेट की हुई है फिल्म का इफेक्ट्स काफ़ी बढ़िया है मेजर अट्रैक्शन कह सकते हैं सिनेमाटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी इस फिल्म में काफ़ी सारे मल्टीपल एडवांटेज कह सकते मल्टीपल स्टार थे वो फिल्म के लिए बड़ा एडवांटेज था क्योंकि फिल्म की हर एक स्क्रीन में कोई ना कोई बड़ा स्टार बड़ी एक्ट्रेस आपको देख ने को मिलते है, फिल्म को काफी रियलिस्टिक बेड्रॉक के साथ दिखा गया था जहाँ पे चीजों को काफी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था मोहन इस फिल्म की लाइट एंड सोल है जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है वो आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने एक्शन सिक्वेंस प्ले किए हुए उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो पूरी फिल्म में काफी बढ़िया नजर आती है उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी अट्रेक्टिव था वो पूरी तरह से अकेले अपने कंधे पर इस फिल्म को चलाते हुए नजर आते हैं कीर्ति सुरेश ने इस फिल्म में काफी बढ़िया काम किया हुआ है जहाँ पे अर्जुन सरजा सुनील शेट्टी कल्याणी प्रिया दर्शन भी अच्छा रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं इस फिल्म के स्टंट एक्शन ब्लॉक आपको जरूर पसंद आएंगे वो काफ़ी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किए हुए फिल्म का सेकंड आप उतना कुछ खास नहीं था वो थोड़ा स्लो नज़र आता है उसको थोड़ा खिंचा हुआ ऐसा नज़र आता है लेंदी रन टाइम था उसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए था चीज़ों को थोड़ा बेहतर वे में दिखाया जा सकता था फिल्म में किरदार में उतनी देर नज़र नहीं आते उसको बेहतर किया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी टॉप नोट नजर आएगी इस फिल्म की हर एक स्क्रीन में हर एक का सीन में काफी पैसा खर्च किया वैसा नजर आता है प्रोडक्शन डिजाइन काफी बढ़िया था किसी सबूत रिल ने की हुई है जहां पे इस फिल्म में जो प्रॉप्स यूज किए हुए जो रॉयल लुक दिया हुआ है वो काफी अच्छा है एक्शन सिक्वेंस को काफी अमेजिंग तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ है एडिटिंग बेहतर हो सकती थी करीबन फिल्म को पंद्रह बीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था डायरेक्टर प्रिया दर्शन ने बिलो एवरेज काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म की कहानी को काफी अच्छी तरह से लिखा हुआ था लेकिन उसको बेहतर में वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए कुल मिला के मरकर विजुअली काफी एक बढ़िया ट्रीट दी जाती है लेकिन में इमोशन है उसमें देव की कमी नज़र आती है प्रोसीडिंग काफी लेंदी नज़र आती है और उसमें काफी ज्यादा कनेक्शन की कमी नज़र आती है इसमें काफी ज्यादा हेवी मलयालम फ्लेवर है इस वजह से आप अगर मलयालम फिल्म देखना उतना कुछ खास प्रीफर नहीं करते हो तो शायद आपको कम पसंद आएगी अदरवाइज ओवरऑल एक अच्छी फिल्म कह सकते हो उसको वन टाइम वॉच के लिए जरूर देख सकते हो रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को मलयालम के साथ साथ तमिल तेलगु कन्नडा हिंदी सभी वर्जन में दो दिसंबर दो को यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया था जब फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहां इस फिल्म को करीबन दस हजार वोट मिले हुए जिसमें पांच पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और इस फिल्म को बाद में थिएट्रिकल रिलीज के करीबन थोड़े दिनों के बाद ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट पर प्रीमियर करवा दिया गया था करीबन 2 दिसंबर 2021 को फिल्म को थिएटर में रिलीज किया था मिक्स रिस्पांस और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना कुछ खास ना आने की वजह से फिल्म को 17 दिसंबर 2021 तक डायरेक्ट ओ टी टी पे प्रीमियर करवा दिया गया था इसका मतलब थिएट्रिकल रिलीज के पंद्रह दिनों में ही फिल्म को ओ टी टी पे अवेलेबल करवा दिया था अब कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म ने राइट्स खरीदे कहाँ पर देखने को मिले ये फिल्म उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं फिल्म के ओ टी टी राइट्स सभी वर्जन जैसे कि मलयालम मेन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा ये सभी वर्जन के राइट्स है वो खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने जिन्होंने काफी बड़ी रकम देते हुए इसके राइट्स खरीदे हुए थे तो ये फिल्म फिलहाल में मरक्कर लाइन ऑफ द अरेबियन सी नाम के साथ मलयालम तमिल तेलुगु कन्नड़ा और हिंदी ये सभी वर्जन में ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मरक्कर फिल्म का जो ओ टी टी वर्जन है वो आपको ऑफिशियली एमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे फिल्म ऑफिशियली आपको तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा और हिंदी इन सभी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देखने को मिल जाएगी जहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे इस फिल्म को बाद में आप सैटेलाइट चैनल्स के ऊपर रिस्पेक्टेड लैंग्वेज चैनल के ऊपर भी ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो मरकर लायन ऑफ द अरेबियन सी इस फिल्म को मलयालम वर्ज़न में टाइटल दिया हुआ है मरकर अरब गे तिहम और तमिल टाइटल है मरक्ार अरबका लाल सिंगम इसके अलावा इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी टाइटल दिया हुआ था मरक्कन समुद्र का लूटेरा करके तो इस तरह से अलग अलग वर्जन में टाइटल दिया था लेकिन एक इंग्लिश टाइटल कॉमन था मरक्कर लायन ऑफ द अरबियन सी जिसको डिरेक्ट किया हुआ है प्रिया दर्शन ने स्टोरी आइडिया प्रिया दर्शन का था डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें प्रिया दर्शन ने खुद की हुई है अंशी सासी ने इस फिल्म का डायलॉग और स्क्रीन प्ले में मदद की हुई है फिल्म को मलयालम तमिल साइमटेनसली दो वर्जन में क्रिएट किया गया था फिल्म का बजट करीबन सौ करोड़ था मलयालम लैंग्वेज की तरफ से कोई ऐसी फिल्म आ रही हो बड़ी फिल्म और उसका बजट इतना हो इसी पहली फिल्म थी क्योंकि इतना बड़ा बजट के साथ मलयालम लैंग्वेज में पहली फिल्म नहीं बनी थी और इस फिल्म के लिए टाइम भी काफ़ी अच्छा खासा लगाया गया वैसे तीस पैंतीस दिन में मलयालम लैंग्वेज की फिल्में शूट हो जाती है लेकिन इस फिल्म के लिए काफ़ी बड़ा टाइम लगा था और साथ ही में इस फिल्म की जो शूटिंग थी उसके लिए प्रॉपर सेट क्रिएट किए गए थे जिसमें भी अच्छा खासा खर्चा किया गया था इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एंटोनी पेरूबरव ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी आशीर्वाद सिनेमाज और कॉन्फिडेंट ग्रुप के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है इस फिल्म को वी क्रिएशन ने तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट किया था फार फिल्म ने ओवरसीज में वहीं पे मैक्स सिनेमाज और एंटरटेनमेंट्स ने केरला वर्जन में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी तिरु ने की हुए एम एस अयपरनेर ने एडिटिंग किए हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर राहुल राज और अंकित सूरी ने किए हुए लेल इवान रोइर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था वहीं पे सॉन्ग है वो रोनी राफेल ने किए हुए फिल्म के के ऊपर बातचीत तो फिल्म का जो है वो अलग-अलग में -अलग में भी बाद रिलीज किया गया था उस वजह से जहां पे इस फिल्म के गानों को 2018 से बीच के बीच, के बीच में रिकॉर्ड किया गया था साइना म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइट्स थे वैसे अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग राइट्स बेचे गए थे जैसे कि हिंदी वर्जन के जो राइट्स राइट थे गानों के वो अलग वर्ज़न के लिए अलग अलग को बेचे गए थे तेलुगु वर्जन के लिए मैंगो म्यूजिक वालों ने राइट्स रखे हुए थे और इस फिल्म के जो दूसरे सभी वर्जन थे जिसमें डीवो परामवा स्टूडियो ने भी राइट्स अपने पास रखे हुए थे तो इस तरह से अलग अलग वर्जन के लिए गानों के राइट्स बेचे गए थे इसके अलावा इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अब हम बातचीत करें तो मोहम्मद अली जो कुंजाली मरक्र है उसका रोल मोहनलाल ने प्ले किया हुआ है यंग कुंजाली का रोल प्रणव मोहनलाल को दिया गया था आनंद मंगल चांद कर जो रोल था वो अर्जुन सरजा ने प्ले किया हुआ था यंग आनंदन का रोल अरुण कुरियन ने दिया हुआ था वहीं पे चंद्रोत पेनीकर के रोल में सुनील शेट्टी देखने को मिलेंगे तंगुडू के रोल में प्रभु देखने को मिलेंगे समुथिर के रोल में निंदुमोड़ी वेडू देखने को मिलेंगे धर्मोत पेनीकर का रोल मुकेश ने प्ले किया हुआ है पत्तू मरक्कर का रोल सिद्दक्की ने प्ले किया हुआ सबैडा का रोल है सुबेदा का रोल है वो मंजू वॉरियर ने प्ले किया हुआ है अर्चा का रोल कीर्ति सुरेश को दिया गया था ऐसा का रोल कल्याणी प्रिया दर्शन ने प्ले किया हुआ है अच्छु तन्ना मगध्याचंद का रोल अशोक सेलवान ने प्ले किया हुआ है यंग अचुतान का रोल जीतिन पेतचर ने प्ले किया हुआ है चेंग जुआन चिन्नाली का रोल जय जे जकीर्त को दिया गया था नमन स्कुरूप का रोल इनोसेंट को दिया गया था वेर तो पेनिकर का रोल के बी गणेश कुमार ने प्ले किया हुआ है पुथुमाना पेनिकर का रोल बाबूराज को दिया गया था मंगत चार का रोल हरीश पेराडी को दिया गया था अबूकार हजी के रोल में ममू कोया देखने को मिलेंगे वहीं पे कुथीवत्तू नेर वाला रोल है वो नंदू ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में फाजिल देखने को मिलेंगे जिन्होंने कुत्ती अली मरक्कर का रोल प्ले किया हुआ है कोकल टू पेनीकर का रोल संतोष की किरजोतर को दिया गया था सुहासिनी मनी रत्नम इस फिल्म में कदी जुम्मा के रोल में देखने को मिलेंगे मोयडू के रोल में मोयडू का रोल है वो सुरेश कृष्णा ने प्ले किया हुआ है मई कुत्ती का रोल मनी कुत्तन ने प्ले किया हुआ है कोची राजा के रोल में आपको जी सुरेश कुमार देखने को मिलेंगे कोची राजा एडवाइजर का रोल श्रीकांत मुरली को दिया गया था ट्रांसलेटर का रोल कृष्णा प्रसाद को दिया गया था नामब्यथिर यानी कि समुत्री के नीस का रोल अर्जुन नंद कुमार को दिया गया था समुद्री सिस्टर का रोल पार्वती टी को दिया गया था अनंदन की वाइफ का रोल कोमल शर्मा को दिया गया था वाइस रॉय फ्रांसिसको डा गामा वाले किरदार में टो टोबी तो सुबेष बेक देखने को मिलेंगे एंड्री फुस्ती मिन्टुका वाला किरदार मिक्स के हमने प्ले किया हुआ है पोल हॉन्टली थॉमस इस फिल्म में एल्फंस दे नौरंद का रोल प्ले करेंगे वीना नंद कुमार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे वहीं पे थंगोडो के असिस्टेंट का रोल बिनीस कोडियार ने प्ले किया हुआ है मारक्कर का असिस्टेंट का रोल सियासम ने प्ले किया हुआ है कोलिकोडे नारायण नेरवाला एक्टर ने इस फिल्म में अबूकरा हाजी का रोल प्ले किया हुआ स्ट्रीट वेंडर का कैमियो अपीयरेंस केम्यूपरेंस एंटनी परमवर ने दिया हुआ जो फिल्म के प्रोड्यूसर है वहीं पे विक्रमन ने इस फिल्म में राजगरो का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को पहले 1996 के आसपास बनाने वाले थे जहां पे बाद में प्रिया दर्शन ने कई एक्टर्स को इस आइडिया को सुनाया हुआ था 99 में इस पिच को कंफर्म किया गया था और इस फिल्म के ऊपर काम होने वाला था लेकिन इस फिल्म के लिए बजट काफ़ी ज़्यादा चाहिए था जो उस समय हो नहीं पाता विजुअल इफेक्ट्स थे वो उस समय उतने बेहतर नहीं हो पाते और इस प्रोजेक्ट को बाद में जया के साथ रिवाइव किया गया था दो हज़ार में लेकिन तब भी ये सभी चीज़ें नहीं बन पाई ओगर सिनेमा के द्वारा इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के राइट्स खरीदे गए थे उसके बाद में कास्टरूट के ऊपर बातचीत की गई थी तब भी ये चीज़ें नहीं हो पाई में ने हिंदी फिल्म में रिवील किया हुआ था कि वो मलयालम लैंग्वेज पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म में काम करे जिसमें मोहनलाल रोल में होने वाले 2017 में कहा गया था कि इस फिल्म की प्रोजेक के प्रोजेक्ट के ऊपर शूटिंग स्टार्ट होने वाले इस फिल्म को हम एक उनकी हिंदी फिल्म वो कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट करवाया जाएगा इस फिल्म के ऊपर करीबन दस से ज़्यादा महीने की रिसर्च लगेगी उसके बाद में शूटिंग स्टार्ट की जाएगी उसके बाद में धीरे धीरे इस फिल्म के ऊपर काम करना स्टार्ट किया गया फिल्म की शूटिंग को बाद में 2018 के आसपास कोची से स्टार्ट किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के कास्टिंग और शूटिंग के ऊपर काम किया गया फिल्म को करीबन पचास से साठ दिनों की शूटिंग में अलग अलग शेड्यूल में कंप्लीट करवाया गया था फिल्म के ऊपर करीबन अस्सी से सौ करोड़ का बजट लगाया गया और मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से वन ऑफ दी हाईएस्ट बजट वाली फिल्मों की श्रेणी में इस फिल्म को शामिल किया गया था इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो मिनट की लेंथ है साउंड ट्रैक की जिसमें 2018 से 20 तक गानों को रिकॉर्ड किया गया था एक अगस्त 2021 तक सभी गानों को रिलीज किया गया था मलयालम और हिंदी वर्जन के ऊपर मैं आपको ट्रैक लिस्टिंग बता देता हूँ पहला गाना है कुंजू कुंजाली दूसरा गाना है कनीले इंते दूसरा गाना है चेबिनते चिल्लुला तीसरा गाना है एलि पाँचवा गाना है नी इंथाए छठा गाना है कुंजू कुंजाली इंस्ट्रूमेंट वर्जन तो इनको हिंदी में भी क्रिएट किया गया था तो हिंदी टाइटल थे नन्हे है कुंजाली दूसरा गाना था आँखों में तीसरा गाना था प्यारा सा कुंजाली वहीं पे मध्यम करके एक गाना था और हे नंद लाला और एक इंस्ट्रोमेंटल था नन्हे है कुंजाली का तो ये गाने हिंदी में भी क्रिएट किए गए थे इन सभी गानों को फ़िलहाल में यूट्यूब पर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में दीवो म्यूजिक पर हमारा स्टूडियो और सेना म्यूजिक इन सभी यूट्यूब चैनल के ऊपर अलग वजन में आप इंजॉय कर सकते हो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी मरकर के किरदार के ऊपर इस बेस्ड है जहाँ पे सोलहवीं शताब्दी के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे कुंजाली मरकर जिसका रोल प्ले करे मोहन लाल उनके किरदार के ऊपर बेस्ड है जिसकी फैमिली को काफ़ी ब्रूटल वे में मार दिया जाता है जहाँ पे कुंजली जंगल को चलाता हुआ आ रहा है बाद में वो जंगल में गरीबों का मसीहा बन जाता है उसी समय के दौरान जो ज़ुमरिन का किंगडम है जो उसके ऊपर पोर्टोगीज अटैक कर देते तो उस किंगडम के चे, जो चीफ होते हैं वो कुंजाली को अप्रोच करते हैं उनसे मदद मांगते हैं और कुंजाली पोर्तज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो किस तरह से जीतता है वही चीज़ों के ऊपर फिल्म के कहानी की कहानी सेट की हुई फिल्म का इफेक्ट्स काफ़ी बढ़िया है मेजर अट्रैक्शन कह सकते हैं सिनेमाटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी इस फिल्म में काफ़ी सारे मल्टीपल एडवांटेज कह सकते हैं मल्टीपल स्टार थे वो फिल्म के लिए बड़ा एडवांटेज था क्योंकि फिल्म की हर एक स्क्रीन में कोई ना कोई बड़ा स्टार बड़ी एक्ट्रेस आपको देख को मिलते है, फिल्म को काफी रियलिस्टिक बेड्रॉक के साथ दिखा गया था जहाँ पे चीजों को काफी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था मोहन इस फिल्म की लाइट एंड सोल है जिस तरह से उन्होंने एक टेरिफिक परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है वो आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने एक्शन सिक्वेंस प्ले किए हुए उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो पूरी फिल्म में काफी बढ़िया नजर आती है उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी अट्रेक्टिव था वो पूरी तरह से अकेले अपने कंधे पर इस फिल्म को चलाते हुए नजर आते हैं कीर्ति सुरेश ने इस फिल्म में काफी बढ़िया काम किया हुआ है जहाँ पे अर्जुन सरजा सुनील शेट्टी कल्याणी प्रिया दर्शन भी अच्छा रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं इस फिल्म के स्टंट एक्शन ब्लॉक आपको ज़रूर पसंद आएंगे वो काफ़ी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किए हुए फिल्म का सेकंड आप उतना कुछ खास नहीं था वो थोड़ा स्लो नज़र आता है उसको थोड़ा खिंचा हुआ ऐसा नजर आता है लेंदी रन टाइम था उसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए था चीज़ों को थोड़ा बेहतर वे में दिखाया जा सकता था फिल्म में किरदार में उतनी देर नज़र नहीं आते उसको बेहतर किया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी टॉप नोट नज़र आएगी इस फिल्म की हर एक स्क्रीन में हर एक का सीन में काफी पैसा खर्च किया वैसा नजर आता है प्रोडक्शन डिजाइन काफी बढ़िया था किसी सबूत सील ने की हुई है जहां पे इस फिल्म में जो प्रॉप्स यूज किए हुए जो रॉयल लुक दिया हुआ है वो काफी अच्छा है एक्शन सिक्वेंस को काफी अमेजिंग तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ है एडिटिंग बेहतर हो सकती थी करीबन फिल्म को पंद्रह बीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था डायरेक्टर प्रिया दर्शन ने एक बिलो एवरेज काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म की कहानी को काफी अच्छी तरह से लिखा हुआ था लेकिन उसको बेहतर में वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए कुल मिला के मरक कर विजुअली काफी एक बढ़िया ट्रीट दी जाती है लेकिन में इमोशन है उसमें देव की कमी नजर आती है प्रोसीडिंग काफी लेंदी नजर आती है और उसमें काफी ज्यादा कनेक्शन की कमी नज़र आती है इसमें काफी ज्यादा हेवी मलयालम फ्लेवर है इस वजह से आप अगर मलयालम फिल्म में देखना उतना कुछ खास प्रीफर नहीं करते हो तो शायद आपको कम पसंद आएगी अदरवाइज ओवरऑल एक अच्छी फिल्म कह सकते हो उसको वन टाइम वॉच के लिए जरूर देख सकते हो रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को मलयालम के साथ साथ तमिल तेलुगू कन्नड़ा हिंदी सभी वर्जन में 2 दिसंबर 2021 को यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया था जब फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहां पे पे इस फिल्म को करीबन दस हजार वोट मिले हुए जिसमें पांच पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और इस फिल्म को बाद में थिएट्रिकल रिलीज के करीब थोड़े दिनों के बाद ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट पर प्रीमियर करवा दिया गया था करीबन 2 दिसंबर 2021 को फिल्म को थिएटर में रिलीज किया था मिक्स रिस्पांस और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना कुछ खास ना आने की वजह से फिल्म को 17 दिसंबर 2021 तक डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवा दिया गया था इसका मतलब थिएट्रिकल रिलीज के पंद्रह दिनों में ही फिल्म को ओ टी पे अवेलेबल करवा दिया था अब कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म ने राइट्स खरीदे कहाँ पर देखने को मिले ये फिल्म उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं फिल्म के ओटीटी राइट्स सभी वर्जन जैसे कि मलयालम मेन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा ये सभी वर्जन के राइट्स है वो खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने जिन्होंने काफी बड़ी रकम देते हुए इसके राइट्स खरीदे हुए थे तो ये फिल्म फिलहाल में मरक्र लाइन ऑफ द अरेबियन सी नाम के साथ मलयालम तमिल तेलुगु कन्नडा और हिंदी ये सभी वर्जन में ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मरक्कर फिल्म का जो ओ वर्जन है वो आपको ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे फिल्म ऑफिशियली आपको तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा और हिंदी इन सभी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देखने को मिल जाएगी जहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे इस फिल्म को बाद में आप सेटेलाइट चैनल्स के ऊपर रिस्पेक्टेड लैंग्वेज चैनल के ऊपर भी ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी इस फिल्म को मलयालम वर्जन में टाइटल दिया हुआ है मरक्र अरब ग सिंहम और में तमिल टाइटल है मरक्यार अरब कत्त ने सिंगम इसके अलावा इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी टाइटल दिया हुआ था मरक्कन समुद्र का लूटेरा करके तो इस तरह से अलग अलग वर्जन में टाइटल दिया था लेकिन एक इंग्लिश टाइटल कॉमन था मरक्र लायन ऑफ द अरेबियन सी जिसको डिरेक्ट किया हुआ प्रिया दर्शन ने स्टोरी आइडिया प्रिया दर्शन का था डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें प्रिया दर्शन ने खुद की हुई है अंशी सासी ने इस फिल्म का डायलॉग और स्क्रीन प्ले में मदद की हुई है फिल्म को मलयालम तमिल साइमटेनसली दो वर्जन में क्रिएट किया गया था फिल्म का बजट करीबन सौ करोड़ था मलयालम लैंग्वेज की तरफ से कोई ऐसी फिल्म आ रही हो बड़ी फिल्म और उसका बजट इतना हो इसी पहली फिल्म थी क्योंकि इतना बड़ा बजट के साथ मलयालम लैंग्वेज में पहली फिल्म नहीं बनी थी और इस फिल्म के लिए टाइम भी काफी अच्छा खासा लगाया गया वैसे तीस पैंतीस दिन में मलयालम लैंग्वेज की फिल्में शूट हो जाती है लेकिन इस फिल्म के लिए काफ़ी बड़ा टाइम लगा था और साथ ही में इस फिल्म की जो शूटिंग थी उसके लिए प्रॉपर सेट क्रिएट किए गए थे जिसमें भी अच्छा खासा खर्चा किया गया था इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एंटोनी पेरोबरो ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी आशीर्वाद सिनेमाज और कॉन्फिडेंट ग्रुप के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है इस फिल्म को वी क्रिएशन ने तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट किया था फार फिल्म ने ओवरसीज में वहीं पे मैक्सलेप और एंटरटेनमेंट्स ने केरला वर्जन में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी तिरु ने की हुए एम एस अयपरनेर ने एडिटिंग की हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर राहुल राज और अंकित सूरी ने किए हुए लेल इवान रोइर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था वहीं पे सॉन्ग है वो रोनी राफेल ने किए हुए फिल्म के के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो है वो अलग-अलग में -अलग में भी बाद रिलीज किया गया था उस वजह से जहाँ पे इस फिल्म के गानों को दो से बीच के 20 के बीच में रिकॉर्ड किया गया था साइना म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइट्स थे वैसे अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग राइट्स बेचे गए थे जैसे कि हिंदी वर्जन के जो राइट्स राइट थे गानों के वो अलग वर्ज़न के लिए अलग अलग को बेचे गए थे तेलुगु वर्जन के लिए मैंगो म्यूजिक वालों ने राइट्स रखे हुए थे और इस फिल्म के जो दूसरे सभी वर्जन थे जिसमें डी वो स्टूडियो ने भी राइट्स अपने पास रखे हुए थे तो इस तरह से अलग अलग वर्जन के लिए गानों के राइट्स बेचे गए थे इसके अलावा इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अब हम बातचीत करें तो मोहम्मद अली जो कुंजाली मरक फाइ है उसका रोल मोहनलाल ने प्ले किया हुआ है यंग कुंजाली का रोल प्रणव मोहनलाल को दिया गया था आनंद मंगल चांद कर जो रोल था वो अर्जुन सरजा ने प्ले किया था यंग आनंदन का रोल अरुण कुरियर ने दिया हुआ था वहीं पे चंद्रोत पेनीकर के रोल में सुनील शेट्टी देखने को मिलेंगे तंगुरु के रोल में प्रभु देखने को मिलेंगे समुथिर के रोल में निंदुमोड़ी वेडू देखने को मिलेंगे धर्मोत पेनीकर का रोल मुकेश ने प्ले किया हुआ है पत्तू मरक्कर का रोल सिद्क्की ने प्ले किया हुआ सबैडा का रोल है सुबेदा का रोल है वो मंजू वॉरियर ने प्ले किया हुआ है अर्चा का रोल कीर्ति सुरेश को दिया गया था आयसा का रोल कल्याणी प्रिया दर्शन ने प्ले किया हुआ है अच्छु तन्ना मगध का रोल अशोक सेलवान ने प्ले किया हुआ है यंग अच्छु का रोल जीतिन पेतचर ने प्ले किया हुआ है चेंग जुआन चिन्नाली का रोल जय जे जकी को दिया गया था नमन गुरुप का रोल इनोसेंट को दिया गया था वीर कुत्तू पेनिकर का रोल के बी गणेश कुमार ने प्ले किया हुआ है पुथुमाना पेनिकर का रोल बाबूराज को दिया गया था मंगत का रोल हरीश पेराडी को दिया गया था अबूकार हाजी के रोल में ममू कोया देखने को मिलेंगे वहीं पे कुथीव नेर वाला रोल है वो नंदू ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में फाजिल देखने को मिलेंगे जिन्होंने कुत्ती अली मरकर का रोल प्ले किया हुआ है कोकल तो पेनिकर का रोल संतोष की किरजोतर को दिया गया था सुहासिनी मनी रत्नम इस फिल्म में कदी जुम्मा के रोल में देखने को मिलेंगे मोयडू के रोल में मोयडू का रोल है वो सुरेश कृष्णा ने प्ले किया हुआ है मई कुत्ती का रोल मनी कुत्तन ने प्ले किया हुआ है कोची राजा के रोल में आपको जी सुरेश कुमार देखने को मिलेंगे कोची राजा एडवाइजर का रोल श्रीकांत मुरली को दिया गया था ट्रांसलेटर का रोल कृष्ण प्रसाद को दिया गया था नामब्यथिर यानी कि समुद्री के निज का रोल अर्जुन नंद कुमार को दिया गया था समुत्री सिस्टर का रोल पार्वती टी को दिया गया था अनंदन की वाइफ का रोल कोमल शर्मा को दिया गया था वाइस रॉय फ्रांसिसको डा वाले किरदार में टो टोबी तो सुबे बैक देखने को मिलेंगे एंड्री फूर्तुस्ती मिन्टुका वाला किरदार मिक्स के हमने प्ले किया हुआ है पोल हॉन्टली थॉमस इस फिल्म में एल्फंस दे नौर का रोल प्ले करेंगे वीना नंद कुमार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे वहीं पे थंगडो के असिस्टेंट का रोल बिनेस कोडियार ने प्ले किया हुआ है मरक्कर का असिस्टेंट का रोल सियास ने प्ले किया हुआ है कोलिकोडे नारायण नेरवाला एक्टर ने इस फिल्म में अबूकरा हाजी का रोल प्ले किया हुआ है स्ट्रीट वेंडर का कैमियो केमी अपरेंस एंटनी परमवर ने दिया हुआ जो फिल्म के प्रोड्यूसर है वहीं पे विक्रमन ने इस फिल्म में राजगरो का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को पहले 1996 के आसपास बनाने वाले थे जहां पे बाद में प्रिया दर्शन ने कई एक्टर्स को इस आइडिया को सुनाया हुआ था 99 में इस स्पीच को कंफर्म किया गया था और इस फिल्म के ऊपर काम होने वाला था लेकिन इस फिल्म के लिए बजट काफ़ी ज़्यादा चाहिए था जो उस समय हो नहीं पाता विजुअल इफेक्ट्स थे वो उस समय उतने बेहतर नहीं हो पाते और इस प्रोजेक्ट को बाद में जया के साथ रिवाइ किया गया था दो हज़ार में लेकिन तब भी ये सभी चीज़ें नहीं बन पाई ओगर सिनेमा के द्वारा इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के राइट्स खरीदे गए थे उसके बाद में कास्ट्रूट्स के ऊपर बातचीत की गई थी तब भी ये चीज़ें नहीं हो पाई में ने हिंदी फिल्म में रिवील किया हुआ था कि वो मलयालम लैंग्वेज पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म में काम करे जिसमें मोहनलाल रोल में होने वाले 2017 में कहा गया था कि इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर शूटिंग स्टार्ट होने वाले इस फिल्म को हम एक उनकी हिंदी फिल्म वो कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट करवाया जाएगा इस फिल्म के ऊपर करीबन दस से ज़्यादा महीने की रिसर्च लगेगी उसके बाद में शूटिंग स्टार्ट शुट्ण की जाएगी उसके बाद में धीरे धीरे इस फिल्म के ऊपर काम करना स्टार्ट किया गया फिल्म की शूटिंग को बाद में 2018 के आसपास कोची से स्टार्ट किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के कास्टिंग और शूटिंग के ऊपर काम किया गया फिल्म को करीबन पचास से साठ दिनों की शूटिंग में अलग अलग शेड्यूल में कंप्लीट करवाया गया था फिल्म के ऊपर करीबन अस्सी से सौ करोड़ का बजट लगाया गया और मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से वन ऑफ दी हाईएस्ट बजट वाली फिल्मों की श्रेणी में इस फिल्म को शामिल किया गया था इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो मिनट की लेंथ है साउंड ट्रेक की जिसमें 2018 से 20 तक गानों को रिकॉर्ड किया गया था एक अगस्त 2021 तक सभी गानों को रिलीज किया गया था मलयालम और हिंदी वर्जन के ऊपर मैं आपको ट्रैक लिस्टिंग बता देता हूं पहला गाना है कुंजू कुंजाली दूसरा गाना है कनीले इंते दूसरा गाना है चेबिनते चिल्लुला तीसरा गाना है एलि पांचवा गाना है नी ये इन था छठा गाना है कुंजू कुंजाली इंस्ट्रूमेंट वर्जन तो इनको हिंदी में भी क्रिएट किया गया था तो हिंदी टाइटल थे नन्हे हे कुंजाली दूसरा गाना था आंखों में तीसरा गाना था प्यारा सा कुंजाली वहीं पे मध्यम करके एक गाना था और हे नंद लाला और एक इंस्ट्रूमेंटल था नन्हे कुंजाली का तो ये गाने हिंदी में भी क्रिएट किए गए थे इन सभी गानों को फिलहाल में यूट्यूब पे वीडियो फॉर्मेट में दी वो म्यूजिक पर हमारा स्टूडियो और सेना म्यूजिक इन सभी यूट्यूब चैनल के ऊपर अलग वर्जन में आप इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी मरकर के किरदार के ऊपर इस बे बेच जहाँ पे सोलहवीं शताब्दी के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे कुंजाली मरकर जिसका रोल प्ले करे मोहन लाल उनके किरदार के ऊपर बेस्ड है जिसकी फैमिली को काफ़ी ब्रूटल वे में मार दिया जाता है जहाँ पे कुंजाली जंगल को चलाता हुआ आ रहा है बाद में वो जंगल में गरीबों का मसीहा बन जाता है उसी समय के दौरान जो जुमरीन का किंगडम है जो उसके ऊपर पोर्टुगीज़ अटैक कर देते तो उस किंगडम के जो चीफ होते हैं वो कुंजाली को अप्रोच करते उनसे मदद मांगते हैं और कुंजाली पुरतगेज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो किस तरह से जीतता है वही चीज़ों के ऊपर फिल्म के की कहानी सेट की हुई फिल्म का वे इफेक्ट्स काफ़ी बढ़िया है मेजर अट्रैक्शन कह सकते हैं सिनेमाटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी इस फिल्म में काफ़ी सारे मल्टीपल एडवांटेज कह सकते हैं मल्टीपल स्टार थे वो फिल्म के लिए बड़ा एडवांटेज था क्योंकि फिल्म की हर एक स्क्रीन में कोई ना कोई बड़ा स्टार बड़ी एक्ट्रेस आपको देखने को मिलती है फिल्म को काफ़ी रियलिस्टिक बेडरॉक के साथ दिखा गया था जहाँ पे चीज़ों को काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था मोहन इस फिल्म की लाइट एंड सोल है जिस तरह से उन्होंने एक टेरिफिक परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए वो आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने एक्शन सिक्वेंस प्ले किए हुए उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो पूरी फिल्म में काफ़ी बढ़िया नजर आती है उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी अट्रेक्टिव था वो पूरी तरह से अकेले अपने कंधे पर इस फिल्म को चलाते हुए नजर आते कीर्ति सुरेश ने इस फिल्म में काफी बढ़िया काम किया हुआ है जहाँ पे अर्जुन सरजा सुनील शेट्टी कल्याणी प्रिया दर्शन भी अच्छा रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं इस फिल्म के स्टंट एक्शन ब्लॉक आपको जरूर पसंद आएंगे वो काफ़ी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किए हुए फिल्म का कांडा उतना कुछ खास नहीं था वो थोड़ा स्लो नज़र आता है उसको थोड़ा खींचा हुआ ऐसा नज़र आता है लेंदी रन टाइम था उसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए था चीज़ों को थोड़ा बेहतर वे में दिखाया जा सकता था फिल्म में किरदार में उतनी देर नज़र नहीं आते उसको बेहतर किया जा सकता था प्रोडक्शन वाली फिल्म की काफ़ी टॉप नोट नज़र आएगी इस फिल्म की हर एक स्क्रीन में हर एक का सीन में काफ़ी पैसा खर्च किया वैसा नज़र आता है प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी बढ़िया था किसी सबूत स्क्रील ने की हुई है जहाँ पर इस फिल्म में जो प्रॉप्स यूज़ किए हुए जो रॉयल लुक दिया हुआ है वो काफ़ी अच्छा है एक्शन सीक्वेंस को काफी अमेजिंग तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ है एडिटिंग बेहतर हो सकती थी करीबन फिल्म को पंद्रह बीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था डायरेक्टर प्रिया दर्शन ने एक बिलो एवरेज काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म की कहानी को काफी अच्छी तरह से लिखा हुआ था लेकिन उसको बेहतर वे में, में वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए कुल मिला के मरक्कर विजुअली काफी एक बढ़िया ट्रीट दी जाती है लेकिन फिल्म में इमोशन से उसमें देव की कमी नज़र आती है प्रोसीडिंग काफी लेंदी नजर आती है और उसमें काफी ज्यादा कनेक्शन की कमी नज़र आती है इसमें काफी ज्यादा हेवी मलयालम फ्लेवर है इस वजह से आप अगर मलयालम फिल्म में देखना उतना कुछ खास प्रीफर नहीं करते हो तो शायद आपको कम पसंद आएगी अदरवाइज ओवरऑल एक अच्छी फिल्म कह सकते हो उसको वन टाइम वॉच के लिए ज़रूर देख सकते हो रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को मलयालम के साथ साथ तमिल तेलगू कन्नड़ा हिंदी सभी वर्जन में दो दिसंबर दो को यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया था जब फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे आई एम पे इस फिल्म को करीबन दस वोट मिले हुए जिसमें पांच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और इस फ़िल्म को बाद में थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन थोड़े दिनों के बाद ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट पर प्रीमियर करवा दिया गया था करीबन 2 दिसंबर 2021 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था मिक्स रिस्पांस और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना कुछ खास ना आने की वजह से फिल्म को 17 दिसंबर 2021 तक डायरेक्ट ओ टी पे प्रीमियर करवा दिया गया था इसका मतलब थिएट्रिकल रिलीज़ के पंद्रह दिनों में ही फिल्म को ओ टी पे अवेलेबल करवा दिया था अब कौन से ओ टी ने राइट्स खरीदे कहाँ पर देखने को मिले ये फिल्म उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं फिल्म के ओ टी राइट्स सभी वर्जन जैसे कि मलयालम मेन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा ये सभी वर्जन के राइट्स है वो खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने जिन्होंने काफी बड़ी रकम देते हुए इसके राइट्स खरीदे हुए थे तो ये फिल्म फिलहाल में मरक्र लाइन ऑफ द अरेबियन सी नाम के साथ मलयालम तमिल तेलुगु कन्नडा और हिंदी ये सभी वर्जन में ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मरक्कर फिल्म का जो ओ वर्ज़न है वो आपको ऑफिशियली अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे फिल्म ऑफिशियली आपको तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा और हिंदी इन सभी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देखने को मिल जाएगी जहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे इस फिल्म को बाद में आप सेटेलाइट चैनल्स के ऊपर रिस्पेक्टेड लैंग्वेज चैनल के ऊपर भी ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी इस फिल्म को मलयालम वर्जन में टाइटल दिया हुआ है मरक्कर अरब गेत सिंहम और में तमिल टाइटल है मरक्यार अरब कत्त ने सिंगम इसके अलावा इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी टाइटल दिया हुआ था मरक्कन समुद्र का लुटेरा करके तो इस तरह से अलग अलग वर्जन में टाइटल दिया था लेकिन एक इंग्लिश टाइटल कॉमन था मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी जिसको डिरेक्ट किया हुआ प्रिया दर्शन ने स्टोरी आइडिया प्रिया दर्शन का था डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें प्रिया दर्शन ने खुद की हुई है अंशी सासी ने इस फिल्म का डायलॉग और स्क्रीन प्ले में मदद की हुई है फिल्म को मलयालम तमिल साइम टेंसली दो वर्जन में क्रिएट किया गया था फिल्म का बजट करीबन सौ करोड़ था मलयालम लैंग्वेज की तरफ से कोई ऐसी फिल्म आ रही हो बड़ी फिल्म और उसका बजट इतना हो ऐसी पहली फिल्म थी क्योंकि इतना बड़ा बजट के साथ मलयालम लैंग्वेज में पहली फिल्म नहीं बनी थी और इस फिल्म के लिए टाइम भी काफी अच्छा खासा लगाया गया वैसे तीस में दिन में मलयालम लैंग्वेज की फिल्म शूट हो जाती है लेकिन इस फिल्म के लिए काफी बड़ा टाइम लगा था और साथ ही में इस फिल्म की जो शूटिंग थी उसके लिए प्रॉपर सेट क्रिएट किए गए थे जिसमें भी अच्छा खासा खर्चा किया गया था इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एंटोनी पेरूबर ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी आशीर्वाद सिनेमाज और कॉन्फिडेंट ग्रुप के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है इस फिल्म को वी क्रिएशन ने तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट किया था फार फिल्म ने ओवरसीज में वहीं पे मैक्सलेप और एंटरटेनमेंट्स ने केरला वर्जन में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी तिरु ने की हुए एम एस अयपरनेर ने एडिटिंग की हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर राहुल राज और अंकित सूरी ने किए हुए लेल इवान रोइर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था वहीं पे सॉन्ग है वो रोनी राफेल कंपोज किए हुए फिल्म के के तो फिल्म, अलग -अलग फिल्म, फिल्म के के ऊपर बातचीत करें तो का जो साउंड था उस वजह से बीच, के, इस के बीच में रिकॉर्ड किया गया था साइना म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइट्स थे वैसे अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग राइट्स बेचे गए थे जैसे कि हिंदी वर्जन के जो राइट्स थे गानों के वो अलग वर्जन के लिए अलग अलग को बेचे गए थे तेलुगु वर्जन के लिए मैंगो म्यूजिक वालों ने राइट्स रखे हुए थे और इस फिल्म के जो दूसरे सभी वर्जन थे जिसमें डीवो पर स्टूडियो ने भी राइट्स अपने पास रखे हुए थे तो इस तरह से अलग अलग वजन के लिए गानों के राइट्स बेचे गए थे इसके अलावा इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अब हम बातचीत करें तो मोहम्मद अली जो कुंजाली मरक्कर फाइ है उसका रोल मोहनलाल ने प्ले किया हुआ है यंग कुंजाली का रोल प्रणव मोहनलाल को दिया गया था आनंद मंगल चांद कर जो रोल था वो अर्जुन सरजा ने प्ले किया हुआ था यंग आनंदन का रोल अरुण कुरियन ने दिया हुआ था वहीं पे चंद्रोत पेनीकर के रोल में सुनील शेट्टी देखने को मिलेंगे तंगुडू के रोल में प्रभु देखने को मिलेंगे समुथिर के रोल में निंदुमोड़ी वेडू देखने को मिलेंगे धर्मोत पेनीकर का रोल मुकेश ने प्ले किया हुआ है पत्तु कर का रोल सीद्क्की ने प्ले किया हुआ सबईडा का रोल है सुबेदा का रोल है वो मंजू वॉरियर ने प्ले किया हुआ है अर्चा का रोल कीर्ति सुरेश को दिया गया था आयसा का रोल कल्याणी प्रिया दर्शन ने प्ले किया हुआ है अच्छु मगध शाह का रोल अशोक सेलवान ने प्ले किया हुआ है यंग अच्छु का रोल जीतिन पेतचर ने प्ले किया हुआ है चेंग जुआन चिन्नाली का रोल जय जे जकी को दिया गया था नमन कुरुप का रोल इनोसेंट को दिया गया था वीर कुत्तू पेनिकर का रोल के बी गणेश कुमार ने प्ले किया हुआ है पुथुमाना पेनिकर का रोल बाबूराज को दिया गया था मंगत चारण का रोल हरीश पेराडी को दिया गया था अबूकार हजी के रोल में ममू कोया देखने को मिलेंगे वहीं पे कुथीव नेर वाला रोल है वो नंदू ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा है, इस फिल्म में फाजिल देखने को मिलेंगे जिन्होंने कुत्ती अली मरकर का रोल प्ले किया हुआ है कोकल तो पेनिकर का रोल संतोष की किरजोतर को दिया गया था सुहासिनी मनी रत्नम इस फिल्म में कदी जुम्मा के रोल में देखने को मिलेंगे मोयडू के रोल में मोयडू का रोल है वो सुरेश कृष्णा ने प्ले किया हुआ है मई कुत्ती का रोल मनी कुत्तन ने प्ले किया हुआ है कोची राजा के रोल में आपको जी सुरेश कुमार देखने को मिलेंगे कोची राजा एडवाइजर का रोल श्रीकांत मुरली को दिया गया था ट्रांसलेटर का रोल कृष्ण प्रसाद को दिया गया था नामब्यथिर यानी कि समुद्री के नीस का रोल अर्जुन नंद कुमार को दिया गया था समुद्री सिस्टर का रोल पार्वती टी को दिया गया था अनंदन की वाइफ का रोल कोमल शर्मा को दिया गया था वाइस रॉय फ्रांसिसको डा गामा वाले में टो टोबी तो सुबे बैक देखने को मिलेंगे एंड्री फोस्ती मिन्डुका वाला किरदार मिक्स के, के हमने प्ले किया हुआ है पोल हॉन्टली थॉमस इस फिल्म में एल्फंस नोरहन का रोल प्ले करेंगे बीना नंद कुमार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे वहीं पे थंगडो के असिस्टेंट का रोल बिनीस कोडियार ने प्ले किया हुआ है मरक्कर का असिस्टेंट का रोल सियास किरम ने प्ले किया हुआ कोलिकोडे नारायण नेरवाला एक्टर ने इस फिल्म में अबूकरा हाजी का रोल प्ले किया हुआ है स्ट्रीट वेंडर का अपीयरेंस अनंत एंटनी परमवर ने दिया हुआ है जो फिल्म के प्रोड्यूसर है वहीं पे विक्रमन ने इस फिल्म में राजगरो का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को पहले 1996 के आसपास बनाने वाले थे जहां पे बाद में प्रिया दर्शन ने कई एक्टर्स को इस आइडिया को सुनाया हुआ था 99 में इस स्पीच को कंफर्म किया गया था और इस फिल्म के ऊपर काम होने वाला था लेकिन इस फिल्म के लिए बजट काफ़ी ज़्यादा चाहिए था जो उस समय हो नहीं पाता विजुअल इफेक्ट्स थे वो उस समय उतने बेहतर नहीं हो पाते और इस प्रोजेक्ट को बाद में जया के साथ रिवाइ किया गया था दो हज़ार में लेकिन तब भी ये सभी चीज़ें नहीं बन पाई ओगर सिनेमा के द्वारा इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के राइट्स खरीदे गए थे उसके बाद में कास्ट्रूट के ऊपर बातचीत की गई थी तब भी ये चीज़ें नहीं हो पाई 2013 में ने हिंदी फिल्म में रिवील किया हुआ था कि वो मलयालम लैंग्वेज पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म में काम करे जिसमें मोहनलाल रोल में होने वाले 2017 में कहा गया था कि इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर शूटिंग स्टार्ट होने वाले इस फिल्म को हम एक उनकी हिंदी फिल्म वो कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट करवाया जाएगा इस फिल्म के ऊपर करीबन दस से ज़्यादा महीने की रिसर्च लगेगी उसके बाद में शूटिंग स्टार्ट की जाएगी उसके बाद में धीरे धीरे इस फिल्म के ऊपर काम करना स्टार्ट किया गया फिल्म की शूटिंग को बाद में 2018 के आसपास कोची से स्टार्ट किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के कास्टिंग और शूटिंग के ऊपर काम किया गया फिल्म को करीबन पचास से साठ दिनों की शूटिंग में अलग अलग शेड्यूल में कंप्लीट करवाया गया था फिल्म के ऊपर करीबन अस्सी से सौ करोड़ का बजट लगाया गया और मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से वन ऑफ दी हाइस्ट बजट वाली फिल्मों की श्रेणी में इस फिल्म को शामिल किया गया था इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो साइठ मिनट की लेंथ है साउंड ट्रेक की जिसमें 2018 हज़ार अट्ठारह इससे तक गानों को रिकॉर्ड किया गया था एक अगस्त 2021 तक सभी गानों को रिलीज किया गया था मलयालम और हिंदी वर्जन के ऊपर मैं आपको ट्रैक लिस्टिंग बता देता हूं पहला गाना है कुंजू कुंजाली दूसरा गाना है कनीले इंते दूसरा गाना है चिबिनते चिल्लुला तीसरा गाना है लिवील पाँचवा गाना है नीए ये है छठा गाना है कुंजू कुंजाली इंस्ट्रूमेंट वर्जन तो इनको हिंदी में भी क्रिएट किया गया था तो हिंदी टाइटल थे नन्हे है कुंजाली दूसरा गाना था आँखों में तीसरा गाना था प्यारा सा कुंजाली वहीं पे मध्यम करके एक गाना था और हे नंद लाला और एक इंस्ट्रोमेंटल था नन्हे है कुंजाली का तो ये गाने हिंदी में भी क्रिएट किए गए थे इन सभी गानों को फ़िलहाल में यूट्यूब पर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में दीवो म्यूजिक पर हवा स्टूडियो और सैना म्यूजिक इन सभी यूट्यूब चैनल के ऊपर अलग वर्जन में आप इंजॉय कर सकते हो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी मरकर के किरदार के ऊपर इस बे बेस्ट है जहाँ पे सोलहवीं शताब्दी के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे कुंजाली मरकर जिसका रोल प्ले करे मोहन लाल उनके किरदार के ऊपर बेस्ट है जिसकी फैमिली को काफ़ी ब्रूटल वे में मार दिया जाता है जहाँ पे कुंजाली जंगल को चलाता हुआ आ रहा है बाद में वो जंगल में गरीबों का मसीहा बन जाता है उसी समय के दौरान जो जुमरीन का किंगडम है जो उसके ऊपर पोर्तज़ अटैक कर देते तो उस किंगडम के जो चीफ होते हैं वो कुंजाली को अप्रोच करते उनसे मदद मांगते हैं और कुंजाली पोर्तुगीज़ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो किस तरह से जीतता है वही चीज़ों के ऊपर फिल्म के की कहानी सेट की हुई फिल्म का वे इफेक्ट्स काफ़ी बढ़िया है मेजर अट्रैक्शन कह सकते हैं सिनेमाटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी इस फिल्म में काफ़ी सारे मल्टीपल एडवांटेज कह सकते हैं मल्टीपल स्टार थे वो फिल्म के लिए बड़ा एडवांटेज था क्योंकि फिल्म की हर एक स्क्रीन में कोई ना कोई बड़ा स्टार बड़ी एक्ट्रेस आपको देखने को मिलती है फिल्म को काफ़ी रियलिस्टिक बेड्रॉक के साथ दिखा गया था जहाँ पर चीज़ों को काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था मोहन इस फिल्म की लाइट एंड सोल है जिस तरह से उन्होंने एक टेरीफिक परफॉर्मेंस डिलीवर की हुए वो आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने एक्शन सिक्वेंस प्ले किए हुए उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो पूरी फिल्म में काफी बढ़िया नजर आती है उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी अट्रेक्टिव था वो पूरी तरह से अकेले अपने कंधे पर इस फिल्म को चलाते हुए नजर आते कीर्ति सुरेश ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है जहाँ पे अर्जुन सरजा सुनील शेट्टी कल्याणी प्रिया दर्शन भी अच्छा रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं इस फिल्म के स्टंट एक्शन ब्लॉक आपको जरूर पसंद आएंगे वो काफी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किए हुए फिल्म का उतना कुछ खास नहीं था वो थोड़ा स्लो नजर आता है उसको थोड़ा खींचा हुआ ऐसा नज़र आता है लेंदी रन टाइम था उसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए था चीजों को थोड़ा बेहतर वे में दिखाया जा सकता था फिल्म में किरदार में नज़र नहीं आते उसको बेहतर किया जा सकता था प्रोडक्शन वेली फिल्म की काफ़ी टॉप नोट नजर आएगी इस फिल्म की हर एक स्क्रीन में हर एक का सीन में काफी पैसा खर्च किया वैसा नजर आता है प्रोडक्शन डिजाइन काफी बढ़िया था किसी सबूत सील ने की हुई है जहाँ पे इस फिल्म में जो प्रॉप्स यूज किए हुए जो रॉयल लुक दिया हुआ है वो काफी अच्छा है एक्शन को काफी अमेजिंग तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ है एडिटिंग बेहतर हो सकती थी करीबन फिल्म को मिनट जितना छोटा किया जा सकता था डायरेक्टर प्रिया दर्शन ने एक बिलो एवरेज काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म की कहानी को काफ़ी अच्छे तरह से लिखा हुआ था लेकिन उसको बेहतर में, में वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए कुल मिला के मरक कर विजुअली काफी एक बढ़िया ट्रीट दी जाती है लेकिन फिल्म में इमोशन से उसमें देव की कमी नजर आती है प्रोसीडिंग काफी लेंदी नजर आती है और उसमें काफी ज्यादा कनेक्शन की कमी नजर आती है इसमें काफी ज्यादा हेवी मलयालम फ्लेवर है इस वजह आप अगर मलयालम फिल्म में देखना उतना कुछ खास प्रीफर नहीं करते हो तो शायद आपको कम पसंद आएगी अदरवाइज ओवरऑल एक अच्छी फिल्म कह सकते हो उसको वन टाइम वॉच के लिए जरूर देख सकते हो रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को मलयालम के साथ साथ तमिल तेलुगु कन्नड़ा हिंदी सभी वर्जन में दो दिसंबर दो को यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया था जब फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे आई पे इस फिल्म को करीबन दस वोट मिले हुए जिसमें पांच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और इस फिल्म को बाद में थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन थोड़े दिनों के बाद ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट पर प्रीमियर करवा दिया गया था करीबन 2 दिसंबर 2021 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था मिक्स रिस्पॉन्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना कुछ खास ना आने की वजह से फिल्म को 17 दिसंबर 2021 तक डायरेक्ट ओ टी पे प्रीमियर करवा दिया गया था इसका मतलब थिएट्रिकल रिलीज के पंद्रह दिनों में ही फिल्म को ओ टी पे अवेलेबल करवा दिया था अब कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म ने राइट्स खरीदे कहाँ पर देखने को मिलेगी फिल्म उसके ऊपर बातचीत कर लेते फिल्म के ओ टी टी राइट्स सभी वर्जन जैसे कि मलयालम मेन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा ये सभी वर्जन के राइट्स है वो ख़रीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने जिन्होंने काफ़ी बड़ी रकम देते हुए इसके राइट्स खरीदे हुए थे तो ये फिल्म फिलहाल में मरक्कर लाइन ऑफ द अरेबियन सी नाम के साथ मलयालम तमिल तेलुगु कन्नड़ा और हिंदी ये सभी वर्जन में ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मरक्कर फिल्म का जो ओ टी टी वर्ज़न है वो आपको ऑफिशियली एमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे फिल्म ऑफिशियली आपको तमिल तेलुगु, मलयालम कन्नडा और हिंदी इन सभी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देखने को मिल जाएगी जहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे इस फिल्म को बाद में आप सैटेलाइट चैनल्स के ऊपर रिस्पेक्टेड लैंग्वेज चैनल के ऊपर भी ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो मरक्कर लाइन ऑफ द अरेबियन सी इस फिल्म को मलयालम वर्ज़न में टाइटल दिया हुआ है मरकर अरब गैत सिंहम और में तमिल टाइटल है मरक्ार अरब ने सिंगम इसके अलावा इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी टाइटल दिया हुआ था मरक्कन समुद्र का लुटेरा करके तो इस तरह से अलग अलग वर्जन में टाइटल दिया था लेकिन एक इंग्लिश टाइटल कॉमन था मरक्कर लायन ऑफ द अरबियन सी जिसको डिरेक्ट किया हुआ है प्रिया दर्शन ने स्टोरी आइडिया प्रिया दर्शन का था डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें प्रिया दर्शन ने खुद की हुई है अंशी सासी ने इस फिल्म का डायलॉग और स्क्रीन प्ले में मदद की हुई है फिल्म को मलयालम तमिल साइमटेन्सली दो वर्जन में क्रिएट किया गया था फिल्म का बजट करीबन सौ करोड़ था मलयालम लैंग्वेज की तरफ से कोई ऐसी फिल्म आ रही हो बड़ी फिल्म और उसका बजट इतना हो इसी पहली फिल्म थी क्योंकि इतना बड़ा बजट के साथ मलयालम लैंग्वेज में पहली फिल्म नहीं बनी थी और इस फिल्म के लिए टाइम भी काफी अच्छा खासा लगाया गया वैसे तीस में तीस दिन में मलयालम लैंग्वेज की फिल्म शूट हो जाती है लेकिन इस फिल्म के लिए काफी बड़ा टाइम लगा था और साथ ही में इस फिल्म की जो शूटिंग थी उसके लिए प्रॉपर सेट क्रिएट किए गए थे जिसमें भी अच्छा खासा खर्चा किया गया था इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एंटोनी पेरूबर ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी आशीर्वाद सिनेमाज और कॉन्फिडेंट ग्रुप के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है इस फिल्म को वी क्रिएशन ने तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट किया था फास्ट फिल्म ने ओवरसीज में वहीं पे पर सिनेमाज और एंटरटेनमेंट्स ने केरला वर्जन में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी तिरु ने की हुए एम एस अयपरनेर ने एडिटिंग की हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर राहुल राज और अंकित सूरी ने किए हुए लेल इवान रोइर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था वहीं पे सॉन्ग है वो रोनी राफेल ने किए हुए फिल्म के के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो sound track है वो अलग-अलग में -अलग में भी बाद में create किया किया गया गया था क्योंकि पे लेवल पे इस फिल्म को किया गया था उस वजह से पे इस फिल्म के गानों को 2018 से बीच के के बीच में रिकॉर्ड किया गया था साइना म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइट्स वैसे अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग राइट्स बेचे गए थे जैसे कि हिंदी वर्जन के जो राइट्स राइट थे गानों के वो अलग वर्जन के लिए अलग अलग को बेचे गए थे तेलुगु वर्जन के लिए मैंगो म्यूजिक वालों ने राइट्स रखे हुए थे और इस फिल्म के जो दूसरे सभी वर्जन थे जिसमें डीवो पर स्टूडियो ने भी राइट्स अपने पास रखे हुए थे तो इस तरह से अलग अलग वर्जन के लिए गानों के राइट्स बेचे गए थे इसके अलावा इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अब हम बातचीत करें तो मोहम्मद अली जो कुली मरक्र फाइ है उसका रोल मोहनलाल ने प्ले किया हुआ है यंग कुंजाली का रोल प्रणव मोहनलाल को दिया गया था आनंद मंगल चांद कर जो रोल था वो अर्जुन सरजा ने प्ले किया हुआ था यंग आनंदन का रोल अरुण कुरियन ने दिया हुआ था वहीं पे चंद्रोत पेनीकर के रोल में सुनील शेट्टी देखने को मिलेंगे तंगुडू के रोल में प्रभु देखने को मिलेंगे समुथिर के रोल में निंदमोड़ी वेडू देखने को मिलेंगे धर्मोथ पेनीकर का रोल मुकेश ने प्ले किया हुआ है पत्तु मरकर का रोल सीद्क्की ने प्ले किया हुआ सबईडा का रोल है सुबेदा का रोल है वो मंजू वॉरियर ने प्ले किया हुआ है अर्चा का रोल कीर्ति सुरेश को दिया गया था आयसा का रोल कल्याणी प्रिया दर्शन ने प्ले किया हुआ है अच्छु मगध शाहचंद का रोल अशोक सेलवान ने प्ले किया हुआ है यंग अच्छु का रोल जीतिन पेतचर ने प्ले किया हुआ है चेंग जुआन चिन्नाली का रोल जय जे जकी को दिया गया था नमन स्कुरुप का रोल इनोसेंट को दिया गया था वेर कुत्तो पेनिकर का रोल के बी गणेश कुमार ने प्ले किया हुआ है पुथुमाना पेनिकर का रोल बाबूराज को दिया गया था मंगत चारन का रोल हरीश पेराडी को दिया गया था अबूकार हजी के रोल में ममू कोया देखने को मिलेंगे वहीं पे वत्तु नेर वाला रोल है वो नंदू ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में फाजिल देखने को मिलेंगे जिन्होंने कुत्ती अली मरक्कर का रोल प्ले किया हुआ है कोकल्टू पेनिकर का रोल संतोष की किरजोतर को दिया गया था सुहासिनी मनी रत्नम इस फिल्म में कदी जुम्मा के रोल में देखने को मिलेंगे मोयडू के रोल में मोयडू का रोल है वो सुरेश कृष्णा ने प्ले किया हुआ है मई कुत्ती का रोल मनी कुत्तन ने प्ले किया हुआ है कोची राजा के रोल में आपको जी सुरेश कुमार देखने को मिलेंगे कोची राजा एडवाइजर का रोल श्रीकांत मुरली को दिया गया था ट्रांसलेटर का रोल कृष्णा प्रसाद को दिया गया था नामब्यथिर यानी कि समुद्री गेज का रोल अर्जुन नंद कुमार को दिया गया था समुद्री सिस्टर का रोल पार्वती टी को दिया गया था अनंदन की वाइफ का रोल कोमल शर्मा को दिया गया था वाइस रॉय फ्रांसिसको डागामा वाले किरदार में टो टोबी सुबे बैक देखने को मिलेंगे एनड्री फ्रतुस्ती मिन्डुका वाला किरदार मिक्स के हमने प्ले किया हुआ है पोल हॉन्टली थॉमस इस फिल्म में एल्फंस नोरहनंद का रोल प्ले करेंगे वीना नंद कुमार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे वहीं पे थंगडो के असिस्टेंट का रोल बिनीस कोडियार ने प्ले किया हुआ है मरक्कर का असिस्टेंट का रोल सियास ने प्ले किया हुआ है कोलिकोडे नारायण नेर वाला एक्टर ने इस फिल्म में अबूकरा हाजी का रोल प्ले किया हुआ है स्ट्रीट वेंडर का कैमियो अपीयरेंस अनंत एंटनी परमवर ने दिया हुआ है जो फिल्म के प्रोड्यूसर है वहीं पे विक्रमन ने इस फिल्म में राजगरू का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को पहले 1996 के आसपास बनाने वाले थे जहां पे बाद में प्रिया दर्शन ने कई एक्टर्स को इस आइडिया को सुनाया हुआ था 99 में इस पिच को कंफर्म किया गया था और इस फिल्म के ऊपर काम होने वाला था लेकिन इस फिल्म के लिए बजट काफ़ी ज़्यादा चाहिए था जो उस समय हो नहीं पाता विजुअल इफेक्ट्स थे वो उस समय उतने बेहतर नहीं हो पाते और इस प्रोजेक्ट को बाद में जया के साथ रिवाइव किया गया था दो हज़ार में लेकिन तब भी ये सभी चीज़ें नहीं बन पाई ओगर सिनेमा के द्वारा इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के राइट्स खरीदे गए थे उसके बाद में कास्ट्रूट के ऊपर बातचीत की गई थी तब भी ये चीज़ें नहीं हो पाई 2013 में में ने हिंदी फिल्म में रिवील किया हुआ था कि वो मलयालम लैंग्वेज पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म में काम करे जिसमें मोहनलाल रोल में होने वाले 2017 में कहा गया था कि इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर शूटिंग स्टार्ट होने वाले इस फिल्म को हम एक उनकी हिंदी फिल्म वो कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट करवाया जाएगा इस फिल्म के ऊपर करीबन दस से ज़्यादा महीने की रिसर्च लगेगी उसके बाद में शूटिंग स्टार्ट की जाएगी उसके बाद में धीरे धीरे इस फिल्म के ऊपर काम करना स्टार्ट किया गया फिल्म की शूटिंग को बाद में दो के आसपास कोची से स्टार्ट किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के कास्टिंग और शूटिंग के ऊपर काम किया गया फिल्म को करीबन पचास से साठ दिनों की शूटिंग में अलग अलग शेड्यूल में कंप्लीट करवाया गया था फिल्म के ऊपर करीबन अस्सी से सौ करोड़ का बजट लगाया गया और मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से वन ऑफ दी हाईएस्ट बजट वाली फिल्मों की श्रेणी में इस फिल्म को शामिल किया गया था इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो मिनट की लेंथ है साउंड ट्रेक की जिसमें 2018 हज़ार अट्ठारह इससे तक गानों को रिकॉर्ड किया गया था एक अगस्त 2021 तक सभी गानों को रिलीज किया गया था मलयालम और हिंदी वर्जन के ऊपर मैं आपको ट्रैक लिस्टिंग बता देता हूं पहला गाना है कुंजू कुंजाली दूसरा गाना है कनिले इंथे दूसरा गाना है चिबिनते चिल्लुला तीसरा गाना है लिवीलो पाँचवा गाना है नीए इंथाए छठा गाना है कुंजू कुंजाली इंस्ट्रूमेंट वर्जन तो इनको हिंदी में भी क्रिएट किया गया था तो हिंदी टाइटल थे नन्हे है कुंजाली दूसरा गाना था आंखों में तीसरा गाना था प्यारा सा कुंजाली वहीं पे मध्यम करके एक गाना था और हे नंद लाला और एक इंस्ट्रोमेंटल था नन्हे है कुंजाली का तो ये गाने हिंदी में भी क्रिएट किए गए थे इन सभी गानों को फिलहाल में यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में डी वो म्यूज़िक परवा स्टूडियो और सेना म्यूजिक इन सभी यूट्यूब चैनल के ऊपर अलग वर्जन में आप इंजॉय कर सकते हो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी मरकर के किरदार के ऊपर इस बे है जहाँ पे सोलहवीं शताब्दी के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे कुंजाली मरकर जिसका रोल प्ले करे मोहन लाल उनके किरदार के ऊपर बेस्ड है जिसकी फैमिली को काफ़ी ब्रूटल वे में मार दिया जाता है जहाँ पे कुंजली जंगल को चलाता हुआ आ रहा है बाद में वो जंगल में गरीबों का मसीहा बन जाता है उसी समय के दौरान जो जुमरीन का किंगडम है जो उसके ऊपर पोर्तज़ अटैक कर देते तो उस किंगडम के जो चीफ होते हैं वो कुंजाली को अप्रोच करते हैं उनसे मदद मांगते हैं और कुंजाली पोर्तुगीज़ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो किस तरह से जीतता है वही चीज़ों के ऊपर फिल्म के की कहानी सेट की हुई फिल्म का इफेक्ट्स काफी बढ़िया है मेजर अट्रैक्शन कह सकते हैं सिनेमाटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी इस फिल्म में काफ़ी सारे मल्टीपल एडवांटेज कह सकते हैं मल्टीपल स्टार थे वो फिल्म के लिए बड़ा एडवांटेज था क्योंकि फिल्म की हर एक स्क्रीन में कोई ना कोई बड़ा स्टार बड़ी एक्ट्रेस आपको देखने को मिलती है फिल्म को काफ़ी रियलिस्टिक बेड्रॉक के साथ दिखा गया था जहाँ पर चीज़ों को काफी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था मोहन इस फिल्म की लाइट एंड सोल है जिस तरह से उन्होंने एक टेरीफिक परफॉर्मेंस डिलीवर की हुए वो आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने एक्शन सिक्वेंस प्ले किए हुए उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो पूरी फिल्म में काफी बढ़िया नजर आती है उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी अट्रेक्टिव था वो पूरी तरह से अकेले अपने कंधे पर इस फिल्म को चलाते हुए नजर आते कीर्ति सुरेश ने इस फिल्म में काफी बढ़िया काम किया हुआ है जहाँ पे अर्जुन सरजा सुनील शेट्टी कल्याणी प्रिया दर्शन भी अच्छा रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं इस फिल्म के स्टंट एक्शन ब्लॉक आपको जरूर पसंद आएंगे वो काफी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किए हुए फिल्म का ड आप उतना कुछ खास नहीं था वो थोड़ा स्लो नजर आता है उसको थोड़ा खींचा हुआ ऐसा नजर आता है लेंदी रन टाइम था उसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए था चीजों को थोड़ा बेहतर वे में दिखाया जा सकता था फिल्म में किरदार में उतनी देव नजर नहीं आते उसको बेहतर किया जा सकता था प्रोडक्शन वाली फिल्म की काफी टॉप टोपनोज नजर आएगी इस फिल्म की हर एक स्क्रीन में हर एक का सीन में काफी पैसा खर्च किया वैसा नज़र आता है प्रोडक्शन डिजाइन काफी बढ़िया था किसी सबूत रिल ने की हुई है जहाँ पे इस फिल्म में जो प्रॉप्स यूज़ किए हुए जो रॉयल लुक दिया हुआ है वो काफी अच्छा है एक्शन को काफी अमेजिंग तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ है एडिटिंग बेहतर हो सकती थी करीबन फिल्म को पंद्रह बीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था डायरेक्टर प्रिया दर्शन ने एक बिलो एवरेज काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म की कहानी को काफी अच्छी तरह से लिखा हुआ था लेकिन उसको बेहतर वे में, में वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए कुल मिला के मरक्कर विजुअली काफी एक बढ़िया ट्रीट दी जाती है लेकिन फिल्म में इमोशन से उसमें देव की कमी नजर आती है प्रोसीडिंग काफी लेंदी नजर आती है और उसमें काफी ज्यादा कनेक्शन की कमी नजर आती है इसमें काफी ज्यादा हेवी मलयालम फ्लेवर है इस वजह आप अगर मलयालम फिल्म में देखना उतना कुछ खास प्रीफर नहीं करते हो तो शायद आपको कम पसंद आएगी अदरवाइज ओवरऑल एक अच्छी फिल्म कह सकते हो उसको वन टाइम वॉच के लिए जरूर देख सकते हो रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को मलयालम के साथ साथ तमिल तेलुगू कन्नड़ा हिंदी सभी वर्जन में दो दिसंबर दो को यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे आई एम इस फिल्म को करीबन दस वोट मिले हुए जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और इस फिल्म को बाद में थिएट्रिकल रिलीज के करीबन थोड़े दिनों के बाद ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट पर प्रीमेयर करवा दिया गया था करीबन 2 दिसंबर 2021 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था मिक्स रिस्पॉन्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना कुछ खास ना आने की वजह से फिल्म को 17 दिसंबर 2021 तक डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवा दिया गया था इसका मतलब थिएट्रिकल रिलीज के पंद्रह दिनों में ही फिल्म को ओ टी पे अवेलेबल करवा दिया था अब कौन से ओ टी ने राइट्स खरीदे कहाँ पर देखने को मिले ये फिल्म उसके ऊपर बातचीत कर लेते फिल्म के ओटीटी राइट्स सभी वर्जन जैसे कि मलयालम मेन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी तमिल तेलुगू कन्नड़ा ये सभी वर्जन के राइट्स है वो खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने जिन्होंने काफ़ी बड़ी रकम देते हुए इसके राइट्स खरीदे हुए थे तो ये फिल्म फिलहाल में मरक्कर लाइन ऑफ द अरेबियन सी नाम के साथ मलयालम तमिल तेलुगू कन्नड़ा और हिंदी ये सभी वर्जन में ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मरक्कर फिल्म का जो ओ टी टी वर्ज़न है वो आपको ऑफिशियली एमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे फिल्म ऑफिशियली आपको तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा और हिंदी इन सभी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देखने को मिल जाएगी जहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे इस फिल्म को बाद में आप सैटेलाइट चैनल्स के ऊपर रिस्पेक्टेड लैंग्वेज चैनल के ऊपर भी ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो मरकर लाइन ऑफ द अरेबियन सी इस फिल्म को मलयालम वर्ज़न में टाइटल दिया हुआ है मरक्कर अरब गैत सिमहम और में तमिल टाइटल है मरक्र अरब कत्त ने सिंगम इसके अलावा इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी टाइटल दिया हुआ था मरक्कन समुद्र का लुटेरा करके तो इस तरह से अलग अलग वर्जन में टाइटल दिया था लेकिन एक इंग्लिश टाइटल कॉमन था मरक्कर लायन ऑफ द अरबियन सी जिसको डिरेक्ट किया हुआ है प्रिया दर्शन ने स्टोरी आइडिया प्रिया दर्शन का था डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें प्रिया दर्शन ने खुद की हुई है अंशी सासी ने इस फिल्म का डायलॉग और स्क्रीन प्ले में मदद की हुई है फिल्म को मलयालम तमिल साइमटेनसली दो वर्जन में क्रिएट किया गया था फिल्म का बजट करीबन सौ करोड़ था मलयालम लैंग्वेज की तरफ से कोई ऐसी फिल्म आ रही हो बड़ी फिल्म और उसका बजट इतना हो इसी पहली फिल्म थी क्योंकि इतना बड़ा बजट के साथ मलयालम लैंग्वेज में पहली फिल्म नहीं बनी थी और इस फिल्म के लिए टाइम भी काफी अच्छा खासा लगाया गया वैसे तीस दिन में मलयालम लैंग्वेज की फिल्म में शूट हो जाती है लेकिन इस फिल्म के लिए काफी बड़ा टाइम लगा था और साथ ही में इस फिल्म की जो शूटिंग थी उसके लिए प्रॉपर सेट क्रिएट किए गए थे जिसमें भी अच्छा खासा खर्चा किया गया था इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एंटोनी पेरूबर ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी आशीर्वाद सिनेमाज और कॉन्फिडेंट ग्रुप के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है इस फिल्म को वी क्रिएशन ने तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट किया था फास्ट फिल्म ने ओवरसीज में वहीं पे पर सिनेमाज और एंटरटेनमेंट्स ने केरला वर्जन में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी तिरु ने की हुए एम एस अयपरनेर ने एडिटिंग की हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर राहुल राज और अंकित सूरी ने किए हुए लेल इवान रोइर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था वहीं पे सॉन्ग है वो रोनी राफेल ने किए हुए फिल्म के के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो है वो अलग-अलग में -अलग में भी बाद किया किया गया था लेवल किया गया था क्योंकि पे इस को था उस वजह से पे इस फिल्म के गानों को 2018 से बीच के बीच के बीच में रिकॉर्ड किया गया था साइना म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइट्स थे वैसे अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग राइट्स बेचे गए थे जैसे कि हिंदी वर्जन के जो राइट्स राइट थे गानों के वो अलग वर्जन के लिए अलग अलग को बेचे गए थे तेलुगु वर्जन के लिए मैंगो म्यूजिक वालों ने राइट्स रखे हुए थे और इस फिल्म के जो दूसरे सभी वर्जन थे जिसमें डीवो पर हमवा स्टूडियो ने भी राइट्स अपने पास रखे हुए थे तो इस तरह से अलग अलग वर्जन के लिए गानों के राइट्स बेचे गए थे इसके अलावा इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अब हम बातचीत करें तो मोहम्मद अली जो कुंजाली मरक्र फाइ है उसका रोल मोहनलाल ने प्ले किया हुआ है यंग कुंजाली का रोल प्रणव मोहनलाल को दिया गया था आनंद मंगल लच्चानकर के जो रोल था वो अर्जुन सरजा ने प्ले किया हुआ था यंग आनंदन का रोल अरुण कुरियन ने दिया हुआ था वहीं पे चंद्रोत पेनी करके रोल में सुनील शेट्टी देखने को मिलेंगे तंगुरु के रोल में प्रभु देखने को मिलेंगे समुथिर के रोल में निंदुमोड़ी वेडू देखने को मिलेंगे धर्मोत पेनीकर का रोल मुकेश ने प्ले किया हुआ है पत्तु मरकर का रोल सिदक्की ने प्ले किया हुआ सबैडा का रोल है सुबेदा का रोल है वो मंजू वॉरियर ने प्ले किया हुआ है अर्चा का रोल कीर्ति सुरेश को दिया गया था आयसा का रोल कल्याणी प्रिया दर्शन ने प्ले किया हुआ है अछूतन्ना तन्ना मगध का रोल अशोक सेलवान ने प्ले किया हुआ है यंग अच्छु का रोल जीतिन पेथर ने प्ले किया हुआ है चेंग जुआन चिन्नाली का रोल जय जे जकी को दिया गया था नमन गुरुप का रोल इनोसेंट को दिया गया था वेर कुत्तू पेनिकर का रोल के बी गणेश कुमार ने प्ले किया हुआ है पुथुमाना पेनिकर का रोल बाबूराज को दिया गया था मंगत चार का रोल हरीश पेराडी को दिया गया था अबूकार हाजी के रोल में ममू कोया देखने को मिलेंगे वहीं पे कुथीव नेर वाला रोल है वो नंदू ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में फाजिल देखने को मिलेंगे जिन्होंने कुत्ती अली मरकर का रोल प्ले किया हुआ है कोकल तो पेनिकर का रोल संतोष की किरजोतर को दिया गया था सुहासिनी मनी रत्नम इस फिल्म में कदी जुम्मा के रोल में देखने को मिलेंगे मोयडू के रोल में सु, मोयडू का रोल है वो सुरेश कृष्णा ने प्ले किया हुआ है मई कुत्ती का रोल मनी कुत्तन ने प्ले किया हुआ है कोची राजा के रोल में आपको जी सुरेश कुमार देखने को मिलेंगे कोची राजा एडवाइजर का रोल श्रीकांत मुरली को दिया गया था ट्रांसलेटर का रोल कृष्णा प्रसाद को दिया गया था नामब्यथिर यानी कि के का रोल अर्जुन नंद कुमार को दिया गया था समुद्री सिस्टर का रोल पार्वती टी को दिया गया था अनंदन की वाइफ का रोल कोमल शर्मा को दिया गया था वाइस रॉय फ्रांसिसको डागामा वाले किरदार में टो टोबी तो सुबेष बेक देखने को मिलेंगे एंड्री फुस्ती मिन्दुका वाला किरदार मिक्स के हमने प्ले किया हुआ है पोल हॉन्टली थॉमस इस फिल्म में अल्फनस दे नोरंद का रोल प्ले करेंगे वीना नंद कुमार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे वहीं पे थंगडू के असिस्टेंट का रोल बीनिसकोडियार ने प्ले किया हुआ है मारक्कर का असिस्टेंट का रोल सियास किरम ने प्ले किया हुआ है कोलिकोडे नारायण नेर वाला एक्टर ने इस फिल्म में अबूकरा हाजी का रोल प्ले किया है स्ट्रीट वेंडर का कैम्यू अपरेंस अनंत एंटनी परमवर ने दिया हुआ जो फिल्म के प्रोड्यूसर है वहीं पे विक्रमन ने इस फिल्म में राजगरू का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को पहले 1996 के आसपास बनाने वाले थे जहां पे बाद में प्रिया दर्शन ने कई एक्टर्स को इस आइडिया को सुनाया हुआ था 99 में इस पिच को कंफर्म किया गया था और इस फिल्म के ऊपर काम होने वाला था लेकिन इस फिल्म के लिए बजट काफ़ी ज़्यादा चाहिए था जो उस समय हो नहीं पाता विजुअल इफेक्ट्स थे वो उस समय उतने बेहतर नहीं हो पाते और इस प्रोजेक्ट को बाद में जया के साथ रिवाइव किया गया था दो हज़ार में लेकिन तब भी ये सभी चीज़ें नहीं बन पाई ओगर सिनेमा के द्वारा इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के राइट्स खरीदे गए थे उसके बाद में कास्ट्रूट के ऊपर बातचीत की गई थी तब भी ये चीज़ें नहीं हो पाई 2013 में में ने हिंदी फिल्म में रिवील किया हुआ था कि वो मलयालम लैंग्वेज पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म में काम करे जिसमें मोहनलाल रोल में होने वाले 2017 में कहा गया था कि इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर शूटिंग स्टार्ट होने वाले इस फिल्म को हम एक उनकी हिंदी फिल्म वो कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट करवाया जाएगा इस फिल्म के ऊपर करीबन दस से ज़्यादा महीने की रिसर्च लगेगी उसके बाद में शूटिंग स्टार्ट की जाएगी उसके बाद में धीरे धीरे इस फिल्म के ऊपर काम करना स्टार्ट किया गया फिल्म की शूटिंग को बाद में 2018 के आसपास कोची से स्टार्ट किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के कास्टिंग और शूटिंग के ऊपर काम किया गया फिल्म को करीबन पचास से साठ दिनों की शूटिंग में अलग अलग शेड्यूल में कंप्लीट करवाया गया था फिल्म के ऊपर करीबन अस्सी से सौ करोड़ का बजट लगाया गया और मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से वन ऑफ दी हाईएस्ट बजट वाली फिल्मों की श्रेणी में इस फिल्म को शामिल किया गया था इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो मिनट की लेंथ है साउंड ट्रेक की जिसमें 2018 से 20 तक गानों को रिकॉर्ड किया गया था एक अगस्त 2021 तक सभी गानों को रिलीज किया गया था मलयालम और हिंदी वर्जन के ऊपर मैं आपको ट्रैक लिस्टिंग बता देता हूं पहला गाना है कुंजू कुंजाली दूसरा गाना है कनीले इनते दूसरा गाना है चिबिनते चिल्लुला तीसरा गाना है इीलो पाँचवा गाना है नी ये है छठा गाना है कुंजू कुंजाली इंस्ट्रूमेंट वर्जन तो इनको हिंदी में भी क्रिएट किया गया था तो हिंदी टाइटल थे नन्हे है कुंजाली दूसरा गाना था आँखों में तीसरा गाना था प्यारा सा कुंजाली वहीं पे मध्यम करके एक गाना था और हे नंद लाला और एक इंस्ट्रूमेंटल था नन्हे है कुंजाली का तो ये गाने हिंदी में भी क्रिएट किए गए थे इन सभी गानों को फिलहाल में यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में डी वो म्यूजिक पर हवा स्टूडियो और सेना म्यूजिक इन सभी यूट्यूब चैनल के ऊपर अलग वर्जन में आप इंजॉय कर सकते हो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी मरकर के किरदार के ऊपर इस बे बेस्ट है जहाँ पे सोलहवीं शताब्दी के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे कुंजाली मरकर जिसका रोल प्ले करे मोहन लाल उनके किरदार के ऊपर बेस्ट है जिसकी फैमिली को काफ़ी ब्रूटल वे में मार दिया जाता है जहाँ पे कुंजाली जंगल को चलाता हुआ आ रहा है बाद में वो जंगल में गरीबों का मसीहा बन जाता है उसी समय के दौरान जो जुमरीन का किंगडम है जो उसके ऊपर पोर्तज़ अटैक कर देते तो उस किंगडम के जो चीफ होते हैं वो कुंजाली को अप्रोच करते हैं उनसे मदद मांगते हैं और कुंजाली पोर्तुगीज़ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो किस तरह से जीतता है वही चीज़ों के ऊपर फिल्म के की कहानी सेट की हुई फिल्म का इफेक्ट्स काफी बढ़िया है मेजर अट्रैक्शन कह सकते हैं सिनेमाटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी इस फिल्म में काफ़ी सारे मल्टीपल एडवांटेज कह सकते हैं मल्टीपल स्टार थे वो फिल्म के लिए बड़ा एडवांटेज था क्योंकि फिल्म की हर एक स्क्रीन में कोई ना कोई बड़ा स्टार बड़ी एक्ट्रेस आपको देखने को मिलती है फिल्म को काफ़ी रियलिस्टिक बेड्रॉक के साथ दिखा गया था जहाँ पर चीज़ों को काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था मोहन इस फिल्म की लाइट एंड सोल है जिस तरह से उन्होंने एक टेरीफिक परफॉर्मेंस डिलीवर

सेकंड आप उतना कुछ खास नहीं था वो थोड़ा स्लो नज़र आता है उसको थोड़ा खिंचा हुआ ऐसा नजर आता है लेंदी रन टाइम था उसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए था चीज़ों को थोड़ा बेहतर वे में दिखाया जा सकता था फिल्म में किरदार में उतनी देव नज़र नहीं आते उसको बेहतर किया जा सकता था प्रोडक्शन वाली फिल्म की काफ़ी टॉप नोट नज़र आएगी इस फिल्म की हर एक स्क्रीन में हर एक का सीन में काफ़ी पैसा खर्च किया वैसा नज़र आता है प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी बढ़िया था किसी सबूत स्क्रील ने की हुई है जहाँ पे इस फिल्म में जो प्रॉप्स यूज़ किए हुए जो रॉयल लुक दिया हुआ है वो काफ़ी अच्छा है एक्शन क्वेंस को काफी अमेजिंग तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ है एडिटिंग बेहतर हो सकती थी करीबन फिल्म को पंद्रह बीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था डायरेक्टर प्रिया दर्शन ने एक बिलो एवरेज काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म की कहानी को काफी अच्छे तरह से लिखा हुआ था लेकिन उसको बेहतर में, में वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए कुल मिला के मरक्कर विजुअली काफ़ी एक बढ़िया ट्रीट दी जाती है लेकिन फिल्म में इमोशन है उसमें डेपथ की कमी नज़र आती है प्रोसीडिंग काफ़ी लेंदी नज़र आती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन की कमी नज़र आती है इसमें काफ़ी ज़्यादा हेवी मलयालम फ्लेवर है इस वजह से आप अगर मलयालम फिल्म में देखना उतना कुछ खास प्रीफर नहीं करते हो तो शायद आपको कम पसंद आएगी अदरवाइज ओवरऑल एक अच्छी फिल्म कह सकते हो उसको वन टाइम वॉच के लिए ज़रूर देख सकते हो रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को मलयालम के साथ साथ तमिल तेलगू कन्नड़ा हिंदी सभी वर्जन में दो दिसंबर दो को यू सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे आई एम पे इस फिल्म को करीबन दस वोट मिले हुए जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और इस फिल्म को बाद में थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन थोड़े दिनों के बाद ऑफिशियली ओ टी और सैटेलाइट पे प्रीमियर करवा दिया गया था करीबन 2 दिसंबर 2021 को फिल्म को थिएटर में रिलीज किया था मिक्स रिस्पॉन्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना कुछ खास ना आने की वजह से फिल्म को 17 दिसंबर 2021 तक डायरेक्ट ओ पे प्रीमियर करवा दिया गया था इसका मतलब थिएट्रिकल रिलीज के पंद्रह दिनों में ही फिल्म को ओ टी पे अवेलेबल करवा दिया था अब कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म ने राइट्स खरीदे कहाँ पर देखने को मिले ये फिल्म उसके ऊपर बातचीत कर लेते फिल्म के ओ टी राइट्स सभी वर्जन जैसे कि मलयालम मेन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा ये सभी वर्जन के राइट्स है वो खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने जिन्होंने काफ़ी बड़ी रकम देते हुए इसके राइट्स खरीदे हुए थे तो ये फिल्म फिलहाल में मरक्कर लाइन ऑफ द अरेबियन सी नाम के साथ मलयालम तमिल तेलुगू कन्नड़ा और हिंदी ये सभी वर्जन में ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मरक्कर फिल्म का जो ओ टी टी वर्जन है वो आपको ऑफिशियली एमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे फिल्म ऑफिशियली आपको तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा और हिंदी इन सभी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देखने को मिल जाएगी जहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे इस फिल्म को बाद में आप सैटेलाइट चैनल्स के ऊपर रिस्पेक्टेड लैंग्वेज चैनल के ऊपर भी ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो मरकर लायन ऑफ द अरेबियन सी इस फिल्म को मलयालम वर्ज़न में टाइटल दिया हुआ है मरकर अरब ग सिमहम और में तमिल टाइटल है मरक्यार अरब कत्त ने सिंगम इसके अलावा इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी टाइटल दिया था मरक्कन समुद्र का लुटेरा करके तो इस तरह से अलग अलग वर्जन में टाइटल दिया था लेकिन एक इंग्लिश टाइटल कॉमन था मरक्कर लायन ऑफ द अरबियन सी जिसको डिरेक्ट किया हुआ है प्रिया दर्शन ने स्टोरी आइडिया प्रिया दर्शन का था डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें प्रिया दर्शन ने खुद की हुई है अंशी सासी ने इस फिल्म का डायलॉग और स्क्रीन प्ले में मदद की हुई है फिल्म को मलयालम तमिल साइमेंटली दो वर्जन में क्रिएट किया गया था फिल्म का बजट करीबन सौ करोड़ था मलयालम लैंग्वेज की तरफ से कोई ऐसी फिल्म आ रही हो बड़ी फिल्म और उसका बजट इतना हो इसी पहली फिल्म थी क्योंकि इतना बड़ा बजट के साथ मलयालम लैंग्वेज में पहली फिल्म नहीं बनी थी और इस फिल्म के लिए टाइम भी काफ़ी अच्छा खासा लगाया गया वैसे तीस पैंतीस दिन में मलयालम लैंग्वेज की फिल्में शूट हो जाती है लेकिन इस फिल्म के लिए काफ़ी बड़ा टाइम लगा था और साथ ही में इस फिल्म की जो शूटिंग थी उसके लिए प्रॉपर सेट क्रिएट किए गए थे जिसमें भी अच्छा खासा खर्चा किया गया था इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एंटोनी पेरूबरव ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी आशीर्वाद सिनेमाज और कॉन्फिडेंट ग्रुप के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है इस फिल्म को वी क्रिएशन ने तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट किया था फार फिल्म ने ओवरसीज में वहीं पे मैक्स सिनेमाज और एंटरटेनमेंट्स ने केरला वर्जन में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी तिरु ने की हुए एम एस अयपरनेर ने एडिटिंग की हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर राहुल राज और अंकित सूरी ने किए हुए लेल इवान रोइर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था वहीं पे सॉन्ग है वो रोनी राफेल ने किए हुए फिल्म के के ऊपर बातचीत तो फिल्म का जो है वो अलग अलग में में भी बाद किया किया गया था पे लेवल पे इस फिल्म किया गया था क्योंकि को था उस वजह से पे इस फिल्म के गानों को 2018 से बीच के के बीच में रिकॉर्ड किया गया था साइना म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइट्स वैसे अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग राइट्स बेचे गए थे जैसे कि हिंदी वर्जन के जो राइट्स राइट थे गानों के वो अलग वर्जन के लिए अलग अलग को बेचे गए थे तेलुगु वर्जन के लिए मैंगो म्यूजिक वालों ने राइट्स रखे हुए थे और इस फिल्म के जो दूसरे सभी वर्जन थे जिसमें डीवो परामवा स्टूडियो ने भी राइट्स अपने पास रखे हुए थे तो इस तरह से अलग अलग वर्जन के लिए गानों के राइट्स बेचे गए थे इसके अलावा इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अब हम बातचीत करें तो मोहम्मद अली जो कुंजाली मरक्र फाइ है उसका रोल मोहनलाल ने प्ले किया हुआ है यंग कुंजाली का रोल प्रणव मोहनलाल को दिया गया था आनंद मंगल करके जो रोल था वो अर्जुन सरजा ने प्ले किया हुआ था यंग आनंदन का रोल अरुण कुरियन ने दिया हुआ था वहीं पे चंद्रोत पेनीकर के रोल में सुनील शेट्टी देखने को मिलेंगे तंगुरू के रोल में प्रभु देखने को मिलेंगे समुथिर के रोल में नींदमोड़ी वेडू देखने को मिलेंगे धर्मोत पेनीकर का रोल मुकेश ने प्ले किया हुआ है पत्तु मरकर का रोल सिदक्की ने प्ले किया हुआ सबैडा का रोल है सुबेदा का रोल है वो मंजू वोरियर ने प्ले किया हुआ है अर्चा का रोल कीर्ति सुरेश को दिया गया था आयसा का रोल कल्याणी प्रिया दर्शन ने प्ले किया हुआ है अच्छु मगध चाचन का रोल अशोक सेलवान ने प्ले किया हुआ है यंग अचुतान का रोल जीतिन पेथर ने प्ले किया हुआ है चेंग जुआन चिन्नाली का रोल जय जे जकीर्द को दिया गया था नमन स्कुरूप का रोल इनोसेंट को दिया गया था वेर कुत्तू पेनीकर का रोल के बी गणेश कुमार ने प्ले किया हुआ है पुथुमाना पेनीकर का रोल बाबूराज को दिया गया था मंगत चार का रोल हरीश पेराडी को दिया गया था अबूकार हाजी के रोल में ममू कोया देखने को मिलेंगे वहीं पे वत्तु नेर वाला रोल है वो नंदू ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में फाजिल देखने को मिलेंगी जिन्होंने कुत्ती अली मरक्कर का रोल प्ले किया हुआ है कोकल टू पेनीकर का रोल संतोष की किरजोतर को दिया गया था सुहासिनी मनी रत्नम इस फिल्म में कदी जुमा के रोल में देखने को मिलेंगे मोयडू के रोल में मोयडू का रोल है वो सुरेश कृष्णा ने प्ले किया हुआ है मई कुत्ती का रोल मनी कुत्तन ने प्ले किया हुआ है कोची राजा के रोल में आपको जी सुरेश कुमार देखने को मिलेंगे कोची राजा एडवाइजर का रोल श्रीकांत मुरली को दिया गया था ट्रांसलेटर का रोल कृष्णा प्रसाद को दिया गया था नामब्यथिर यानी कि समुद्री के नीस का रोल अर्जुन नंद कुमार को दिया गया था समुत्री सिस्टर का रोल पार्वती टी को दिया गया था अनंदन की वाइफ का रोल कोमल शर्मा को दिया गया था वाइस रॉय डा गामा वाले की में टो टोबी तो सुबेष बेक देखने को मिलेंगे एंड्री फुस्ती मिंदुका वाला किरदार मिक्स के हमने प्ले किया हुआ है पोल हॉन्टली थॉमस इस फिल्म में एल्फंसदी नौर का रोल प्ले करेंगे वीना नंद कुमार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे वहीं पे थंगोडो के असिस्टेंट का रोल बिनीस्कोडियार ने प्ले किया हुआ है मरक्कर का असिस्टेंट का रोल सियासम ने प्ले किया हुआ कोलिकोडे नारायण नेर वाला एक्टर ने इस फिल्म में अबूकरा हाजी का रोल प्ले किया हुआ स्ट्रीट वेंडर का कैमियो अपीयरेंस अनं एंटनी परमवर ने दिया हुआ जो फिल्म के प्रोड्यूसर है वहीं पे विक्रमन ने इस फिल्म में राजगरो का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को पहले 1996 के आसपास बनाने वाले थे जहां पे बाद में प्रिया दर्शन ने कहीं एक्टर्स को इस आइडिया को सुनाया हुआ था 99 में इस पिच को कंफर्म किया गया था और इस फिल्म के ऊपर काम होने वाला था लेकिन इस फिल्म के लिए बजट काफ़ी ज़्यादा चाहिए था जो उस समय हो नहीं पाता विजुअल इफेक्ट्स थे वो उस समय उतने बेहतर नहीं हो पाते और इस प्रोजेक्ट को बाद में जया के साथ रिवाइव किया गया था दो हज़ार में लेकिन तब भी ये सभी चीज़ें नहीं बन पाई ओगर सिनेमा के द्वारा इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के राइट्स खरीदे गए थे उसके बाद में कास्ट रूट के ऊपर बातचीत की गई थी तब भी ये चीज़ें नहीं हो पाई में में ने हिंदी फिल्म में रिवील किया हुआ कि मलयालम लैंग्वेज पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म में काम करे जिसमें मोहनलाल रोल में होने वाले 2017 में कहा गया था कि इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर शूटिंग स्टार्ट होने वाले इस फिल्म को हम एक उनकी हिंदी फिल्म वो कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट करवाया जाएगा इस फिल्म के ऊपर करीबन दस से ज़्यादा महीने की रिसर्च लगेगी उसके बाद में शूटिंग स्टार्ट की जाएगी उसके बाद में धीरे धीरे इस फिल्म के ऊपर काम करना स्टार्ट किया गया फिल्म की शूटिंग को बाद में 2018 के आसपास कोची से स्टार्ट किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के कास्टिंग और शूटिंग के ऊपर काम किया गया फिल्म को करीबन पचास से साठ दिनों की शूटिंग में अलग अलग शेड्यूल में कंप्लीट करवाया गया था फिल्म के ऊपर करीबन अस्सी से सौ करोड़ का बजट लगाया गया और मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से वन ऑफ दी हाईएस्ट बजट वाली फिल्मों की श्रेणी में इस फिल्म को शामिल किया गया था इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो साइट मिनट की लेंथ है साउंड ट्रैक की जिसमें 2018 से 20 तक गानों को रिकॉर्ड किया गया था एक अगस्त 2021 तक सभी गानों को रिलीज किया गया था मलयालम और हिंदी वर्जन के ऊपर मैं आपको ट्रैक लिस्टिंग बता देता हूं पहला गाना है कुंजू कुंजाली दूसरा गाना है कनीले ले इनते दूसरा गाना है चिबिनते चिल्लुला तीसरा गाना है इीलो पाँचवा गाना है नीए ये है छठा गाना है कुंजू कुंजाली इंस्ट्रूमेंट वर्जन तो इनको हिंदी में भी क्रिएट किया गया था तो हिंदी टाइटल थे नन्हे है कुंजाली दूसरा गाना था आँखों में तीसरा गाना था प्यारा सा कुंजाली वहीं पे मध्यम करके गाना था और हे नंद लाला और एक इंस्ट्रोमेंटल था नन्हे है कुंजाली का तो ये गाने हिंदी में भी क्रिएट किए गए थे इन सभी गानों को फ़िलहाल मैं यूट्यूब पर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में डी म्यूजिक पर हमारा स्टूडियो और सेना म्यूजिक इन सभी यूट्यूब चैनल के ऊपर अलग वज़न में आप इंजॉय कर सकते हो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी मरकर के किरदार के ऊपर इस बे है जहाँ पे सोलहवीं शताब्दी के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे कुंजली मरकर जिसका रोल प्ले करे मोहन लाल उनके किरदार के ऊपर बेस्ड है जिसकी फैमिली को काफ़ी ब्रूटल वे में मार दिया जाता है जहाँ पे कुंजली जंगल को चलाता हुआ आ रहा है बाद में वो जंगल में गरीबों का मसीहा बन जाता है उसी समय के दौरान जो जुमरीन का किंगडम है जो उसके ऊपर पोर्तज़ अटैक कर देते तो उस किंगडम के जो चीफ होते वो कुंजाली को अप्रोच करते उनसे मदद मांगते हैं और कुंजाली पुरतगेज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो किस तरह से जीतता है वही चीज़ों के ऊपर फिल्म के की कहानी सेट की हुई है फिल्म का वे काफी बढ़िया है मेजर अट्रैक्शन कह सकते हैं सिनेमाटोग्राफी काफी बढ़िया थी इस फिल्म में काफ़ी सारे मल्टीपल एडवांटेज कह सकते हैं मल्टीपल स्टार थे वो फिल्म के लिए बड़ा एडवांटेज था क्योंकि फिल्म की हर एक स्क्रीन में कोई ना कोई बड़ा स्टार बड़ी एक्ट्रेस आपको देखने को मिलती है फिल्म को काफ़ी रियलिस्टिक बेडरॉक के साथ दिखा गया था जहाँ पे चीज़ों को काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था मोहन इस फिल्म की लाइट एंड सोल है जिस तरह से उन्होंने एक टेरिफिक परफॉर्मेंस डिलीवर

सेकंड आप उतना कुछ खास नहीं था वो थोड़ा स्लो नज़र आता है उसको थोड़ा खींचा हुआ ऐसा नज़र आता है लेंदी रन टाइम था उसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए था चीज़ों को थोड़ा बेहतर वे में दिखाया जा सकता था फिल्म में किरदार में उतनी देव नज़र नहीं आते उसको बेहतर किया जा सकता था प्रोडक्शन वाली फिल्म की काफ़ी टॉप नोट नज़र आएगी इस फिल्म की हर एक स्क्रीन में हर एक का सीन में काफ़ी पैसा खर्च किया वैसा नज़र आता है प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी बढ़िया था किसी सबूत स्क्रील ने की हुई है जहाँ पर इस फिल्म में जो प्रॉप्स यूज़ किए हुए जो रॉयल लुक दिया हुआ है वो काफ़ी अच्छा है एक्शन क्वेंस को काफी अमेजिंग तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ है एडिटिंग बेहतर हो सकती थी करीबन फिल्म को पंद्रह बीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था डायरेक्टर प्रिया दर्शन ने एक बिलो एवरेज काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म की कहानी को काफ़ी अच्छे तरह से लिखा हुआ था लेकिन उसको बेहतर वे में, में वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए कुल मिला के मरक विजुअली काफ़ी एक बढ़िया ट्रीट दी जाती है लेकिन फिल्म में इमोशन से उसमें देपथ की कमी नज़र आती है प्रोसीडिंग काफ़ी लेंदी नज़र आती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन की कमी नज़र आती है इसमें काफ़ी ज़्यादा हेवी मलयालम फ्लेवर है इस वजह से आप अगर मलयालम फिल्म में देखना उतना कुछ खास प्रीफर नहीं करते हो तो शायद आपको कम पसंद आएगी अदरवाइज ओवरऑल एक अच्छी फिल्म कह सकते हो उसको वन टाइम वॉच के लिए जरूर देख सकते हो रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को मलयालम के साथ साथ तमिल तेलगु कन्नडा हिंदी सभी वर्जन में दो दिसंबर दो को यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे आई एम डी पे इस फिल्म को करीबन दस वोट मिले हुए हैं जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और इस फिल्म को बाद में थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन थोड़े दिनों के ही बाद ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट पर प्रीमियर करवा दिया गया था करीबन दो दिसंबर 2021 को फिल्म को थिएटर में रिलीज किया था मिक्स रिस्पॉन्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना कुछ खास ना आने की वजह से फिल्म को 17 दिसंबर 2021 तक डायरेक्ट ओ टी टी पे प्रीमियर करवा दिया गया था इसका मतलब थिएट्रिकल रिलीज के पंद्रह दिनों में ही फिल्म को ओ टी टी पे अवेलेबल करवा दिया था अब कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म ने राइट्स खरीदे कहाँ पर देखने को मिले ये फिल्म उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं फिल्म के ओटीटी राइट्स सभी वर्जन जैसे कि मलयालम मेन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा ये सभी वर्जन के राइट्स है वो खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने जिन्होंने काफी बड़ी रकम देते हुए इसके राइट्स खरीदे हुए थे तो ये फिल्म फिलहाल में मरक्र लाइन ऑफ द अरेबियन सी नाम के साथ मलयालम तमिल तेलुगु कन्नडा और हिंदी ये सभी वर्जन में ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मरक्कर फिल्म का जो ओ वर्ज़न है वो आपको ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे फिल्म ऑफिशियली आपको तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा और हिंदी इन सभी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देखने को मिल जाएगी जहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे इस फिल्म को बाद में आप सेटेलाइट चैनल्स के ऊपर रिस्पेक्टेड लैंग्वेज चैनल के ऊपर भी ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी इस फिल्म को मलयालम वर्जन में टाइटल दिया हुआ है मरकर अरब ग सिंहम और में तमिल टाइटल है मरक्यार अरब कत्त ने सिंगम इसके अलावा इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी टाइटल दिया हुआ था मरक्कन समुद्र का लुटेरा करके तो इस तरह से अलग अलग वर्जन में टाइटल दिया था लेकिन एक इंग्लिश टाइटल कॉमन था मरक्र लायन ऑफ द अरेबियन सी जिसको डिरेक्ट किया हुआ प्रिया दर्शन ने स्टोरी आइडिया प्रिया दर्शन का था डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें प्रिया दर्शन ने खुद की हुई है अंशी सासी ने इस फिल्म का डायलॉग और स्क्रीन प्ले में मदद की हुई है फिल्म को मलयालम तमिल साइमटेनसली दो वर्जन में क्रिएट किया गया था फिल्म का बजट करीबन सौ करोड़ था मलयालम लैंग्वेज की तरफ से कोई ऐसी फिल्म आ रही हो बड़ी फिल्म और उसका बजट इतना हो इसी पहली फिल्म थी क्योंकि इतना बड़ा बजट के साथ मलयालम लैंग्वेज में पहली फिल्म नहीं बनी थी और इस फिल्म के लिए टाइम भी काफी अच्छा खासा लगाया गया वैसे तीस पैंतीस दिन में मलयालम लैंग्वेज की फिल्में शूट हो जाती है लेकिन इस फिल्म के लिए काफ़ी बड़ा टाइम लगा था और साथ ही में इस फिल्म की जो शूटिंग थी उसके लिए प्रॉपर सेट क्रिएट किए गए थे जिसमें भी अच्छा खासा खर्चा किया गया था इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एंटोनी पेरूबरव ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी आशीर्वाद सिनेमाज और कॉन्फिडेंट ग्रुप के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है इस फिल्म को वी क्रिएशन ने तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट किया था फार फिल्म ने ओवरसीज में वहीं पे मैक्सलेब और एंटरटेनमेंट्स ने केरला वर्जन में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी तिरु ने की हुए एम एस अयपरनेर ने एडिटिंग की हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर राहुल राज और अंकित सूरी ने किए हुए लेल इवान रोइर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था वहीं पे सॉन्ग है वो रोनी राफेल ने किए हुए फिल्म के के ऊपर बातचीत तो फिल्म का जो है वो अलग-अलग में -अलग में भी बाद किया किया गया था पे लेवल पे इस फिल्म किया गया था क्योंकि को था उस वजह से पे इस फिल्म के गानों को 2018 से बीच के बीच के बीच में रिकॉर्ड किया गया था साइना म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइट्स थे वैसे अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग राइट्स बेचे गए थे जैसे कि हिंदी वर्जन के जो राइट्स राइट थे गानों के वो अलग वर्ज़न के लिए अलग अलग को बेचे गए थे तेलुगु वर्जन के लिए मैंगो म्यूजिक वालों ने राइट्स रखे हुए थे और इस फिल्म के जो दूसरे सभी वर्जन थे जिसमें डीवो परामवा स्टूडियो ने भी राइट्स अपने पास रखे हुए थे तो इस तरह से अलग अलग वर्जन के लिए गानों के राइट्स बेचे गए थे इसके अलावा इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अब हम बातचीत करें तो मोहम्मद अली जो कुंजाली मरक्र फाइ है उसका रोल मोहनलाल ने प्ले किया हुआ है यंग कुंजाली का रोल प्रणव मोहनलाल को दिया गया था आनंद मंगल लच्छांद कर जो रोल था वो अर्जुन सरजा ने प्ले किया हुआ था यंग आनंदन का रोल अरुण कुरियर ने दिया हुआ था वहीं पे चंद्रोत पेनी करके रोल में सुनील शेट्टी देखने को मिलेंगे तंगुरू के रोल में प्रभु देखने को मिलेंगे समुथिर के रोल में निंदुमोड़ी वेडू देखने को मिलेंगे धर्मोत पेनीकर का रोल मुकेश ने प्ले किया हुआ है पत्तु मरक्कर का रोल सिद्दक्की ने प्ले किया हुआ सबैडा का रोल है सुबेदा का रोल है वो मंजू वॉरियर ने प्ले किया हुआ है अर्चा का रोल कीर्ति सुरेश को दिया गया था आयसा का रोल कल्याणी प्रिया दर्शन ने प्ले किया हुआ है अछूतन्ना तन्ना मगध का रोल अशोक सेलवान ने प्ले किया हुआ है यंग अचुतान का रोल जीतिन पेतचर ने प्ले किया हुआ है चेंग जुआन चिन्नाली का रोल जय जे जकीर्त को दिया गया था नमन स्रूप का रोल इनोसेंट को दिया गया था वेर वीरकुत्तू पेनिकर का रोल के बी गणेश कुमार ने प्ले किया हुआ है पुथुमाना पेनिकर का रोल बाबूराज को दिया गया था मंगत चारन का रोल हरीश पेराडी को दिया गया था अबूकार हाजी के रोल में ममू कोया देखने को मिलेंगे वहीं पर कुथीवत्तू नेर वाला रोल है वो नंदू ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में फाजिल देखने को मिलेंगे जिन्होंने कुत्ती अली मरक्कर का रोल प्ले किया हुआ है कोकल टू पेनीकर का रोल संतोष की किरजोतर को दिया गया था सुहासिनी मनी रत्नम इस फिल्म में कदी जुम्मा के रोल में देखने को मिलेंगे मोयडू के रोल में मोयडू का रोल है वो सुरेश कृष्णा ने प्ले किया हुआ है मई कुत्ती का रोल मनी कुत्तन ने प्ले किया हुआ है कोची राजा के रोल में आपको जी सुरेश कुमार देखने को मिलेंगे कोची राजा एडवाइजर का रोल श्रीकांत मुरली को दिया गया था ट्रांसलेटर का रोल कृष्ण प्रसाद को दिया गया था नामब्यथिर यानी कि समुद्री के निज का रोल अर्जुन नंद कुमार को दिया गया था समुद्री सिस्टर का रोल पार्वती टी को दिया गया था अनंदन की वाइफ का रोल कोमल शर्मा को दिया गया था वाइस रॉय फ्रांसिसको डाक वाले किरदार में टो टोबी तो सुबेष बेक देखने को मिलेंगे एंड्री फूर्तुस्ती मिन्टुका वाला किरदार मिक्स के हमने प्ले किया हुआ है पोल हॉन्टली थॉमस इस फिल्म में एल्फंस दे न का रोल प्ले करेंगे वीना नंद कुमार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे वहीं पे थंगडो के असिस्टेंट का रोल बिनिसकोडियार ने प्ले किया हुआ है मरक्कर का असिस्टेंट का रोल सियास किरम ने प्ले किया हुआ है कोलिकोडे नारायण नेर वाला एक्टर ने इस फिल्म में अबूकर हाजी का रोल प्ले किया हुआ है स्ट्रीट वेंडर का कैमियो केमी अपरेंस एंटनी परमवर ने दिया हुआ जो फिल्म के प्रोड्यूसर है वहीं पे विक्रमन ने इस फिल्म में राजगरू का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को पहले 1996 के आसपास बनाने वाले थे जहां पे बाद में प्रिया दर्शन ने कहीं एक्टर्स को इस आइडिया को सुनाया हुआ था 99 में इस स्पीच को कंफर्म किया गया था और इस फिल्म के ऊपर काम होने वाला था लेकिन इस फिल्म के लिए बजट काफ़ी ज़्यादा चाहिए था जो उस समय हो नहीं पाता विजुअल इफेक्ट्स थे वो उस समय उतने बेहतर नहीं हो पाते और इस प्रोजेक्ट को बाद में जया के साथ रिवाइ किया गया था दो हज़ार में लेकिन तब भी ये सभी चीज़ें नहीं बन पाई ओगर सिनेमा के द्वारा इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के राइट्स खरीदे गए थे उसके बाद में कास्ट रूट के ऊपर बातचीत की गई थी तब भी ये चीज़ें नहीं हो पाई 2013 में ने हिंदी फिल्म में रिवील किया हुआ था कि वो मलयालम लैंग्वेज पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म में काम करे जिसमें मोहनलाल रोल में होने वाले 2017 में कहा गया था कि इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर शूटिंग स्टार्ट होने वाले इस फिल्म को हम एक उनकी हिंदी फिल्म कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट करवाया जाएगा इस फिल्म के ऊपर करीबन दस से ज़्यादा महीने की रिसर्च लगेगी उसके बाद में शूटिंग स्टार्ट की जाएगी उसके बाद में धीरे धीरे इस फिल्म के ऊपर काम करना स्टार्ट किया गया फिल्म की शूटिंग को बाद में 2018 के आसपास कोची से स्टार्ट किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के कास्टिंग और शूटिंग के ऊपर काम किया गया फिल्म को करीबन पचास से साठ दिनों की शूटिंग में अलग अलग शेड्यूल में कंप्लीट करवाया गया था फिल्म के ऊपर करीबन अस्सी से सौ करोड़ का बजट लगाया गया और मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से वन ऑफ दी हाईएस्ट बजट वाली फिल्मों की श्रेणी में इस फिल्म को शामिल किया गया था इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो मिनट की लेंथ है साउंड ट्रेक की जिसमें 2018 से 20 तक गानों को रिकॉर्ड किया गया था एक अगस्त 2021 तक सभी गानों को रिलीज किया गया था मलयालम और हिंदी वर्जन के ऊपर मैं आपको ट्रैक लिस्टिंग बता देता हूं पहला गाना है कुंजू कुंजाली दूसरा गाना है कनीले इंथे दूसरा गाना है चेबिनते चिल्लुला तीसरा गाना है इीवील पाँचवा गाना है नी इंथाए छठा गाना है कुंजू कुंजाली इंस्ट्रूमेंट वर्जन तो इनको हिंदी में भी क्रिएट किया गया था तो हिंदी टाइटल थे नन्हे है कुंजाली दूसरा गाना था आँखों में तीसरा गाना था प्यारा सा कुंजाली वहीं पे मध्यम करके एक गाना था और हे नंद लाला और एक इंस्ट्रूमेंटल था नन्हे है कुंजाली का तो ये गाने हिंदी में भी क्रिएट किए गए थे इन सभी गानों को फिलहाल में यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में डी वो म्यूजिक पर हवा स्टूडियो और सेना म्यूजिक इन सभी यूट्यूब चैनल के ऊपर अलग वर्जन में आप इंजॉय कर सकते हो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी मरकर के किरदार के ऊपर इस बेस्ट है जहाँ पे सोलहवीं शताब्दी के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे कुंजाली मरकर जिसका रोल प्ले करें मोहनलाल उनके किरदार के ऊपर बेस्ट है जिसकी फैमिली को काफ़ी ब्रूटल वे में मार दिया जाता है जहाँ पे कुंजाली जंगल को चलाता हुआ आ रहा है बाद में वो जंगल में गरीबों का मसीहा बन जाता है उसी समय के दौरान जो जुमरीन का किंगडम है जो उसके ऊपर पोर्टुगीज़ अटैक कर देते तो उस किंगडम के जो चीफ होते वो कुंजाली को अप्रोच करते हैं उनसे मदद मांगते हैं और कुंजाली पोर्तज़ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो किस तरह से जीतता है वही चीज़ों के ऊपर फिल्म के की कहानी सेट की हुई है फिल्म का वे काफ़ी बढ़िया है मेजर अट्रैक्शन कह सकते हैं सिनेमाटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी इस फिल्म में काफ़ी सारे मल्टीपल एडवांटेज कह सकते हैं मल्टीपल स्टार थे वो फिल्म के लिए बड़ा एडवांटेज था क्योंकि फिल्म की हर एक स्क्रीन में कोई ना कोई बड़ा स्टार बड़ी एक्ट्रेस आपको देखने को मिलती है फिल्म को काफ़ी रियलिस्टिक बेडरॉक के साथ दिखा गया था जहाँ पे चीज़ों को काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था मोहन इस फिल्म की लाइट एंड सोल है जिस तरह से उन्होंने एक टेरीफिक परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए वो आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने एक्शन सिक्वेंस प्ले किए हुए उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो पूरी फिल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आती है उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी अट्रेक्टिव था वो पूरी तरह से अकेले अपने कंधे पर इस फिल्म को चलाते हुए नजर आते हैं कीर्ति सुरेश ने इस फिल्म में काफी बढ़िया काम किया हुआ है जहाँ पे अर्जुन सरजा सुनील शेट्टी कल्याणी प्रिया दर्शन भी अच्छा रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं इस फिल्म के स्टंट एक्शन ब्लॉक आपको जरूर पसंद आएंगे वो काफ़ी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किए हुए फिल्म का कांडाप उतना कुछ खास नहीं था वो थोड़ा स्लो नज़र आता है उसको थोड़ा खींचा हुआ ऐसा नज़र आता है लेंदी रन टाइम था उसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए था चीज़ों को थोड़ा बेहतर वे में दिखाया जा सकता था फिल्म में किरदार में उतनी देव नज़र नहीं आते उसको बेहतर किया जा सकता था प्रोडक्शन वाली फिल्म की काफ़ी टॉप नोट नज़र आएगी इस फिल्म की हर एक स्क्रीन में हर एक का सीन में काफ़ी पैसा खर्च किया वैसा नज़र आता है प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी बढ़िया था किसी सबूत स्क्रील ने की हुई है जहाँ पर इस फिल्म में जो प्रॉप्स यूज़ किए हुए जो रॉयल लुक दिया हुआ है वो काफ़ी अच्छा है एक्शन क्वेंस को काफी अमेजिंग तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ है एडिटिंग बेहतर हो सकती थी करीबन फिल्म को पंद्रह जितना छोटा किया जा सकता था डायरेक्टर प्रिया दर्शन ने एक बिलो एवरेज काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म की कहानी को काफी अच्छे तरह से लिखा हुआ था लेकिन उसको बेहतर में, में वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए कुल मिला के मरक्कर विजुअली काफी एक बढ़िया ट्रीट दी जाती है लेकिन फिल्म में इमोशन से उसमें देव की कमी नज़र आती है प्रोसीडिंग काफी लेंदी नजर आती है और उसमें काफी ज्यादा कनेक्शन की कमी नज़र आती है इसमें काफी ज्यादा हेवी मलयालम फ्लेवर है इस वजह से आप अगर मलयालम फिल्म में देखना उतना कुछ खास नहीं करते हो तो शायद आपको कम पसंद आएगी अदरवाइज ओवरऑल एक अच्छी फिल्म कह सकते सकते हो हो उसको वन टाइम वॉच के लिए ज़रूर देख सकते रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को मलयालम के साथ साथ तमिल तेलगू कन्नडा हिंदी सभी वर्जन में दो दिसंबर दो को यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया था जब फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे आई एम डीवी इस फिल्म को करीबन दस वोट मिले हुए जिसमें पांच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और इस फिल्म को बाद में थिएट्रिकल रिलीज के करीबन थोड़े दिनों के बाद ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट पर प्रीमेयर करवा दिया गया था करीबन 2 दिसंबर 2021 को फिल्म को थिएटर में रिलीज किया था मिक्स रिस्पांस और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना कुछ खास ना आने की वजह से फिल्म को 17 दिसंबर 2021 तक डायरेक्ट ओ टी पे प्रीमियर करवा दिया गया था इसका मतलब थिएट्रिकल रिलीज़ के पंद्रह दिनों में ही फिल्म को ओ टी पे अवेलेबल करवा दिया था अब कौन से ओ टी ने राइट्स खरीदे कहाँ पर देखने को मिले ये फिल्म उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं फिल्म के ओ टी राइट्स सभी वर्जन जैसे कि मलयालम मेन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा ये सभी वर्जन के राइट्स है वो खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने जिन्होंने काफी बड़ी रकम देते हुए इसके राइट्स खरीदे हुए थे तो ये फिल्म फिलहाल में मरक्र लाइन ऑफ द अरेबियन सी नाम के साथ मलयालम तमिल तेलुगु कन्नडा और हिंदी ये सभी वर्जन में ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मरक्कर फिल्म का जो ओ वर्जन है वो आपको ऑफिशियली अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे फिल्म ऑफिशियली आपको तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा और हिंदी इन सभी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देखने को मिल जाएगी जहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे इस फिल्म को बाद में आप सेटेलाइट चैनल्स के ऊपर रिस्पेक्टेड लैंग्वेज चैनल के ऊपर भी ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी इस फिल्म को मलयालम वर्जन में टाइटल दिया हुआ है मरक्कर अरब ग सिंहम और में तमिल टाइटल है मरक्यार अरब कत्त लाल सिंगम इसके अलावा इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी टाइटल दिया हुआ था मरक्कन समुद्र का लुटेरा करके तो इस तरह से अलग अलग वर्जन में टाइटल दिया था लेकिन एक इंग्लिश टाइटल कॉमन था मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी जिसको डिरेक्ट किया हुआ प्रिया दर्शन ने स्टोरी आइडिया प्रिया दर्शन का था डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें प्रिया दर्शन ने खुद की हुई है अंशी सासी ने इस फिल्म का डायलॉग और स्क्रीन प्ले में मदद की हुई है फिल्म को मलयालम तमिल साइमटेनसली दो वर्जन में क्रिएट किया गया था फिल्म का बजट करीबन सौ करोड़ था मलयालम लैंग्वेज की तरफ से कोई ऐसी फिल्म आ रही हो बड़ी फिल्म और उसका बजट इतना हो इसी ये पहली फिल्म थी क्योंकि इतना बड़ा बजट के साथ मलयालम लैंग्वेज में पहली फिल्म नहीं बनी थी और इस फिल्म के लिए टाइम भी काफी अच्छा खासा लगाया गया वैसे तीस 35 दिन में मलयालम लैंग्वेज की फिल्म शूट हो जाती है लेकिन इस फिल्म के लिए काफी बड़ा टाइम लगा था और साथ ही में इस फिल्म की जो शूटिंग थी उसके लिए प्रॉपर सेट क्रिएट किए गए थे जिसमें भी अच्छा खासा खर्चा किया गया था इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एंटोनी पेरोबरो ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी आशीर्वाद सिनेमाज और कॉन्फिडेंट ग्रुप के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है इस फिल्म को वी क्रिएशन ने तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट किया था फास्ट फिल्म ने ओवरसीज में वहीं पे मैक्सलेब और एंटरटेनमेंट्स ने केरला वर्जन में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी तिरु ने की हुए एम एस अयपरनेर ने एडिटिंग की हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर राहुल राज और अंकित सूरी ने किए हुए लेल इवान रोइर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था वहीं पे सॉन्ग है वो रोनी राफेल

अलग वर्जन के लिए अलग अलग को बेचे गए थे तेलुगु वर्जन के लिए मैंगो म्यूजिक वालों ने राइट्स रखे हुए थे और इस फिल्म के जो द, दूसरे सभी वर्जन थे जिसमें डीवो पर स्टूडियो ने भी राइट्स अपने पास रखे हुए थे तो इस तरह से अलग अलग वर्जन के लिए गानों के राइट्स बेचे गए थे इसके अलावा इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अब हम बातचीत करें तो मोहम्मद अली जो कुंजाली मरक्र फाइ है उसका रोल मोहनलाल ने प्ले किया हुआ है यंग कुंजाली का रोल प्रणव मोहनलाल को दिया गया था आनंद मंगल लादकर के जो रोल था वो अर्जुन सरजा ने प्ले किया हुआ था यंग आनंदन का रोल अरुण कुरियन ने दिया हुआ था वहीं पे चंद्रोत पेनी करके रोल में सुनील शेट्टी देखने को मिलेंगे तंगुडू के रोल में प्रभु देखने को मिलेंगे समुथिर के रोल में निंदूमोड़ी वेडू देखने को मिलेंगे धर्मोत पेनीकर का रोल मुकेश ने प्ले किया हुआ है पत्तु मरकर का रोल सिदक्की ने प्ले किया हुआ सबैडा का रोल है सुबेदा का रोल है वो मंजू वॉरियर ने प्ले किया हुआ है अर्चा का रोल कीर्ति थी सुरेश को दिया गया था आयसा का रोल कल्याणी प्रिया दर्शन ने प्ले किया हुआ है अच्छु मगध चाचन का रोल अशोक सेलवा ने प्ले किया हुआ है यंग अचुतान का रोल जीतिन पेतचर ने प्ले किया हुआ है चेंग जुआन चिन्नाली का रोल जय जे जकी को दिया गया था नमन कुरुप का रोल इनोसेंट को दिया गया था वीर कुत्तू पेनीकर का रोल के बी गणेश कुमार ने प्ले किया हुआ है पुथुमाना पेनीकर का रोल बाबूराज को दिया गया था मंगत चार का रोल हरीश पेराडी को दिया गया था अबूकार हाजी के रोल में ममू कोया देखने को मिलेंगे वहीं पे कुथीव नेर वाला रोल है वो नंदू ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में फाजिल देखने को मिलेंगे जिन्होंने कुत्ती अली मरक्कर का रोल प्ले किया हुआ है कोकल टू तो, पेनीकर का रोल संतोष की किरजोतर को दिया गया था सुहासिनी मनी रत्नम इस फिल्म में कदी जुम्मा के रोल में देखने को मिलेंगे मोयडू के रोल में मोयडू का रोल है वो सुरेश कृष्णा ने प्ले किया हुआ है मई कुत्ती का रोल मनी कुत्तन ने प्ले किया हुआ है कोची राजा के रोल में आपको जी सुरेश कुमार देखने मिलेंगे। को मिलेंगे कोची राजा एडवाइजर का रोल श्रीकांत मुरली को दिया गया था ट्रांसलेटर का रोल कृष्णा प्रसाद को दिया गया था नाम्यथिर यानी कि समुद्री के निज का रोल अर्जुन नंद कुमार को दिया गया था समुद्री सिस्टर का रोल पार्वती टी को दिया गया था अनंदन की वाइफ का रोल कोमल शर्मा को दिया गया था वाइस रॉय फ्रांसिसको डाक वाले किरदार में टो टोबी तो सुबे बेक देखने को मिलेंगे एंड्री फुस्ती मिन्टुका वाला किरदार मिक्स के हमने प्ले किया हुआ है पोल हॉन्टली थॉमस इस फिल्म में एल्फंस नौर का रोल प्ले करेंगे वीना नंद कुमार इस फिल्म में देखने को मिलेंगे वहीं पे थंगडो के असिस्टेंट का रोल बिनिसकोडियार ने, ने प्ले किया हुआ है मरक्कर का असिस्टेंट का रोल सियास किरम ने प्ले किया हुआ है कोलिकोडे नारायण नेरवाला एक्टर ने इस फिल्म में अबूकरा हाजी का रोल प्ले किया हुआ है स्ट्रीट वेंडर का कैमियो अपीयरेंस अनंत एंटनी परमवर ने दिया हुआ है जो फिल्म के प्रोड्यूसर है वहीं पे विक्रमन ने इस फिल्म में राजगरो का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को पहले 1996 के आसपास बनाने वाले थे जहां पे बाद में प्रया दर्शन ने कई एक्टर्स को इस आइडिया को सुनाया हुआ था 99 में इस स्पीच को कंफर्म किया गया था और इस फिल्म के ऊपर काम होने वाला था लेकिन इस फिल्म के लिए बजट काफ़ी ज़्यादा चाहिए था जो उस समय हो नहीं पाता विजुअल इफेक्ट्स थे वो उस समय उतने बेहतर नहीं हो पाते और इस प्रोजेक्ट को बाद में जया के साथ रिवाइ किया गया था दो हज़ार में लेकिन तब भी ये सभी चीज़ें नहीं बन पाई ओगर सिनेमा के द्वारा इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के राइट्स खरीदे गए थे उसके बाद में कास्ट्रूट के ऊपर बातचीत की गई थी तब भी ये चीज़ें नहीं हो पाई 2013 में ने हिंदी फिल्म में रिवील किया हुआ था कि वो मलयालम लैंग्वेज पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म में काम करे जिसमें मोहनलाल रोल में होने वाले 2017 में कहा गया था कि इस फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर शूटिंग स्टार्ट होने वाले इस फिल्म को हम एक उनकी हिंदी फिल्म वो कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट करवाया जाएगा इस फिल्म के ऊपर करीबन दस से ज़्यादा महीने की रिसर्च लगेगी उसके बाद में शूटिंग स्टार्ट की जाएगी उसके बाद में धीरे धीरे इस फिल्म के ऊपर काम करना स्टार्ट किया गया फिल्म की शूटिंग को बाद में 2018 के आसपास कोची से स्टार्ट किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के कास्टिंग और शूटिंग के ऊपर काम किया गया फिल्म को करीबन पचास से साठ दिनों की शूटिंग में अलग अलग शेड्यूल में कंप्लीट करवाया गया था फिल्म के ऊपर करीबन अस्सी से सौ करोड़ का बजट लगाया गया और मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से वन ऑफ दी हाईएस्ट बजट वाली फिल्मों की श्रेणी में इस फिल्म को शामिल किया गया था इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो साइठ मिनट की लेंथ है साउंड ट्रेक की जिसमें 2018 से 20 तक गानों को रिकॉर्ड किया गया था एक अगस्त 2021 तक सभी गानों को रिलीज किया गया था मलयालम और हिंदी वर्जन के ऊपर मैं आपको ट्रैक लिस्टिंग बता देता हूं पहला गाना है कुंजू कुंजाली दूसरा गाना है कनीले इंथे दूसरा गाना है चिविनते चिल्लुला तीसरा गाना है लिवील पाँचवा गाना है नी ये इंथाई छठा गाना है कुंजू कुंजाली इंस्ट्रूमेंट वर्जन तो इनको हिंदी में भी क्रिएट किया गया था तो हिंदी टाइटल थे नन्हे है कुंजाली दूसरा गाना था आँखों में तीसरा गाना था प्यारा सा कुंजाली वहीं पे मध्यम करके एक गाना था और हे नंद लाला और एक इंस्ट्रोमेंटल था नन्हे है कुंजाली का तो ये गाने हिंदी में भी क्रिएट किए गए थे इन सभी गानों को फ़िलहाल में यूट्यूब पर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में दीवो म्यूजिक पर हवा स्टूडियो और सैना म्यूजिक इन सभी यूट्यूब चैनल के ऊपर अलग वर्जन में आप इंजॉय कर सकते हो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी मरकर के किरदार के ऊपर इस बेस्ड बेस्ट है जहाँ पे सोलहवीं शताब्दी के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे कुंजाली मरकर जिसका रोल प्ले करें मोहन उनके किरदार के ऊपर बेस्ट है जिसकी फैमिली को काफ़ी ब्रूटल वे में मार दिया जाता है जहाँ पे कुंजली जंगल को चलाता हुआ आ रहा है बाद में वो जंगल में गरीबों का मसीहा बन जाता है उसी समय के दौरान जो जुमरीन का किंगडम है जो उसके ऊपर पोर्तज़ अटैक कर देते तो उस किंगडम के जो चीफ होते हैं वो कुंजाली को अप्रोच करते हैं उनसे मदद मांगते हैं और कुंजाली पोर्तज़ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो किस तरह से जीतता है वही चीज़ों के ऊपर फिल्म के की कहानी सेट की हुई फिल्म का वे इफेक्ट्स काफ़ी बढ़िया है मेजर अट्रैक्शन कह सकते हैं सिनेमाटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी इस फिल्म में काफ़ी सारे मल्टीपल एडवांटेज कह सकते हैं मल्टीपल स्टार थे वो फिल्म के लिए बड़ा एडवांटेज था क्योंकि फिल्म की हर एक स्क्रीन में कोई ना कोई बड़ा स्टार बड़ी एक्ट्रेस आपको देखने को मिलती है फिल्म को काफ़ी रियलिस्टिक बेड्रॉक के साथ दिखा गया था जहाँ पे चीज़ों को काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था मोहन इस फिल्म की लाइट एंड सोल है जिस तरह से उन्होंने एक टेरिफिक परफॉर्मेंस डिलीवर की हुए वो आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने एक्शन सिक्वेंस प्ले किए हुए उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो पूरी फिल्म में काफी बढ़िया नजर आती है उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी अट्रेक्टिव था वो पूरी तरह से अकेले अपने कंधे पर इस फिल्म को चलाते हुए नजर आते कीर्ति सुरेश ने इस फिल्म में काफी बढ़िया काम किया हुआ है जहाँ पे अर्जुन सरजा सुनील शेट्टी कल्याणी प्रिया दर्शन भी अच्छा रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं इस फिल्म के स्टंट एक्शन ब्लॉक आपको जरूर पसंद आएंगे वो काफ़ी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किए हुए फिल्म का

को काफी अमेजिंग तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ है एडिटिंग बेहतर हो सकती थी करीबन फिल्म को पंद्रह जितना छोटा किया जा सकता था डायरेक्टर प्रिया दर्शन ने एक बिलो एवरेज काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म की कहानी को काफी अच्छे तरह से लिखा हुआ था लेकिन उसको बेहतर में, में वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए कुल मिला के मरक्कर विजुअली काफी एक बढ़िया ट्रीट दी जाती है लेकिन फिल्म में इमोशन से उसमें देव की कमी नजर आती है प्रोसीडिंग काफी लेंदी नजर आती है और उसमें काफी ज्यादा कनेक्शन की कमी नजर आती है इसमें काफी ज्यादा हेवी मलयालम फ्लेवर है इस वजह से आप अगर मलयालम फिल्म में देखना उतना कुछ खास प्रीफर नहीं करते हो तो शायद आपको कम पसंद आएगी अदरवाइज ओवरऑल एक अच्छी फिल्म कह सकते हो उसको वन टाइम वॉच के लिए जरूर देख सकते हो रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को मलयालम के साथ साथ तमिल तेलुगू कन्नड़ा हिंदी सभी वर्जन में दो दिसंबर दो को यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया था जब फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे आई एम डी पे इस फिल्म को करीबन दस वोट मिले हुए हैं जिसमें पांच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और इस फिल्म को बाद में थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन थोड़े दिनों के बाद ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट पर प्रीमियर करवा दिया गया था करीबन 2 दिसंबर 2021 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था मिक्स रिस्पांस और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना कुछ खास ना आने की वजह से फिल्म को 17 दिसंबर 2021 तक डायरेक्ट ओ टी पे प्रीमियर करवा दिया गया था इसका मतलब थिएट्रिकल रिलीज के पंद्रह दिनों में ही फिल्म को ओ टी पे अवेलेबल करवा दिया था अब कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म ने राइट्स खरीदे कहाँ पर देखने को मिले ये फिल्म उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं फिल्म के ओ टी राइट्स सभी वर्जन जैसे कि मलयालम मेन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा ये सभी वर्जन के राइट्स है वो खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने जिन्होंने काफी बड़ी रकम देते हुए इसके राइट्स खरीदे हुए थे तो ये फिल्म फिलहाल में मरक्र लाइन ऑफ द अरेबियन सी नाम के साथ मलयालम तमिल तेलुगु कन्नडा और हिंदी ये सभी वर्जन में ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मरक्कर फिल्म का जो ओ वर्ज़न है वो आपको ऑफिशियली अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे फिल्म ऑफिशियली आपको तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा और हिंदी इन सभी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देखने को मिल जाएगी जहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे इस फिल्म को बाद में आप सेटेलाइट चैनल्स के ऊपर रिस्पेक्टेड लैंग्वेज चैनल के ऊपर भी ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो तो बस गाइज इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म को किस तरह से कैसे ऑफिशियली देख सकते हो उसके ऊपर जानकारी दी हुई है फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर भी मैंने डिटेलिंग दी हुई है साथ ही में इस फिल्म के म्यूजिक मुझे, डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर जानकारी दी हुई है। फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है अलग अलग के ऊपर बातचीत किए हुई फिल्म से जुड़े सभी इंटरेस्टिंग तथ्य भी मैंने शेयर कर दिए है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू